सो एपिसोड की शुरुआत में जुआंग डोंग जैसे कह रहा होता है, ब्रदर डोंग अब जबकि हमारे पास पावर है तो हमें यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को चुनना चाहिए। जो कि सुनते ही डोंग जी वो अपने में कह रहा होता है यहाँ पे हर कोई वो है जो कि पीछे रह गए हैं, भले उनकी कॉम्बैट एबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हो लेकिन वो टीम के कंपैरिजन में पावरफुल नहीं है, इसीलिए मेरे टीम के लिए बचे हुए 3 स्लॉट को मुझे सावधानी से चुनना होगा। एक नॉर्मल टीम में सिर्फ 5 रून मास्टर होते हैं जो कि हर किसी सिचुएशन से निपट सकते हैं, इसीलिए एक टीम को एक ऐसी लीडर की जरूरत होती है जो कि कमान को संभाल सके और टाइम पर डिसीजन ले सके, एक अच्छे प्लान को समझ के उसे बना सके, उसी के साथ एक टैंक, क्लोज कॉम्बैट फाइटर, एक लॉन्ग रेंज का स्नाइपर स्काउट और एक हीलर, जिससे कि हमारी टीम परफेक्ट बन सकती है। लेकिन हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के साथ ऐसा टीम बनाना ये बिल्कुल हार्ड है। तभी जुआंग से कह रहा होता है, ब्रदर डोंग तुम किस तरह के टीममेट को चाहते हो? तो डोंग से कह रहा होता है एक स्ट्रेटेजिस्ट और एक क्लोज कॉम्बैट ड्यून मास्टर और कोई ऐसा जो कि सिचुएशन के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर सके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमें उसकी जरूरत है जिसपे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। जो कि सुनते ही जुआंग से कह रहा होता है, हाँ मुझे लगता है कि मैं एक स्ट्रेटेजिस्ट हो सकता हूँ। जो कि सुनते ही डोंग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने में कहता है, इसे देख लगता है कि ये तो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। तभी वहाँ पे और एक बंदा आता है जो कि तांग यू होता है, जिसका लेवल 16 एफ रैंक ड्यून मास्टर होता है, जिसे देखते हुए डोंग जी वो अपने में कह रहा होता है, इसके एट्रीब्यूट ये सब एवरेज है लेकिन उसकी विजडम ये काफी ज्यादा हाई है, ये वही बंदा है जिसकी मुझे तलाश थी। और ये कहते ही वो उसके साइड जाता है और उसे कह रहा होता है, चलो मेरे साथ आओ। तभी जुआंग कह रहा होता है, आखिर इस बड़े बक्से के अंदर क्या है? तो तांग यू कह रहा होता है, ये वो वेपन है जो कि दुश्मनों को मार सकते हैं। ये सुनते ही जुआंग थोड़ा सा डर जाता है। डोंग जी से कहता है, हे क्या तुम्हें टीममेट्स की जरूरत है? तो जुआंग कहता है, तुम अपना प्रोफेशन हमें बता सकते हो? ये सुनते ही तांग यू कहता है, मेरा नाम तांग यू है और मैं एक एफ रैंक का र्यून मास्टर हूँ और मेरा प्रोफेशन मैकेनिक है। जो कि सुनते ही जुआंग डोंग जी से कहता है, र्यून मास्टर सर्कल में एक कहावत है, इलाइट र्यून मास्टर नॉर्मल र्यून मास्टर को नीचे दिखाते हैं, उसी के साथ साथ क्लोज कॉम्बैट र्यून मास्टर लॉन्ग रेंज र्यून मास्टर को नीचे दिखाते हैं और सभी के सभी र्यून मास्टर मैकेनिक को नीचे दिखाते हैं। दूसरी तरफ डोंग जी वो अपने में कह रहा होता है, मैकेनिक्स और यूनिस्टोन वेपन्स क्राफ्टर्स ये काफी ज्यादा अलग होते हैं। मैकेनिक्स हिडन वेपन की तरह मैकेनिक्स वेपन्स को डिजाइन करने के लिए सोर्स के रूप में यूनिस्टोन का यूज करते हैं और इन वेपन्स की डिस्ट्रक्टिव पावर यूनिस्टोन वेपन से ज्यादा मजबूत नहीं होती लेकिन नॉर्मल लोग भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तांग यू ये मुझसे काफी ज्यादा अलग है, मैंने खुद को मजबूत बनाने के लिए फैसला किया लेकिन उसने पूरी मानवता को मजबूत बनाने का फैसला किया। और ये कहते डोंग जी से कह रहा होता है, मैं उसे अपनी टीम में चाहता हूँ। जो की सुनते ही जुआंग काफी ज्यादा रन हो जाता है और उसे कह रहा होता है, ब्रदर डोंग क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम ये क्या करना चाहते हो? यहाँ पे कई सारे मजबूत र्यून मास्टर है जो की हमसे जुड़ना चाहते हैं और वो इससे काफी ज्यादा पावरफुल भी है, हम किसी ऐसे बंदे को नहीं चुन सकते जिसकी कॉम्बैट एबिलिटी ये काफी ज्यादा कम है। तो डोंग जी से कह रहा होता है, जुआंग जियांग क्या तुम जानते हो कि सिटी के दीवार पे र्यून कैनन्स और प्रोटेक्ट बैरियर को डिजाइन किसने किया था? तो जुआंग कह रहा होता है, एक मैकेनिक्स ने। तो डोंग जी से कहता है, मैकेनिक्स के पास एक स्ट्रांग फिजिक नहीं होती लेकिन जो वेपन वो डिजाइन करते हैं वो रेगुलर वेपन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और टेम्पेस्ट हंटर ट्रायल नॉर्मल र्यून मास्टर को मैकेनिक वेपन को आइसलैंड में लेने की अनुमति नहीं देते हैं लेकिन एक मैकेनिक ऐसा कर सकता है और तांग यू को लेना एक चलते फिरते हथियार की तरह है। और चूंकि सारे के सारे पार्टिसिपेंट एक एफ रैंक के र्यून मास्टर है तो आइसलैंड का सबसे पावरफुल या फिर कहे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ए रैंक के र्यूनिस्टोन बीस्ट होगा और मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि तांग यू और उसके वेपन ये काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। जो कि सुनते जुआंग कहता है, ठीक है चूंकि तुम लीडर हो तो तुम डिसीजन कर सकते हो और मैं तुम पर यकीन करता हूँ। तो डोंग जी तांग यू के पास आते हुए कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। तो तांग यू कहता है, बाद में पछताना मत और ये कहते हैं वो उस पर साइन कर देता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को हनीकेन एप्लीकेशन के बारे में बता दूं जिससे कि तुम इजीली मनी जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट, जहाँ पे तुम क्रंची रोल स्पॉटिफाई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहाँ पे तुम्हें बस इस हनीकेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन अप करना है और इसे बस चलने देना है और ये बस तुम्हें तुम्हारे इंटरनेट यूज करने का पैसा देगा। मतलब तुम दिन भर मेरी वीडियो देखोगे और इससे तुम पैसा जनरेट कर पाओगे। तो बताओ है ना ये कमाल की चीज? और हाँ, ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये तुम्हारी कोई प्राइवेसी लीक करेगा। इसी के साथ अगर तुम और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को रेफर करो और अगर तुम इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो मेरे दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करो, जहाँ पे मेरा प्रोमो कोड प्रिंस एक्स हनीगेन को यूज करने पर तुम्हें $3 का बोनस मिलेगा। तो जल्दी से इसे डाउनलोड करो, लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। जो कि देखते ही डोंग से कहता है, अब से हम एक साथी है। ये कहते हैं वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है, हम अपने बेनिफिट को एंजॉय करेंगे और एक साथ खतरे का सामना करेंगे। ये कहते हैं दोनों हाथ मिला लेते हैं। तांग यू से कहता है, जरूर हम बेनिफिट्स को एक साथ एंजॉय करेंगे और उसी के साथ साथ सारे खतरे का एक साथ सामना करेंगे। तभी जुआंग कहता है, हमारी टीम के पास अभी भी 2 स्लॉट है। जो कि सुनते ही सभी लोग कह रहे होते हैं, मैं भी ज्वाइन होना चाहता हूँ और सभी लोग उनकी टीम में आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तो जुआंग कह रहा होता है, हम सिर्फ 2 लोगों को ले जा सकते हैं। और फिर डोंग जी कुछ लोगों को चुन लेता है। जो कि देखते ही जुआंग कह रहा होता है, ब्रदर डोंग आप
आपने जिन लोगों को चुना है उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगते, जो कि सुंदर डोंग से कहता है, लेकिन वो हमारे टीम के सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट बैठते हैं। उसमें से हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जोंग क्यूआई होता है, जिसकी लेवल 18 एफ्रैंग रून मास्टर होती है, जिसका प्रोफेशन एक स्वॉर्ड मास्टर होता है। उसी के साथ दूसरा चेंग लुलू होता है, जिसका लेवल 17 एफ्रैंग रून मास्टर होता है, जो की एक शूटर होता है। और डोंग जी वो अपने में कहता है, जोंग क्यूआई और चेंग लुलू एक ही सिटी से आए थे और एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए पार्टिसिपेंट के बीच उनकी कॉम्पैटिबिलिटी ये काफी ज्यादा अच्छी होगी। और डोंग से कह रहा होता है, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और हम टेम्पेस्ट थंडर आइसलैंड में है, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम ये कर सकते हैं, हम एक दूसरे पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। और वो सभी लोगों से कह रहा होता है, हमारे सामने चाहे जैसे भी सिचुएशन आ जाए, हम उन सबका सामना एक साथ करेंगे और एक दूसरे का भरोसा करेंगे, तो चलो अब ये करते हैं। सीन चेंज होता है, हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम तांग यू को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग कर रही होती है, और जहाँ पे उसे न्यूज में बताया जाता है कि टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल ये उस दिन होने वाला है जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम है, और इस साल इस ट्रायल में 2951 रून मास्टर ने पार्टिसिपेट किया है। उसी के साथ साथ टॉप 18 यूनिवर्सिटीज ने इस स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, यहाँ तक कि इसमें जीडाओ यूनिवर्सिटी और क्यूयाओ यूनिवर्सिटी भी शामिल है। ये सब देखते ही तांग यून वो अपने अपने कह रही होती है, मेरे ख्याल से इस साल जियाओ यूयू भी इस ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रही है, ये तो काफी ज्यादा जिद्दी है। वैसे अंकल कल पूरे दिन पागल थे क्योंकि उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को छोड़ दी थी और सभी को मैकेनिक की एबिलिटी दिखाने के लिए टेम्पेस्ट थंडर 12 में भाग लेने गए थे। तभी वो टीवी में डोंग जी को भी देखती है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, क्या ये डोंग जी है, क्या वो भी इस टेम्पेस्ट थंडर 12 में भाग ले रहा है। और वो अपने अपने कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि डोंग जी ने अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए अगर वो रियून मास्टर बन भी गया तो भी वो यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ इस 12 से गुजर सकता है और यूनिवर्सिटी में शामिल हो सकता है। जियाओ यूयू और डोंग जी भी एक ही टीम में है, शायद ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो जियाओ यूयू है वो तांग यू है, यानी कि तांग यू के अंकल। दूसरी तरफ हमें उसे पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोगों को बताया जाता है कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स प्लीज तुम्हें जो नंबर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग शटल में सवार हो जाओ, और ये जो एग्जाम है ये 3 दिनों तक चलेगा और तुम्हारे जरिए ये शटल छोड़ने के बाद ये एग्जाम शुरू हो जाएगा। जो कि सुनते जुआंग कह रहा होता है, ब्रदर डोंग चलो हमारा शटल ये है, अंदर चलते हैं। ये कहते ही वो अंदर चले जाता है जहाँ पे एक आदमी उसे बहुत ही बुरी तरीके से घूर रहा होता है और उसे कहता है, हे फैटी लगता है तुम्हें लास्ट में कूदना चाहिए। तो ये सुनते ही जुआंग उसे कहता है, हे ये तुम क्या कह रहे हो। जो कि सुनते ही वो बंदा हंसने लगता है और उसे कहता है, इस तरह हम तुम्हें मार सकते हैं और कुछ पॉइंट पा सकते हैं। जो कि सुनते ही दूसरा बंदा हंसने लगता है। ये सब सुनते ही जुआंग काफी ज्यादा डर जाता है कि तभी तांग यू अपना बॉक्स नीचे रखता है, जो कि सुनते ही वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तांग यू उसे कह रहा होता है, हम एक साथ क्यों नहीं कूदते, मेरा आरपीजी कुछ कार्रवाई के लिए खुजली कर रहा है, चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। जो कि सुनते ही वो दूसरा बंदा कहता है, तांग यू तुम इस तरह के भारी फायर आर्म को इस शिप में क्यों लेके आए हो, क्या ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। तो तांग यू कहता है, मैं एक मैकेनिक हूँ और ये वेपन मेरे ही आविष्कार है, इसीलिए मैं अपने साथ इसे ला सकता हूँ। जो कि सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। दूसरी तरफ जुआंग वो काफी ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ तुम एक भरोसेमंद साथी हो, जो कोई भी कहता है कि मैकेनिक पावरफुल नहीं है मैं उसे मारूंगा। तभी डोंग जी उसे कह रहा होता है, तांग यू क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारे वेपन्स के डिब्बे में और क्या क्या है। तो तांग यू कहता है, गैटलिंग गन, कैनन, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टेबल ड्रोन, बस यही कुछ है। जो कि सुनते ही जुआंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ऑसम तांग यू तुम्हारे साथ तमाम लोग डेफिनेटली फर्स्ट प्लेट पा सकते हैं। हम वहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा रही होती है। तभी उससे एक बंदा कह रहा होता है, डरो मत, इस बिजली से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ डोंग जी वो अपने मन में कह रहा होता है, टेम्पेस्ट थंडर आइसलैंड कभी एक जिंदा जगह हुआ करता था, लेकिन कई सालों पहले वहाँ वार्म होल का अपेयर हुआ और उनसे बहुत सारे यूनिवर्सल बीस्ट बाहर निकले जो कि इंसानों को इस आइसलैंड को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। वार्म होल की वजह से टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल के आसपास एक मैग्नेटिक एरिया डिस्टर्बेड हो गया, जिससे कि आइसलैंड लाइटनिंग क्लाउड में बदल गया और इन लाइटनिंग क्लाउड ने यूनिवर्सल बीस्ट को आइसलैंड से अलग करने में मदद की। उनमें से ज्यादातर एफ रैंक के आसपास है और सबसे ज्यादा पावरफुल ए रैंक तक ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तभी उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, हमने टेम्पेस्ट थंडर आइसलैंड के एयर स्पेस एरिया में एंटर कर लिया है, हर कोई प्लीज अपने पैराशूट को चार्ज कर ले और ड्रॉप के लिए तैयार हो जाए। और जुआंग को भी उसका बैकपैक दे दिया जाता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, क्या पैराशूट, क्या हमें यहाँ से बाहर निकलना है, और वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी सभी लोग वहाँ से नीचे कूद गए होते हैं, जो कि देखते ही वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो कह रहा होता है, मुझे बस अभी एहसास हुआ कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। और ये कहते हैं वो भी नीचे कूद जाता है कि सभी के सभी लोग उस शटल से नीचे उतर जाते हैं, यानी कि वहाँ से कूद जाते हैं। लेकिन हमारा जो जुआंग होता है उसकी काफी ज्यादा फट जाती है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं आखिर ये कैसा है, ये तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है।
मुझे घर जाना है। और ये कहते वो काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ डोंगजी वो अपने में कह रहा होता है, इसे देख के ऐसा लगता है कि कोई भी मीटर पर अटैक करने वाला नहीं है, लगता है कि कोई भी इस पर अटैक नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग अभी भी डर रही होती है, लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोलती है और वो अपने सामने देखते ही काफी ज्यादा रन होती है और कहती है वाकई में ये तो काफी ज्यादा प्रिटी है। दूसरी तरफ डोंगजी भी ये देख के काफी ज्यादा रन होता है और अपने में कहता है टेम्पेस्ट थंडर पोर्ट समुद्र के पास है, लेकिन इसके कंपैरिजन टेम्पेस्ट थंडर आइसलैंड के इस नजारे से नहीं की जा सकती, ये तो काफी ज्यादा सुंदर है। तभी जॉन कह रहा होता है लीडर हम कहाँ पे उतरे जल्ले में बताइए। ये सुनते ही डोंगजी नीचे देखने लगता है और ये बिल्कुल नजारा पबजी की तरह होता है और वो नीचे देखते हुए कह रहा होता है चलो हम उस पुल पर उतरते हैं। दूसरी तरफ उसे देखते हुए तांग यून वो अपने में कह रहा होता है इस आइसलैंड के दो भाग है जिसमें ये पुल उन्हें जोड़ता है और अगर हम लोग इस ब्रिज को काट कर सकते हैं तो ट्रायल के दौरान इससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ये बच्चा उससे कई ज्यादा स्मार्ट है जितना कि मैंने सोचा था, ये लड़का वाकई में काफी अच्छा है। तभी अचानक से वहाँ पे एक रियूनस्टोन बिस्ट हमला कर देता है जो कि देखते ही डोंगजी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है यहाँ पे रियूनस्टोन बिस्ट आ गए हैं तो इसलिए बच के। तभी वो जो रियूनस्टोन बिस्ट होता है वो चैंग पर हमला कर देता है जो कि देखते ही चैंग काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी डोंगजी अपने स्नैपर को समन करता है और उस रियूनस्टोन बिस्ट पर निशाना लगाते हुए उसे वहाँ पर मार डालता है जो कि देखते ही जोंग कह रहा होता है वाकई में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग शॉट था। तो चैंग भी कहती है थैंक यू लीडर। तभी जोंग देखता है कि चैंग का जो बैकपैक है वो फट चुका है और वो कह रहा होता है देखा रहे चैंग लुलू तुम्हारा जो पैराशूट है वो खराब हो चुका है, वो बिल्कुल फट चुका है। जो कि देखते ही चैंग भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है अब मैं क्या करूं। तभी डोंगजी कहता है जांग जियांग क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है, क्या तुम उसके पास पहुंच सकते हो। तो जोंग कह रहा होता है नहीं मैं नहीं कर सकता ये काफी ज्यादा दूर है। तभी डोंगजी कहता है तांग यू क्या तुम्हारे पास कोई भी तरीका है। ये सुनते ही तांग यू कह रहा होता है ठीक है सभी लोग मेरी बात सुनो एक दूसरे के ऊपर लाइन से आ जाओ मैं तुम्हें एक बढ़ावा दूंगा और तुम दूसरे को बढ़ावा देना। ऐसे करते करते तुम चैंग लुलू को भी पकड़ लगे और ये कहते हैं वो बहुत ही तेजी से जुआंग की पीठ पे किक मारता है जो कि देखते हैं जुआंग भी जुआंग की पीठ पे किक मारता है और कहता है जल्दी इसके पास जाओ। ये सुनते ही जुआंग भी डोंगजी को ढकेल देता है और कहता है लीडर मैं चैंग लुलू की जिंदगी तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूँ। दूसरी तरफ डोंगजी काफी तेजी से चैंग लुलू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन तभी जो सतह है वो भी काफी तेजी से करीब आ रही होती है। तभी डोंगजी अपना पैराशूट ओपन कर लेते हैं और वो सभी तभी हम देखते हैं कि डोंगजी ने उसे बचा लिया है और वो उसे कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। तो चैंग लुलू से कह रही होती है मैं ठीक हूँ लीडर थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये सुनते ही डोंगजी कह रहा होता है हाँ ये ठीक है लेकिन हमारे पास अब एक और परेशानी आ चुकी है। और ये कहते हैं वो नीचे उतर जाते हैं जहाँ पे चैंग लुलू उन्हें कॉल करते हुए कह रही होती है मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पा रही हूँ लगता है हम लोग अलग हो चुके हैं। तो डोंगजी कहता है इस एयरबर्ड का सिग्नल बस 500 मीटर तक के अंदर ही है इससे ज्यादा नहीं हो सकता इसलिए हम लोग उन्हें कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हम ओरिजिनल प्लान को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए उसी ब्रिज पर चले जाएंगे जहाँ पे तांग यू और दूसरे लोग भी होंगे। दूसरी तरफ ये सब वही एग्जामिनर देख रहा होता है तभी यहाँ पे और एक बंदा आता है जो कि बुक वन जी डाओ होता है और ये यूनिवर्सिटी रिक्रूटर होता है और वो उसे कह रहा होता है मेन एग्जामिनर आखिर सब कुछ कैसा चल रहा है। तो वो दूसरा वाइस एग्जामिनर कह रहा होता है हाँ सब कुछ कंट्रोल में है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी मेन एग्जामिनर कहता है 13 पार्टिसिपेंट्स पैराशूट के दौरान ही डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ये सुनकर ही वाइस एग्जामिनर कहता है हाँ वो सभी कचरे थे और उन सभी से और क्या उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पे और एक लेडी आते हुए कहती है वाइस एग्जामिनर ल्यू क्या तुम्हें पता है कि तुम इस साल मेन एग्जामिनर क्यों नहीं हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से है जो कि हर बार तुम हर किसी को नीचा दिखाते हो जो कि हर किसी के लिए काफी ज्यादा बेकार होता है। और ये जो लेडी होती है ये जी क्यू होती है जो कि क्यूई या यूनिवर्सिटी रिक्रूटर होती है जो कि सुनते ही वाइस एग्जामिनर ल्यू ये भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ जी अपने में कह रही होती है टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल का गोल एक्सीलेंट यून मास्टर्स को यूनिवर्सिटी में जाने के लिए दूसरा चांस पाने का मौका देता है लेकिन ये वाइस प्रिंसिपल ल्यू ये हमेशा इसके अगेंस्ट जाता है। दूसरी तरफ वाइस एग्जामिनर ल्यू उसे देखते हुए अपने कह रहा होता है एरोगेंट वुमेन अगर ये क्यूई या यूनिवर्सिटी से नहीं होती तो मैं इसे अभी इसका सबक सिखा देता। तभी बोकुआन कह रहा होता है रिक्रूटर जी क्यू क्या यहाँ पे कोई पार्टिसिपेंट है जिसने इस साल तुम्हारा ध्यान आकर्षित किया है। तो जी कहती है नहीं इसलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ एग्जामिनर यानिन को ढूंढने के लिए। और वो एग्जामिनर से कह रही होती है एग्जामिनर यानिन क्या तुमने इस बार किसी अच्छे कैंडिडेट को देखा है। और वो अपने कह रही होती है यानी की पर्सनैलिटी के आधार पे उसने प्रोबेबली सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स के बारे में सारी जानकारी पढ़ ली होगी उससे पूछना अच्छे रिक्रूटर को ढूंढने के बराबर होगा और ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तभी यानी कह रहा होता है यहाँ पे सभी के सभी काफी ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन यहाँ पे कोई एक है जो कि किसी पोइनर फैमिली से आया है। ये सुनते ही बोकुआन काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या पोइनर फैमिली से आखिर वो बंदा कौन है जो कि पोइनर फैमिली से आया है। तो यानिन कहता है एक लड़का जिसका नेम
तांगयून है, लेकिन वो एक मैकेनिक है। तो बोकवन कहता है मैकेनिक्स ये काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन उनकी कॉम्बैट एबिलिटी ये काफी ज्यादा लिमिटेड होती है और हो सकता है कि वो स्ट्रेल में अच्छा परफॉर्मेंस ना करे। तो वाइस एग्जामिनर ल्यू कह रहे होते हैं हमारे एनिमीज ये स्ट्रॉन्ग रूनस्टन बीस्ट है और मैकेनिक्स वो खुद उन्हें नहीं हरा सकते और उन्हें तो रून मास्टर भी नहीं कहा जाता। दूसरी तरफ जी ये सब नोट कर रही होती है और वो तांगयू को सर्च करती है जो कि टीम नंबर 537 भी होती है, जहाँ पे उनका लीडर डोंग जी होता है और उसी के साथ साथ वहाँ पे सभी बाकी मेंबर भी होते हैं, जो कि देखते ही जी काफी साधारण होती है और अपने में कहती है किसी ने अपनी टीम में एक मैकेनिक को भर्ती किया है, आखिर इनका लीडर क्या सोच रहा है। तभी वो देखता है कि उसकी जो रून स्पीड है वो 27% है, जो कि देखते ही वो काफी साधारण होती है और अपने में कह रही होती है क्या इसकी रून स्पीड बस 27% है, मुझे लगता है कि इसने जरूर अवेकनिंग मेडिसिन को लिया होगा, लेकिन मैंने सुना है कि अगर कोई भी इंसान ऐसी चीज खा के बच जाता है तो उसकी रून स्पीड ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी रून स्पीड अभी क्या है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो रून स्पीड दिखाई गई है वो डोंग जी के करंट रून स्पीड नहीं है। तभी वहाँ पे बोकवान आ जाता है और उसे कह रहा होता है तो रिक्रूटर जी इस टीम में इंटरेस्टेड है। ये सुनते ही जी भी काफी साधारण होती है और अपने लैपटॉप को बंद करते हुए उसे कह रही होती है दूर जाओ तुम यहाँ पे क्या उन लोगों को चुराने की कोशिश कर रहे हो जिन पर मेरी नजर है। तो बोकवान कहता है ओ रिक्रूटर जी क्यों तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ओरिजिनली जी राव और क्यू याओ दोनों ही जुड़े हुए हैं इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो जी कह रही होती है मुझसे चोरी करने का सपना भी मत देखो और यहाँ से दूर हो जाओ। तो बोकवान कहता है ये सब हमारे फ्यूचर के लिए है और तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं चोरी कर रहा हूँ, जो कि देखते हैं वहाँ के लोग कह रहे होते हैं जब से डाओ और क्यू युआओ यूनिवर्सिटी अलग हुए हैं तब से वे साथ में रहे हैं और मैंने सुना है कि पिछले साल इन दोनों रिक्रूटर्स ने आपस में लड़ाई की थी, जो कि सुनते दूसरा बंदा कहता है हाँ रिक्रूटर जियू क्यू को एक शैतान के रूप में माना जाता है और रिक्रूटर बोकवान वो भी नॉर्मल नहीं है, मैंने सुना है कि वो दूसरों से लोगों को चुराना पसंद करते हैं। तो ये सुनते ही वो पहला वाला बंदा कहता है क्या सच में ऐसा है क्या, तो मुझे उससे साथ रहने की जरूरत है और वो सभी सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने डोंगजी की टीम आती है जो कि देखते ही वो बंदा उसी दूसरे बंदे से कह रहा होता है क्या ये वही आदमी नहीं है जिसने तुम्हें परेशानी में डाला था। ये सुनते ही वो बंदा उसे देखते हुए अपने मन में कहता है क्या ये तो सच में वही कमीना है, क्या ये पहले से ही अपने साथियों से अलग हो चुका है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी वो दूसरा बंदा कहता है वो बंदा सीधे टीम नंबर 102 की तरफ जा रहा है, जो कि सुनते हुए पहला वाला बंदा कहता है हाँ ये तो ल्यू यूतियन की टीम है, अब लगता है कि ये कमीना इसके कयामत सामने आने वाली है। तो दूसरा बंदा कहता है क्या वो दूसरा लड़का वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वही बंदा कहता है टीम 102 के मेंबर्स मेरे होम टाउन से हैं, ल्यू यूतियन ने पिछले साल पार्टिसिपेट किया था और लगभग लाइटिंग मिलिट्री स्कूल द्वारा चुना गया था, जो कि सुनते वो दूसरा बंदा कहता है वाकई में ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो वही बंदा कहता है ल्यू यूतियन एक पीक एफ्रैंक रून मास्टर है, अगर वो कमीना उन टीम के सामने आ गया तो सच में वो मारा जाएगा और ये काफी ज्यादा अच्छा शो होने वाला है। कि डोंग जी और उसके साथ साथ चेंग लुलु दोनों ही उसी स्कूल बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाते ही चेंग लुलु कह रही होती है तो वही पुल एक स्कूल की बिल्डिंग है। आगे जाते ही डोंग जी बहुत कुछ नोटिस करता है और वो अपने मन में कह रहा होता है इस साल के वार्म होल की वजह से उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा, मैं ये जानना चाहता था कि इस स्कूल के कितने बच्चे बच गए हैं, वैसे चलो यहाँ कुछ मिनट आराम करते हैं। और ये कहते ही वो अपने बैज पे क्लिक करता है जहाँ पे उसका पॉइंट एक होता है, जो कि देखते ही वो अपने मन में कह रहा होता है तो मैंने उस एफ रैंक के रूनस्टन बीस्ट को मारने से एक पॉइंट पा लिया। और फिर वो वही बातों को याद करता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि टेम्पेस्ट ट्रायल में एक एफ रैंक रूनस्टन को मारना या फिर दूसरे पार्टिसिपेंट को खत्म करना तुम्हें एक पॉइंट देगा और एक ई रैंक के रूनस्टन बीस्ट को मारने पर तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे, अगर पूरे टीम ने से मिलकर मारा तो सारे के सारे मेंबर को एक एक पॉइंट बांट दिए जाएंगे। और डोंगजी वो अपने मन में कह रहा होता है पार्टिसिपेंट्स को खत्म करने के कंपैरिजन में रून बीस्ट को मारना ये इससे भी काफी ज्यादा आसान है, लेकिन जैसे ही सेफ जोन कम होता जाता है वैसे ही हमें एक दूसरे के पास आना होगा और हम लड़ने से नहीं बच सकते, तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द सबसे मिलना होगा। और वो चेंग लुलु को कह रहा होता है हमें बिल्डिंग के ऊपर जाके देखना चाहिए कि क्या हम वहाँ से जुआंग जियांग और दूसरे लोगों की सिचुएशन देख सकते हैं या फिर नहीं। तो ये सुनते ही चेंग लुलु कह रही होती है ठीक है चलो चलते हैं, और ये कहते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें कुछ हड्डियाँ दिखती है, जो कि देखते ही डोंगजी वो अपने में कहता है ऐसा लगता है कि चेंग लुलु की मेंटल एबिलिटी बेहतर है जितना मैंने सोचा था। और वो आगे बढ़ते हुए टेस्ट पे चले जाते हैं जहाँ पे जाते ही चेंग लुलु कह रही होती है जोंग यूआई और दूसरे लोग जरूर वहाँ पे उतरे होंगे, जो कि देखते ही डोंगजी उसे कंधे पे हाथ देता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाती है कि तभी डोंगजी उसे नीचे झुकाते हुए कहता है हमारे पीछे के पैराशूट्स को देखो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग उतरे हैं और वे शायद यहाँ से नहीं गए हैं। तो चेंग लुलु कह रही होती है लीडर अब हमें क्या करना चाहिए, तो डोंगजी कहता है अगर हम चले जाते हैं तो जुआंग जियांग और दूसरे खतरे में पड़ जाएंगे, हमें जगह की रक्षा करनी चाहिए, जो कि सुनते ही चेंग लुलु से कह रही होती है लेकिन हम सिर्फ दो हैं और दुश्मन के पास पूरी की पूरी टीम है। तो डोंगजी कहता है तो क्या होगी उनके पास पूरी
की पूरी टीम है। अगर हम एक अच्छी तरह से प्लान बनाते हैं तो हम उन सभी को मार सकते हैं। सामने की तरफ देखो, यहाँ पे दो वाटर टावर है जिनकी विंटेज काफी ज्यादा हाई है, और चूंकि हम दोनों स्नाइपर्स है तो हम दोनों इस हाई स्पॉट को क्लेम कर सकते हैं और अपने अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग हम अपने दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। और ये कहते हैं दोनों ही वाटर टैंक के ऊपर चढ़ जाते हैं। जहाँ पर जाते हैं डोंग से कह रहा होता है, क्या तुम्हें कोई मिला? तो चैंग लुलू कह रही होती है, नहीं मुझे यहाँ से कोई भी नहीं दिख रहा। और दोनों ही वेट कर रहे होते हैं कि तभी डोंग जी अपने रियोनिस्टन स्किल को एक्टिवेट करता है जो कि स्नेक आई होती है, और जिससे कि वो कुछ लोगों का पता लगा लेता है और कह रहा होता है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सीन चेंज होता है, हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं हमारे लीडर तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, पुल की सुरक्षा के लिए इस स्कूल के बिल्डिंग का लाभ उठाने से हम यहाँ से गुजरने वाले किसी भी इंसान को मार सकते हैं। तो दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैं तो पहले से ही ड्रीम मास्टर यूनिवर्सिटी को मुझे बुलाते हुए देख सकता हूँ। तभी वो दूसरा बंदा बाहर देखता है और उसे देखते ही काफी ज्यादा रन होता है, कहता है देखो बाहर एक पैराशूट है, लगता है यहाँ पे कोई उतरा है। तभी दूसरा बंदा कहता है जल्दी हमें अपने लीडर को ये इन्फॉर्मेशन बतानी होगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी अचानक से उसके पीछे से कोई उसे शूट करता है जो कि देखते ही दूसरा बंदा काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या अब ये क्या हुआ। तभी डोंग से चिल्लाते हुए कह रहा होता है लुलू अब तुम्हारी बारी तुम हमला करो। तो चैंग लुलू भी हमला करती है लेकिन जो कि देख के वो दूसरा बंदा अपने यून स्टोल स्किल का यूज कर लेता है और एक यून एनर्जी शील्ड बना लेता है जिससे कि उसे कुछ भी नहीं होता। और वो कहता है मुझे मानना इतना आसान नहीं होगा, जो कि देखते ही लुलू डोंग से कह रही होती है लीडर उसने एक यून स्टोल स्किल के साथ मेरे हमले को रोक दिया है लेकिन ये ठीक है मेरा दूसरा शॉट ये तैयार है। तभी डोंग जी उसे मारते हुए कह रहा होता है नहीं वो इस बार नहीं बच सकता और ये कहते वो उसे शूट कर लेता है। ये सब देखते ही चैंग लुलू काफी ज्यादा रन होती है और अपने में कहती है उसकी निशानेबाजी का स्किल ये तो बाकी में काफी ज्यादा अच्छा है और उसकी अटैक पावर ये बाकी में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब मुझे लगता है कि मैंने सही इंसान को फॉलो किया लेकिन मैं हैरान हूँ कि क्या उसकी कोई जीएफ है, अरे मैं क्या सोच रही हूँ। तभी डोंग जी उसे कह रहा होता है लुलू तुरंत अपनी जगह बदलो। फिर हमें उसी टीम के लीडर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्या शूटिंग की आवाज क्या यहाँ पे कोई और भी है। तो उसी के साथ ही कहती है लीडर लियु जुनहो और वेई चेन हाई दोनों ही एलिमिनेट हो गए हैं और ये वही 102 टीम होती है जिसका लीडर लियु युतियान होता है और इसके दो ही साथी बचे हुए होते हैं जहाँ पे लिन जिया वेई और यांग बो होते हैं। यांग बो कह रहा होता है धिक्कार है हमारे दो साथी वो पहले एलिमिनेट हो चुके हैं। इसे देख कैसे लगता है कि हमारा जो एनिमी है उसके पास 5 लोगों की टीम है। तो लिन जिया कह रही होती है लीडर अब हमें क्या करना चाहिए। तो युतियान कहता है जिया वेई अपने स्किल स्नेक आइज को एक्टिवेट करो और देखो कि वो लोग कहाँ पे हैं। तो जिया वेई अपने स्किल को एक्टिवेट कर लेती है और डोंग जी और उसी के साथ साथ चेंग लुलू का पता लगा लेती है और कहती है मैंने उन दोनों को देख लिया है वो हमारे सामने उस वाटर टैंक के पीछे है। क्योंकि सुनते ही युतियान काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या ये बस दो थे और उन्होंने हम पर अटैक करने की हिम्मत की, लगता है अब ये मरने वाला है। ध्यान से सुनो ये जो स्कूल बिल्डिंग है ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और हम लोग इस प्लेस में गिव अप नहीं कर सकते, हम उन्हें टॉप फ्लोर पर हमला करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। जो कि सुनते ही दूसरे लोग कह रहे होते हैं ठीक है लॉजर। दूसरी तरफ वो दोनों एक दीवार के पीछे छिपे हुए होते हैं जहाँ पे चैंग लुलू कह रही होती है लीडर ऐसा लगता है कि वो तीनों हमारी तरफ आ रहे हैं। तो डोंग से कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम्हारे पास यून स्टोन स्किल है? तो वो कहती है हाँ मेरे पास एक एफ रैंक की स्किल कोल्ड ब्लडेड है और ये जो कोल्ड ब्लडेड स्किल है इसे एक्टिवेट करने पर होस्ट की सिग्नेचर को मिटा दिया जाता है जिससे कि हिट सेंसर का पता नहीं चलता और इसकी ड्यूरेशन 5 सेकंड तक होती है। और वो डोंग से कहती है टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो इसलिए मैंने एक सर्वाइवल टाइप स्किल चुना है। तो डोंग से कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है ये वही स्किल है जिसकी हमें जरूरत है तो मेरी बात सुनो। दूसरी तरफ हमें उसी 102 की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे लियु युतियान कह रहा होता है यहाँ तक कि अगर वे सिर्फ 2 है लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा पावरफुल है तो इसलिए सावधान रहना। तो जिया वे तुम यहीं पर रुको यांग वो और मैं उसे ढूंढने जाएंगे। तो जिया वे कहती है ठीक है। तभी यांग वे कहता है जिया वे तुम्हारी ये स्नेक आई स्किल ये कब तक रहेगी? तो जिया वे कहती है बस 10 सेकंड और ये 10 सेकंड तक चल जाएगी। तो लियु युतियान कहता है हाँ ये अच्छा है ये हमारा स्कूल है तो इसलिए किसी और को ये सोचने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए हम उन्हें मार डालेंगे। तो जिया वे कहती है ठीक है मैं इसका यूज करती हूँ और ये कहते ही वो उन दोनों का पता लगा लेती है और कहती है वो 1 o'clock डायरेक्शन में है एयर कंडीशनर के पीछे। जो कि देखते ही युतियान काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है हो सकता है कि तुम्हारी गन काफी ज्यादा तेज है लेकिन एक बार जब मैं करीब आ जाता हूँ तो मेरी स्वाट उससे भी तेज हो जाती है और तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। ये कहते वो अपनी रियोनिस्टोन स्किल डिस्ट्रॉइंग माउंटेन स्लैश को एक्टिवेट करता है और एक ही झटके में उस कंडीशनर को उड़ा देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे डोंग जी उससे बच के भाग रहा होता है जो कि देखते ही वो भी काफी ज्यादा रन होता है और हंसते हुए कह रहा होता है अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी है तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकते। तभी यांग वो कहता है लेकिन वो दूसरा कहाँ पे है? जो कि सुनते ही जिया वे भी स्कैन कर रही होती है और कहती है नहीं मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही आखिर वो कहाँ पे है। लियु युतियान ये समझ के कह रहा होता है नहीं
नहीं ये तो एक जाल है, सावधान रहना। तभी जियावे के पीछे चैंग लुलु आ जाती है और उसे कह रही होती है अब ये खेल खत्म हो चुका है, अलविदा। ये कहते ही वो उस पर शूट कर देती है, जो कि देखते ही दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जहाँ पे लियू युतियन कहता है धिक्कार है ये लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, यांगबो मेरे साथ आओ, पहले हमें उस स्नाइपर को मारने की जरूरत है। दूसरी तरफ चैंग लुलु वो देखती है कि उसकी भी पॉइंट वो बढ़ रही है, जिसके बाद वो यांगबो पर हमला करता है, जो कि देखते ही यांगबो कहता है लीडर मैं इसे ब्लॉक करता हूँ, तुम दूसरे आदमी को मार डालो। और लियू युतियन डोंगजी के पीछे जाता है और उसे कह रहा होता है चलो देखते हैं कि तुम मुझसे कितनी दूर तक भाग सकते हो। ये सुनते डोंगजी काफी तेजी से भागते हुए दूसरे छत पे चले जाता है और अपने में कहता है एक र्यून मास्टर का बॉडी ये वाकई में काफी ज्यादा एक्सीलेंट होता है, अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान जैसा होता तो मैं ये छलांग नहीं लगा पाता। तब इसके पीछे से युतियन भी आते हुए कह रहा होता है वो स्नाइपर जो कि बेनकाब हो गया है वो सिर्फ मर सकता है। तो डोंगजी कहता है अच्छा ऐसा है क्या, और ये कहते हुए वहाँ पे पड़ा हुआ पाइप से काफी तेजी से उसके ऊपर दे मारता है और उसे कहता है भाड़ में जाओ, जिससे कि वो वहाँ से उड़ते हुए नीचे गिर जाता है और कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि देखते ही वो उसे देखते हुए कह रहा होता है दत्ते देखिए ये तो काफी ज्यादा गलत है। दूसरी तरफ लुलु उस पर शूट कर रही होती है और उसे पीछे धकेल रही होती है और अपने मन में कहती है ये लड़का ईरैंग का हो सकता है, मेरी ह्यून एनर्जी की गोलियां उसकी ढाल को भेद नहीं सकती, इसे देख के लगता है कि इसकी डिफेंस स्किल ये काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ वो जो बो होता है वो कह रहा होता है ठीक है अब मेरी बारी, ये कहते वो काफी तेजी से अपने शील्ड को लेते हुए आगे बढ़ता है और यूनिस्टन स्किल रेकलेस बुल चार्ज को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से लुलु को हिट करता है, जिसकी वजह से लुलु काफी तेजी से पीछे जा गिरती है, जो कि देखते ही डोंगजी घबरा जाता है और आगे की तरफ भागते हुए अपने मन में कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये टैंक इस टीम का सबसे स्ट्रांगेस्ट मेंबर होगा, मुझे जल्दी से वहाँ पे जाना होगा। दूसरी तरफ वो जो वो होता है वो उसके स्नैपर को देखता है और उसे उठाते हुए लेली के ऊपर तान देता है और उसे कह रहा होता है तुम चूहे क्या तुम ये सोच रहे थे कि तुम हमारी टीम को एलिमिनेट कर पाओगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा तब होता है जब तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हो, तुमने अपने आप को क्या समझा अब तुम मरने वाले हो, तुम अपने वेपन से मरने वाले हो। तभी अचानक से वहाँ पर डोंगजी आ जाता है और उसे काफी तेजी से किक करते हुए वहाँ से हटा देता है और लुलु से कह रहा होता है लुलु चलो यहाँ से चलते हैं, जो कि सुनते लुलु कह रही होती नहीं लीडर मैं यहाँ से हिल नहीं सकती। तो डोंगजी चिल्लाते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठाता हूँ और ये कहते हैं वो उसे अपने कंधे पे लेते हुए भागने लगता है। ये सब देखते ही वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम कमीने मैं तुम्हें मारने वाला हूँ अब तुम नहीं बच सकते। दूसरी तरफ डोंगजी वहाँ से कूदने वाला होता है, जो कि देखते ही लुलु से कह रही होती लीडर आप मुझे अपनी पीठ पे लेते हुए यहाँ से कूद नहीं सकते, बस मुझे यहाँ पे नीचे उतार दीजिए। जो कि सुनते ही डोंगजी उससे कह रहा होता है बस तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मुझे कसकर पकड़े रहो और मुझ पर यकीन करो। ये कहते ही वो वहाँ से कूदते हुए दूसरे बिल्डिंग पे चले जाता है। ये सब देखते ही वो चिल्लाते हुए कहता है तुम बस ये प्रे करो कि तुम मेरे हाथ में ना आओ नहीं तो आज तुम मरने वाले हो। ये सब देखते ही डोंगजी वो अपने में कहता है उस लड़के की एजिलिटी एट्रीब्यूट ये काफी ज्यादा कम है इसलिए वो वहाँ से छलांग नहीं लगा सका और वो लुलु से कह रहा होता है अभी के लिए हमें सुरक्षित रहना चाहिए लेकिन तुमने अपने यूनिस्टन वेपन को खो दिया है और यहाँ पे यांगबो का डिफेंस ये काफी ज्यादा है हम उसे हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं मार सकते, अब मुझे लगता है कि हम बस इतना ही कर सकते हैं कि यहाँ से भाग सकते हैं। और ये कहते हुए कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। तभी उनके पीछे से युतियन आ जाता है और उसे कह रहा होता है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो मेरा सामना तो करो, जो कि देखते ही वो दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं। युतियन कहता है क्या तुम लोगों ने सोचा कि मैं मर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब देखते ही लुलु काफी ज्यादा रन होती है और अपने में कहती है दिखा रहे लीडर एक स्नैपर है और ये एक यूनिस्टन स्वॉर्ड्समैन है जिसकी क्लोज कॉम्बैट काफी ज्यादा है और ये उसके लिए फायदेमंद है, हमारे पास बचने का कोई भी तरीका नहीं है। तभी डोंगजी उससे कहता है तुम्हारी टीम के सारे मेंबर वो एलिमिनेट हो गए हैं और हम अपने साथियों से अलग हो गए हैं तो इसलिए हम दोनों एक टीम में क्यों नहीं आ जाते। जो कि सुनते ही युतियन उससे कहता है क्या तुम पागल पागल तो नहीं हो गए हो, मेरे साथियों को एलिमिनेट करने के बाद तुम मेरी टीम में ज्वाइन होना चाहते हो। तभी डोंगजी पीछे से अपना यूनिस्टोन लुलु को देने लगता है, जो कि देखते ही वो अपने में कह रही होती है लीडर क्या ये उनका यूनिस्टोन है, क्या ये चाहते है कि मैं उसे ले लूं, और वो उसे लेते ही वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ डोंगजी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि देखते ही युतियन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है क्या तुम बचना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे यहाँ से जाने दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि क्या होता है जब एक र्यून मास्टर स्वॉर्ड्समैन एक र्यूनिस्टोन स्नैपर का सामना करता है। ये कहते ही वो काफी तेजी से डोंगजी को ऊपर अटैक करता है लेकिन डोंगजी उसके वार को काउंटर कर लेता है, जो कि देखते ही वो भी काफी ज्यादा रन होता है और अपने में कहता है नहीं क्या ये र्यूनिस्टोन स्नैपर नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, ये तो मेरे जैसे स्ट्रांग है। दूसरी तरफ डोंगजी वो अपने में कह रहा होता है इस एनहांस गॉगल्स के जरिए जो डाटा गैदर हुआ है उसके लिए थैंक्स, जिसकी वजह से मैं जान पाया कि मैं ऐसे लड़ सकता हूँ बिना किसी डिसएडवांटेज के। और हमें युतियन की स्टैट्स दिखाई जाती है जहाँ पे उसकी यूनि स्पीड 73% स्ट्रेंथ एजिलिटी फिजिक और विस्टम सभी के सभी डोंगजी से कम होते हैं और डोंगजी वो अपने में कह रहा होता है वास्तव में मेरे स्टैट्स उससे कहीं ज्यादा है मैं उसे इजीली हरा सकता हूँ। ये कहते ही वो उस पर काउंटर अटैक करता है और उसके स्वॉर्ड्स को उसके हाथों से ही गिरा देता है, जो कि देखते ही युतियन और भी ज्यादा रन होता है और कहता है धत्तेरी की आखिर ये बंदा क्या है, ये कमीना इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। ये कहते ही वो अपने
यूनिस्टन को पकड़ने जाता है। ओपनर यूनिस्टन का यूज करते हुए अपने कह रहा होता है, मुझे अपने दूसरे यूनिस्टन स्किल का यूज करना होगा और उसे अभी के अभी यहीं पर ही मारना होगा, नहीं तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तभी लुलुस पे शूट करते हुए उसे एलिमिनेट कर देती है और कहती है, आखिर मैंने ये कर दिया। जो की देखते ही डोंगजी उससे कहता है, हाँ गुड शॉट। लुलु कहती है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लीडर ने उनका ध्यान भटा रखा था। दूसरी तरफ डोंगजी वो अपने शॉट को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, ये तो अफसोस की बात है कि मेरी ये छोटी सी तलवार इस स्ट्रगल को संभाल नहीं पाई और टूट गई। रिफिल एनर्जी टाइप यूनिस्टोन वेपन वास्तव में एक सच्चे यूनिस्टोन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमजोर है। आमतौर पर यूनिस्टोन स्नैपर अपनी सटीकता की ट्रेनिंग करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन सिस्टम की वजह से मेरे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ये सभी के सभी बैलेंस है, तो इसीलिए अगर मैं एक यूनिस्टोन स्नैपर नहीं बनना चाहता तो भी मैं एक अच्छा सा स्वॉर्ड्समैन बन सकता हूँ। ये कहते वो उसका स्वॉर्ड उठा लेता है और अपने में कहता है, ये मेरे और दूसरे यून मास्टर के बीच का डिफरेंस है, मैं इस ट्रायल को जीत के छोड़ूंगा। तभी उसके पीछे से लुलु से कह रही होती है, लीडर यूतियान ने अपने यूनिस्टोन स्किल क्रिस्टल को गिरा दिया है। तो रॉन्ग्स उसे देखते हुए कह रहा होता, चलो देखते हैं कि ये क्या है। और ये जो एफ रैंक का यूनिस्टोन स्किल है, ये एक जंप स्लैश अलाउ करता है जो कि जंप फोर्स को 200% बढ़ा देता है। जो कि देखते ही डोंगजी वो अपने में कहता है, 200% पावर बफ, मेरी यूनिस्टोन स्किल की एफिशिएंसी 106% है, क्या इसका मतलब ये है कि ये बढ़कर 212% हो जाएगी। तभी लुलु से कह रही होती है, लीडर आपका यूनिस्टोन वेपन ये ई रैंक का है और मैंने उस शॉट के लिए अपनी सारी की सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए लड़ नहीं सकती। और उसी के साथ साथ वो जो यूनिस्टोन टैंक है वो जल्द ही यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो डोंग से कहता है, अब हमें भागने की जरूरत नहीं है, मैं उसे संभालूंगा। ये सुनते ही लुलु से कहती है, मैंने उसे पीछे देखने की कोशिश की थी लेकिन उसका डिफेंस ये काफी ज्यादा है। तो डोंग से कहता है, तुम सही हो लेकिन मैं इस शॉट के साथ उसे खत्म कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि नीचे से वो आ रहा होता है और कहता है, बदबूदार चूहे, लीडर को खत्म करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पे छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते ही वो उनके सामने आ जाता है और उन लोगों से कह रहा होता है, चलो अब देखेंगे तुम लोग कैसे बचो। तो डोंगजी लुलु से कह रहा होता है, अभी यही रुको और यहाँ पे आराम करो, वो ऐसे चिंता मत करो, मैं इस बड़े से आदमी से निपट लूंगा। ई रैंक और इसके नीचे मेरे मुकाबले के नहीं है, तो इसलिए मैं इसे आसानी से निपट सकता हूँ। जो कि सुनते ही लुलु वो अपने में कह रही होती है, लीडर वाकई में काफी ज्यादा मजबूत है लेकिन उस व्यक्ति का डिफेंस ये भी काफी ज्यादा है, क्या लीडर सच में इससे लड़ सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे बस इस पर भरोसा करना होगा, भले ही वो फेल हो जाए तो भी कोई बात नहीं होगा, मैं और एक साल इंतजार कर सकती हूँ। दूसरी तरफ वो जो बो होता है वो डोंगजी से कह रहा होता है, क्या तुम लगता है कि तुम मेरे डिफेंस से आगे निकल सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते ही वो अपनी पावर को अनलीश करता है और कहता है, एक यूनिस्टोन स्नैपर के रूप में तुम्हारे पास मेरे खिलाफ जीतने का मौका ही नहीं है। तो डोंगजी कहता है, लेकिन मैं दूसरे यूनिस्टोन स्नैपर से काफी ज्यादा अलग हूँ। तो ये सुनते ही बो चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन ये मेरे एब्सोल्यूट डिफेंस के सामने कुछ भी नहीं है। जो कि देखते ही बो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते ही डोंगजी वो अपने यूनिस्टोन स्किल का यूज करता है और 200% बफ को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक करता है, जो कि देखते ही वो भी काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ डोंगजी वो अपने में कहता है, यांग बो के पास सबसे हाई एटीट्यूड फिजिक है लेकिन मेरी स्ट्रेंथ भी उसी की तरह सेम है, तो इसलिए 1-on-1 फाइट में मैं इसे इजीली हैंडल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ बो से देखते हुए काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या तुम यूनिस्टोन स्नैपर नहीं हो, तुम मेरे अटैक का सामना कैसे कर सकते हो। तो डोंगजी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, कभी भी किसी का हुलिया देख के उसका औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, वो हुलिया बदल डालता है। और ये कहते हुए वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे काफी तेजी से पीछे हटा देता है, जो कि देखते ही भो कहता है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी तरफ लुलु ये सब देखते हुए काफी ज्यादा रन होती है और वो अपने मन में कहती है, लीडर का प्रोफेशन वो यूनिस्टोन स्नैपर है लेकिन उनकी कॉम्बैट एबिलिटी उस यूनिस्टोन स्वॉर्ड्समैन से कमजोर नहीं है। दूसरी तरफ डोंगजी कह रहा होता है, इसकी वजह यह है कि मैं एक यूनिस्टोन स्नैपर हूँ, मुझे पता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर मैं खुद को क्लोज कॉम्बैट के लिए मजबूर कर दूं। उसे काफी तेजी से यांग बो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, इसी वजह से मैंने क्लोज कॉम्बैट का ट्रेनिंग लेता रहा क्योंकि जब मुझे क्लोज कॉम्बैट फाइट के लिए मजबूर किया जाएगा तो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और ये कहते हैं वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसका डिफेंस वो काफी मुश्किल से कर रहा होता है और कहता है, दत्त तेरे की, कोई भी हराने की बात नहीं है कि लियू यूतियान को इस बच्चे ने एलिमिनेट कर दिया। और वो उसे कह रहा होता है, तो क्या हो गया अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरी जैसी है लेकिन मैं एक यूनिस्टोन टैंक हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी शील्ड को तोड़ सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लुलु वो अपने में कह रही होती है, उस आदमी का कॉम्बैट एबिलिटी वो एरेंग के करीब है और उसी के साथ साथ उसके रियन शील्ड को तोड़ा नहीं जा सकता, वो काफी ज्यादा मजबूत है और लीडर के प्रेजेंट कॉम्बैट एबिलिटी के साथ साथ वो शील्ड को तोड़ नहीं सकते। दूसरी तरफ डोंग से कह रहा होता है, तो क्या हो गया अगर मैं ये कर नहीं सकता, लेकिन क्या हो कि अगर मैं स्ट्रेंथ इनहेंस के लिए यूनिस्टोन स्किल का यूज करूं। जो कि देखते ही वो काफी साधारण होता है और कहता है, ये तो लियू यूतियान का यूनिस्टोन स्किल है। और वो अपना यूनिस्टोन निकालते हुए कह रहा होता है, हे बच्चे क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरे पास भी कोई यूनिस्टोन स्किल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके पास जो स्किल होता है वो माइटी टर्टल आर्मर होता है, जो कि उसकी डिफेंस स्किल को 200% तक बढ़ा देती है। और वो कह रहा होता है, मेरे स्किल के साथ
मैं इसकी पावर को 200% तक बढ़ा सकता हूँ। तो डोंग सी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, हाँ ये वही है जिसमें तुम फिर से गलत हो। चलो देखते हैं मेरी ऑफिस वर्सेस तुम्हारी डिफेंस, और हम देखेंगे कि विनर कौन होगा। और ये कहते हैं डोंग सी काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, और हमें देखा जाता है कि उसकी जो रियोनस्टोन स्किल एफिशिएंसी होता है वो 106% होता है, जो कि देखते ही वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। डोंग सी उस पर वार करते हुए उसकी शील्ड को भी तोड़ देता है और उसे भी एलिमिनेट कर देता है, जो कि देखते ही लुलू भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है बॉस आपने तो कर दिखाया। तभी डोंग सी कह रहा होता है ये रियोनस्टोन स्किल काफी एनर्जी का यूज करता है और अब मैं ज्यादा हिल नहीं सकता, मेरी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो लुलू कहती है क्या सच में। दूसरी तरफ डोंग सी वो उन लोगों को देखते हुए अपने मन में कहता है अब मुझे आशा है कि हम किसी और से नहीं मिलेंगे, कम से कम कुछ समय के लिए तो नहीं, नहीं तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। तभी उसके ईयरफोन में कहीं से आवाज सुनाई दे रही होती है और उसमें से कह रहा होता है लीडर क्या तुम हमें सुन सकते हो, जो कि सुनने के बाद लुलू भी कहती है हाँ ये तो झोंग क्यू आई और दूसरे लोग है। और वो कह रही होती है झोंग हम लोग स्कूल के बिल्डिंग के अंदर है दूसरी फ्लोर की क्लास में, जल्दी यहाँ पे आ जाओ, जो की सुनते ही झोंग भी वहाँ पे आ जाता है और उसके साथ बाकी सभी लोग होते हैं। जहाँ पे जुआंग अंदर आते हुए कह रहा होता है लीडर मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जंगल में रियोनस्टोन बीच से मिले थे, लेकिन हमने एक साथ काम किया और हम सब ने मिलकर उसे मार डाला और अब हम लोगों को 0.4 पॉइंट मिले हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, जो कि देखते ही वो लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। सुआंग कहता है लीडर अब यहाँ पे क्या हुआ है। तभी लुलू कहती है लीडर और मैंने एक साथ काम किया और पूरी टीम का सफाया कर दिया और अब मेरे पास 2 पॉइंट है। ये सुनने के बाद झोंग काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या पूरी टीम, बॉस और तुमने मिलकर पूरी की पूरी टीम को बाहर कर दिया। तो लुलू कहती है सारा का सारा क्रेडिट लीडर को जाता है, अगर ये नहीं होते तो शायद मैं पहले ही एलिमिनेट हो चुकी होती। तभी तांग उससे कह रहा होता है वैसे तुम्हारा पॉइंट कितना है। तो डोंग से कहता है ज्यादा नहीं सिर्फ 4 पॉइंट, जो कि सुनते ही सभी लोग निराश हो जाते हैं। तभी डोंग से कहता है हमने तभी शुरू किया है और 2 दिन और है, तो इसीलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जुआंग कह रहा होता है हाँ अब हमारे पास फुल एरिया का कंट्रोल भी है, तो इसीलिए हम किसी पर भी घात लगा सकते हैं और जो भी यहाँ से गुजरता है हम सब उस पे एक साथ हमला कर सकते हैं। तभी डोंग से के पेट से आवाज आने लगती है और वह कह रही होती है और ये सब करने से पहले चलो अपने पेट भरने का कोई तरीका ढूंढते हैं। और ये सब फाइट वही जी देख रही होती है और उसे देखते हुए वो कहती है ये आदमी तो एक रियोनस्टोन स्नाइपर है, लेकिन उसकी फिजिक और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी ये काफी ज्यादा है। हालांकि वो टॉप 10 में नहीं है, फिर भी उसकी टीम ने एक टैक्टिकल लोकेशन पे कब्जा कर लिया है, इसलिए ये उसके लिए और पॉइंट हासिल करने के लिए काफी ज्यादा आसान होगा। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे उसकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। दूसरी तरफ हमें सीसीटीवी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, इस डेटा का कोई मतलब नहीं है, आइसलैंड के मैग्नेटिक फील्ड में उतार चढ़ाव हो रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है, ये ऐसा जैसे कि स्पेस वार्मोल से और एक ब्रेक हो सकता है। सीन चेंज होता है, हमें क्विंशी एरिया 3rd हाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जावुड यहाँ पे खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं अच्छा ये लोग तो यहाँ पे है, और उनके सामने उनकी बेटी जीक और उसके साथ साथ फेंग रुई दोनों ही बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, जो कि देखते ही वो अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कह रहे होते हैं अपने डैड के पास आओ और बताओ कि तुम्हारी वर्चुअल बैटल एग्जाम ये कैसा गया। तभी वो दोनों के दोनों से इग्नोर करते हुए वहाँ से काफी तेजी से निकल जाते हैं, जो कि देखते ही वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे तुम लोग इतनी जल्दी कहाँ पे जा रहे हो। तो जी क्यों चिल्लाते हुए कह रही होती है हम लोग टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल की लाइव स्ट्रीम देखने के लिए जा रहे हैं। ये सुनते ही ज़ियाओवुडी कह रहा होता है ये लड़की तुमने बाप की कभी भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियाओजी बैठे बैठे उसी लाइव स्ट्रीम को देख रही होती है, तभी वहाँ पे वो दोनों पहुँच जाते हैं और जी क्यों कह रही होती है ज़ियाओजी क्या तुमने अपने भाई को देखा है। तो ज़ियाओजी कहती है नहीं अभी तक तो नहीं। तभी उस लाइव स्ट्रीम में बताया जाता है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इस मैप में ये सेफ जोन ये छोटे होते जा रहा है, 2 दिन के बाद ये सेफ जोन एक फुटबॉल के मैदान के जैसा बन जाएगा और तब तक टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल का चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जो मैप है ये पूरा का पूरा पबजी का मैप है, जैसे कि तुम लोग ये देख सकते हो कि ये मिलिट्री बेस है और इसके साथ साथ ये वही ब्रिज है, मतलब कुछ भी कॉपी कर दो कोई बात नहीं चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सब सुनने के बाद ज़ियाओ किंग कहती है मैं बहुत चिंतित हूँ, मुझे आशा है कि डोंग ज़ी बिल्कुल ठीक है और सुरक्षित है। तो उसके डैड उसे कह रहे होते हैं मैंने किसी से डोंग ज़ी की जानकारी पता लगाने के लिए कहा है और मुझे पता लग गया कि वो टीम नंबर 557 का लीडर है और ये अभी भी एक फुल टीम है। तभी फेंग रुई झाओ से कह रहा होता है अंकल झाओ क्या ये सच है कि इस ट्रायल के बाद हर पार्टिसिपेंट से लाइव स्ट्रीम में बात किया जाएगा। तो झाओ कह रहे होते हैं हाँ ये सही है, 3 दिन के बाद हम डोंग ज़ी टीम का लाइव स्ट्रीम देखेंगे और देख सकेंगे कि वो लाइव स्ट्रीम में कैसे काम करते हैं। तो फेंग रुई कह रहा होता है ब्रदर डोंग वास्तव में काफी ज्यादा बहादुर है, अगर यहाँ पे मैं होता तो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता और एक नॉर्मल इंसान बन के रहता। तो झोंग बुड़ी कह रहे होते हैं डोंग ज़ी वो नफरत से प्रेरित है, ये उसे हमेशा नॉर्मल रहने के लिए अलाउ नहीं करता। जो की सुनते ही ज़ी क्विंग वो अपने कहती है उसके मॉम डैड रियोनस्टोन बीस्ट के हाथों मारे गए थे और उसी समय ज़ियाओ ज़ी वो अपाहिज हो चुकी थी, तो इसीलिए डोंग ज़ी हम में से किसी के भी कंपैरिजन में पावरफुल बनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। सीन चेंज होता है, तांग यू को दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है ये टेम्पेस्ट थंडर रैंकिंग है जो कि मुझे पता है और इसके अकॉर्डिंग टॉप 10 रैंकिंग 2nd दिन दोपहर को दिखाई जाएगी ताकि सभी को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तभी लुलू वो देख के काफी ज्यादा खुश होती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है लीडर देखो आप भी टॉप 10 में हो, जो कि देखते ही जुआंग कह रहा होता है रैंक 1 में ये तियानचेन पागल है।
है जिसने 52 पॉइंट को पाया है, आखिर इसने कितने लोगों का एलिमिनेट किया है। दूसरी तरफ डोंगजी वो अपने में कह रहा होता है हमारे पास फायदा है लेकिन फिर भी हम लोग सबसे नीचे रैंक पे है। टेम्पेस्ट लाइटनिंग ट्रायल निश्चित रूप से ये आसान नहीं है। तभी वो कह रहा होता है रुक जाओ ये इन्फॉर्मेशन ये बदल रही है। और गैस पहले मुझे ये बताओ कि इसके बाल ये सुनहरे कैसे हो गए? मुझे नहीं पता, पहले तो इसके बाल नीले थे लेकिन अब ये सुनहरे हो गए। आखिर ये कॉमिक का राइटर कौन सा नशा करके इसको बना रहा है? लेकिन चलो कोई ना, इस बार भी आगे बढ़ते हैं और सभी लोग उसे आसमान की तरफ देखते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ होता है अटेंशन टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल, इस साल का एकमात्र इवेंट बाउंटी हंट शुरू होगा और टॉप 10 रैंक की में से एक पार्टिसिपेंट को रैंडमली बाउंटी हंट के लिए चुना जाएगा और उनकी लोकेशन सारे पार्टिसिपेंट्स को रिवील कर दिया जाएगा और जो टीम इस टारगेट को एलिमिनेट कर देगी उस टीम को इस टारगेट के सारे पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। लुलु कह रही होती है पिछले टेम्पेस्ट लाइटिंग ट्रायल में ऐसा कुछ तो नहीं था, तो तांगयू कहता है टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल एग्जामिनर्स के लिए बस एक गेम है और वो जरूर इस गेम को और भी ज्यादा रोमांचक बनाना चाहते हैं और जिस किसी को भी टारगेट के रूप में चुना जाएगा वो सबसे ज्यादा जोखिम में होगा लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा फायदे में भी होगा। जो कि सुनते जुआन कह रहा होता है प्लीज भगवान हमारे साथ ऐसा मत करना प्लीज, मैं आखिर तक जिंदा रहना चाहता हूँ। नहीं ऐसा नहीं, तभी डोंगजी कहता है चिंता मत करो, मैंने सुना है कि जो लोग हंसना पसंद करते हैं उनकी किस्मत खराब नहीं होती, और ये कहते वो मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो बाउंटी हंट टारगेट अनाउंसमेंट किया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो टारगेट है ये और कोई नहीं टीम नंबर 557 का लीडर डोंगजी है जिसका लोकेशन में रिवील हो जाता है, जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। ये सब देखते ही जुआंग घबराते हुए कह रहा होता है ये क्या बकवास है, ये तो एक बुरा सपना होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। तो डोंगजी कहता है हाँ मुझे माफ करना, जो कि देखते ही जुआंग रोने लगता है। तभी वो मैकेनिक यानी कि तानयून वो कह रहा होता है क्योंकि ये चीजें इस तरह से निकल रही है तो इसलिए मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है, तो तुम लोग पहले किसे सुनना चाहते हो? तो ये सुनते ही लुलु कह रही होती है मुझे एक अच्छी खबर चाहिए। तो तांगून कह रहा होता है हम इस स्कूल ब्रिज को अपने डिफेंस बेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग जाल बिछा सकते हैं और एक जगह घात लगा के हमला कर सकते हैं, इससे कि हमारा जो शिकार है वो काफी इजीली जाल में फंस जाएगा और हम शिकार अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तभी जोंग कह रहा होता है वैसे बुरी खबर क्या है? तो तानून कहता है बुरी खबर ये है कि अब जबकि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे छिपे हुए हैं तो अब कोई भी पुल पार करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वैसे भी ये पुल एक टेम्पोररी प्लान था और एक बार जब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे सभी लोग एलिमिनेट कर दिए गए हैं और वो सभी उसी प्रोटेक्शन कैप्सूल के अंदर है तो वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे बल्कि ये जगह खतरनाक मान के पानी से जाने की कोशिश करेंगे। जो कि सुनते ही जुआन कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों के दोनों बुरी खबरें हैं? तो तांगून से कहता है फायदा और जोखिम हमेशा साथ रहते हैं तो इसलिए तुम इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन बस काम पे लगे रहो, हमें प्लान बनाने की जरूरत है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भले ही हम लोग आखिर तक जिंदा क्यों न रहे फिर भी हमें किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इनफ पॉइंट नहीं मिल पाएंगे जो कि हम चाहते हैं, तो इसलिए क्यों ना हम इस मौके का इस्तेमाल करें, अपने आप को जोखिम में डालते हैं और कुछ इम्प्रेसिव करने की कोशिश करते हैं। जो कि सुनने के बाद डोंगजी कह रहा होता है हाँ वो बिल्कुल सही है, अगर हम लोग एक साथ काम करते हैं तो ये एक घंटे में जिंदा रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो तांगयू से कह रहा होता है तांगयू क्या तुम्हारे इस बॉक्स में क्या कोई भी जाल है? तो तांगयू कह रहा होता है ऑफ कोर्स। ये सुनने के बाद डोंगजी लुलु से कह रहा होता है लुलु तुम वहाँ पे देखते रहो, जुआंग और जोंग दोनों ही टांगयू को साथ देंगे ताकि वो दोनों जाल बिछा सके। तो लुलु कहती है ठीक है लेकिन आपके बारे में क्या लीडर? तो डोंगजी कहता है मैं रियूनिस्टोन बीस्ट को यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा और उन्हें स्कूल के आसपास घूमने दूंगा, तो इसलिए शायद जो कोई भी मुझे मारना चाहता है उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। और फिर कुछ बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक टीम पहुँच चुकी होती है जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है सभी सतर्क हो जाओ, हम उस बाउंड्री टारगेट के प्लेस के बहुत ही ज्यादा करीब है तो शायद इसीलिए वो लोग स्कूल में छिपके होंगे और पार्टिसिपेंट्स को मारने की कोशिश करेंगे, वैसे भी कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसके पास इतने सारे पॉइंट क्यों है। तभी उसके साथ ही कह रही होती है लीडर हम पॉइंट में काफी ज्यादा पीछे है तो इसलिए डोंगजी को मारना इसी से ही हम लोग पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं और यही एकमात्र रास्ता है। तो उनका लीडर सबसे कह रहा होता है जल्दीबाजी मत करो, बिल्डिंग के सबसे ऊंचे जगह पे नजर रखो और जबकि हम लोग करीब जाने के लिए कवर का इस्तेमाल करेंगे। ये कहते हुए कवर लेते लेते आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे रुकते ही वो लोग देखते हैं कि आगे बहुत सारे कैप्सूल्स पड़े हैं, जो कि देखते ही वो लीडर कह रहा होता है रुक जाओ एलिमिनेट किए गए सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स ही हमारे सामने हैं इसलिए सावधान रहना, हम पर घात लगा के हमला किया जा सकता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जो कि देखते ही वो लीडर कह रहा होता है दोस्तों घबराना मत जहाँ पे हो वही रहो। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या इस आइसलैंड में रियूनिस्टन वेपन के अलावा कोई और भी हथियार ला सकते हैं? आखिर उनके पास ये लैंडमाइन क्यों है? क्या उनके पास और भी काफी ज्यादा हथियार है? तो बाकी बंदे कह रहे होते हैं मुझे याद है डोंगजी वो लड़का है जिसे मैंने एग्जामिनर यानी ने एक्स किया था और फिर उसने अपने टीम में शामिल होने के लिए एक मैकेनिक को चुना था। तो ये सुनते उनका लीडर कह रहा होता है धिक्कार है तो क्या इसका मतलब ये है कि स्कूल के चारों ओर जाल छिपे हुए हैं तो हम लोग क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जबकि कोई और जाल में फंस जाएगा हमें जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तभी उनका बंदा कह रहा होता है लीडर आगे देखो, तभी उनके आगे एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है जो कि देखते ही उनका लीडर काफी ज्यादा रन उतार कहता है क्या आखिर ये क्या चल रहा है। तभी उस ट्रक से जुआंग नीचे उतरता है और उस ट्रक के दरवाजे को खोल देता है और वहाँ से काफी तेजी से भाग जाता है। ये सब देखते ही वो लीडर कह रहा होता है क्या आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं और ये सब क्या चल रहा है।
रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो लोग उसी ट्रक के अंदर देखते हैं, जिसमें से दूसरा बंदा कह रहा होता है लगता है कुछ अंदर है। तभी वहाँ से काफी तेजी से एक बड़ा सा 3-horned आर्माडिलो एफ्रैंकर यूनिस्टोन बीस्ट बाहर निकलता है और ये एक आर्मा टाइप पोकेमॉन मतलब की आर्मा टाइप बीस्ट है। ये सब देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। वो लिल कह रहा होता है ये तो 3-horned आर्मर है, आखिर ये कहाँ से आया। और वो बीस्ट उन पर हमला कर देता है, जो कि देखते ही वो लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से काफी तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन वो जो बीस्ट होता है वो उनके पीछे पड़ जाता है। वो बीस्ट उनके टीम में से एक मेंबर को एलिमिनेट कर देता है। दूसरी तरफ ये देखते ही वो जो लीडर होता है वो वहाँ से भागने लगता है और एक रूम पे जाके छिप जाता है और कहता है धिक्कार है, वो लोग तो काफी ज्यादा आ गए हैं, उन्होंने ना सिर्फ जाल बिछाया है बल्कि उन्होंने हम पर हमला करने के लिए पकड़े गए रियूनिस्टन बीस्ट को भी इस्तेमाल किया। तभी उसके सामने जुआन आ जाता है और उससे कहता है मेरे सामने मेरी टीम के बारे में बुराई करने का अंजाम क्या होगा तुम्हें पता है। ये सुनते ही वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है क्या तुम यहाँ पे कहाँ से आए हो। तो जुआन कहता है मैं तो यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरे पास आओ, मैं अपने नए हथियारों को तुम्हारे पर आजमाता हूँ। और ये कहते हैं वो अपने रियूनिस्टन स्किल रेकलेस बुल चार्ज का यूज करता है और इस पे काफी तेजी से अटैक करते हुए उसे एलिमिनेट कर देता है, जिससे कि उसकी पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी पॉइंट 13.5 हो जाती है। तब इसके पीछे डोंगजी भी आ जाता है, जो कि देखते ही वो कह रहा होता है दोस्तों मुझे ये पॉइंट दिलाने के लिए थैंक यू। तो डोंगजी कहता है हम टीम के साथी है तो हमें एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि उन सभी के पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं, जिसमें से डोंगजी का 44 पॉइंट, जोंग का 32.5 पॉइंट, लुलू का 32 पॉइंट और उसके साथ साथ तांगयू का भी 32 पॉइंट। और ये सब देखने के बाद लुलू डोंगजी से कह रही होती है लीडर लेकिन आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, जो आपको मारने आए थे वो आपके ऊपर एक भी गोली नहीं चला सके। जो कि सुनते ही तांगयू कहता है इस बाउंटी मैन के लिए थैंक यू, हमने 13 पार्टिसिपेंट को हटा दिया है और इसलिए हम लोगों का कुल पॉइंट 130 है। तो जोंग कहता है लेकिन टेम्पेस्ट थंडर रैंकिंग हर 12 घंटे में रिफ्रेश होती है, अगर हमारी टीम के सभी मेंबर टॉप 10 में होंगे तो ये काफी ज्यादा बढ़िया होगा। तो डोंगजी कहता है रिवॉर्ड शानदार है लेकिन हमें अपने गार्ड को तब तक नीचे आने देना चाहिए जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। और वो अपने कह रहा होता है मैंने 44 पॉइंट हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन और बाउंटी इवेंट का यूज किया, लेकिन रैंक 1 ये तियानचेन आखिर ये कौन है और उसने इतनी जल्दी 52 पॉइंट कैसे पा लिया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एक बंदा काफी घबराते हुए भाग रहा होता है कि तभी उसे एक बंदा शूट करते हुए एलिमिनेट कर देता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि यही तियानचेन होता है, जो की टीम 005 से होता है और ये भी डोंगजी की तरह एक ई रैंकर रियून हंटर होता है, जिसका प्रोफेशन रियूनिस्टन स्नाइपर होता है और उसे यानिन नोटिस कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से वो रिक्रूटर कहता है ये तियानचेन, ये बिना किसी टीम के एक अकेला भेड़िया है, उसने ब्रिज के पास के टाउन पे ढेरा डाला और वहाँ से गुजरने वाले सारे के सारे पार्टिसिपेंट को मार डाला और 57 पॉइंट पा लिया। तो यानिन कह रहा होता है मैं इसे इनकार नहीं करूंगा कि ये तियानचेन ये काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। तो वो रिक्रूटर कहता है अगर एक भगोड़ा हंटर एक अकेला भेड़िया होने का फैसला करता है तो उसकी कैजुअलिटी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब एक रियूनिस्टन बीच से लड़ते हैं तो उसके लिए एक टीम जरूरी है। तो यानिन कह रहा होता है मुझे लगता है कि उसके लाइफ के लिए उसका रवैया ये काफी ज्यादा कोल्ड है, अगर कोई ऐसा उसकी तरह स्ट्रांग बन जाता है तो ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये सुनते ही वो रिक्रूटर कहता है तो इस नोट पे टीम 557 पे जू क्यू ध्यान दे रही है और सारे के सारे मेंबर्स वो टेम्पेस्ट थंडर रैंकिंग में कॉट अप कर रहे हैं। क्योंकि सुनते यानिन वो अपने अपने कह रहा होता है अच्छा ये वही बच्चा है, ये चाहता तो आसानी से सारे पॉइंट ले सकता था लेकिन उसने अपने टीममेट्स को अपने साथ सुधारने दिया। यही तियानचेन के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि टीम 557 के जीतने के पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। तभी वहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये डेटा गलत है, इसमें तो एरर है। जो कि सुनते ही वो वाइस एग्जामिनर कहता है हे तुम यहाँ पे वापस आओ और वो उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है इसे बंद करो, ये क्या सिचुएशन है जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी, अगर मैंने कहा कि ठीक है तो ठीक है समझे। और ये सब यानी देख रहा होता है और ये देख के वो कह रहा होता है आखिर ये क्या चल रहा है। तो वाइस एग्जामिनर कहता है ये रिसर्चर काफी ज्यादा डरा हुआ है कि ये वार्म होल का एक और आउटब्रेक होगा, लेकिन मैंने डाटा को देखा है हालांकि ये पहले से अलग है लेकिन ये रेंज के अंदर है और वैसे भी मैं ऐसी सिचुएशन से कई बार निपट चुका हूँ, जब मैं मेन एग्जामिनर था तो ये कोई बात नहीं। तो वो रिसर्चर कहता है नहीं ये डाटा ये सच में काफी ज्यादा अलग है। जो कि सुनते ही यानी उस मैप को देखने लगता है और कहता है ठीक है मुझे देखने दो। तो वो रिसर्चर उसे वो मैप दिखाते हुए कह रहा होता है चारों तरफ फैले हुए मैग्नेटिक फील्ड का उतार चढ़ाव अपने पीक पे पहुंच गया है। तो यानी कह रहा होता है हम पार्टिसिपेंट्स की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते, भले ही वार्म होल फैलने की पॉसिबिलिटी 1% हो, हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये कहते हैं वो सभी लोगों से कह रहा होता है सभी लोग इस बात पर ध्यान दो टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल को रोको और सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को तुरंत टेम्पेस्ट थंडर पोर्ट पे वापस लाने के लिए जल्दी से शटल भेजो, जल्दी ये सब जल्दी करो। ये सब सुनते ही वो जो वाइस एग्जामिनर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है यानी क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मैंने तुमसे कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी तुम ये फालतू के ड्रामे क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद यानी उसे काफी बुरी तरीके से कह रहा होता है अगर ये वार्म होल आउटब्रेक हो जाता है तो आइसलैंड पे हजारों पार्टिसिपेंट्स की मौत हो जाएगी, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो। तो ये सुनने के बाद वाइस प्रिंसिपल कह रहा होता है और अगर क्या होगा कि ये जो वार्म होल आउटब्रेक ना हो तो बिना किसी वजह के तुम इस ट्राई को कैसे रोकोगे, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो। तो यानी कहता है रियून हंटर्स के फ्यूचर के खातिर मैं इसकी जिम्मेदारी जरूर लूंगा लेकिन मुझे
उन्हें बचाना है। जो कि सुनते ही वाइस एग्जामिनर काफी गुस्से से अपने उनमें कह रहा होता है धत्तेरे की, यह हनी हमेशा से एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश करता है, मैं देखूंगा कि अगर ये वार्म होल या आउटब्रेक नहीं हुआ तो ये क्या करेगा। तभी वहाँ पे अचानक से कई सारे थंडरस्टॉर्म होने लगते हैं जिससे कि वो जो शिप होता है वो भी हिलने लगता है एंड इमरजेंसी लाइट बजने लगती है। जो कि देखते ही यानी कह रहा होता है क्या आखिर ये क्या चल रहा है। दूसरी तरफ वो सीसीटीवी रूम में जो बंदा होता है वो ये सब देखते हुए कह रहा होता है वार्म होल आउटब्रेक हो रहा है। और हम देखते हैं कि इस थंडरस्टॉर्म की वजह से कई सारे शटल वो तबाह हो रहे होते हैं और वहाँ पे कई सारे वार्म होल अपीयर हो रहे होते हैं जिसमे से कई सारे रिन्यूस्टोर बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ उस शटल में काफी ज्यादा हलचल मची हुई होती है जिसमे से सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो सच में स्पेस वार्म होल आउटब्रेक है। आइसलैंड के चारों ओर स्पेस टाइम बैरियर बन गया है, हम टेम्पररी के लिए आइसलैंड में एंटर नहीं कर सकते। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है स्पेस टाइम बैरियर ने हमारे कम्युनिकेशन शटल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और हम किसी भी पार्टिसिपेंट से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। इसे देखते ही वो जो बंदा होता है उसकी काफी ज्यादा फट जाती है और वो नीचे झुकते हुए कहता है नहीं ये तो काफी ज्यादा खराब है, अब हम क्या करने वाले हैं, क्या हम लोग मरने वाले हैं। जो कि देखते ही वॉइस एग्जामिनर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है धिक्कार है क्या यह सच में हो रहा है, इतने सालों तक तो ये ठीक था लेकिन अब ये क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ वो रिक्रूटर वो अपने में कहता है स्पेस टाइम बैरियर किसी बाहरी लोगों को आइसलैंड में एंटर करने से रोकता है और जैसे कि स्टेबिलाइज है तो इसलिए स्पेस टाइम वार्म होल्स के जरिए रिन्यूस्टन बीस्ट ये आ सकते हैं और ये पार्टिसिपेंट्स के लिए काफी ज्यादा बुरी न्यूज है, वो लोग खतरे में पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते ही जी वो अपने में कह रही होती है धिक्कार है ये सारे के सारे रिन्यूस्टन बीस्ट ये तो बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग भागते हुए कह रहे होते हैं ये सच में काफी ज्यादा बुरा है, हमें क्या करना चाहिए। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है अब ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है, हम लोग यहाँ से बच नहीं सकते और सभी लोग भागा दौड़ी कर रहे होते हैं। जो कि देखते ही यानी चिल्लाते हुए कह रहा होता है सभी लोग शांत हो जाओ, जो कि सुनते ही सभी लोग रुक जाते हैं। यानी कहता है हमें जो कुछ भी करने की जरूरत है वो ये है कि हम स्पेस टाइम बैरियर को तोड़ने के लिए हर वो पॉसिबल ट्राई करें जो कि हम लोग कर सकते हैं और उन सारे के सारे पार्टिसिपेंट को बचाएं जो कि इस आइसलैंड में फंसे हुए हैं। अगर जितना सेकंड तुम बर्बाद करोगे उतना ही सेकंड आइसलैंड में फंसे हुए उन पार्टिसिपेंट के मरने का खतरा बढ़ता जाएगा, तो इसलिए सभी लोग मेरे ऑर्डर को मानो, सबसे पहले ईस्ट वॉर एरिया में जनरल कमांड से कॉन्टेक्ट करो और उन्हें स्पेस टाइम बैरियर को खत्म करने के लिए रियून एटॉमिक कैनन को भेजने के लिए बोलो। अगला एक नया कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करो इससे पहले कि रियून एटॉमिक कैनन यहाँ पे पहुंचे, उससे पहले स्पेस टाइम बैरियर को तोड़ने के बारे में सोचो। जो कि सुनते सभी लोग उसकी बात मानने लगते हैं जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है हमारा कम्युनिकेशन ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अगर हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें स्पेस टाइम बैरियर में एक छेद खोलने की जरूरत है और कम्युनिकेशन मॉड्यूल इनवॉर्ड को लॉन्च करने का तरीका ढूंढना चाहिए। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैंने ईस्ट वॉर एरिया में जनरल कमांड से कॉन्टेक्ट किया है, वे कहते हैं कि वो रियून एटॉमिक कैनन कल सुबह यहाँ पे पहुँच पाएगी, उससे पहले ये नहीं हो सकता। तभी दूसरा बंदा यानी इनके पास आते हुए कह रहा होता है हमने आइसलैंड पर स्पेस टाइम वार्म होल के पैमाने की कैलकुलेशन की है, जो कि सबसे छोटे वार्म होल है वो एफ्रैंक के हैं। जो कि सुनते यानी कहता है मुझे लगता है कि ये इस डिजास्टर के लिए सौभाग्य की बात है, तो इस आइसलैंड में एंटर करने वाले रियूनस्टोन भी ज्यादातर एफ्रैंक के होंगे, कुछ डी रैंक के होंगे और कुछ ई रैंक के, और जब तक हम इस बैरियर को तोड़ना लेते हैं तब तक शायद से पार्टिसिपेंट इसे संभाल सकते हैं। तभी वो जी मेन एग्जामिनर से कह रही होती है मेन एग्जामिनर यानी रियून एटॉमिक कैनन कुछ ऐसा नहीं है जो कि कई बार भी फायर कर दो, भले ही ये सुबह थंडरपोर्ट उड़ा दे लेकिन इसे अभी भी डेब्यू करने के लिए आधे दिन की जरूरत है। जिसका मतलब यह है कि जब तक ये एटॉमिक कैनन का डेब्यू किया जाएगा तब तक ये सेफ जोन काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो वो दूसरा रिक्रूटर कह रहा होता है उस समय पार्टिसिपेंट्स को हजारों रियूनस्टोन बीस्ट का सामना करना पड़ सकता है जिनके पास दौड़ने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि वो लोग जरूर रियूनस्टोन बीस्ट के खाने बन जाएंगे। जो कि सुनते ही यानी उस दूसरे बंदे से कह रहा होता है ट्रांसपोर्टिंग टीम को स्पीड बढ़ाने के तरीके के बारे में सोचने के लिए कहो और इसे आधी रात को भेजने के लिए कहो, और ये कहते ही वो वॉइस एग्जामिनर से कह रहा होता है वॉइस एग्जामिनर लियू तुमने रिसर्चर की वार्निंग को नजरअंदाज किया और उसे मुझे नोटिफाई करने से रोका है ना। ये सुनते ही वाइस प्रिंसिपल लियू कह रहा होता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यानी कह रहा होता है और कुछ मत कहो, एक बार ये मामला खत्म हो जाने के बाद तुम रियून मास्टर कोड में मेरा वेट करना। सीन चेंज होता है मेडोंगजी टीम को दिखाया जाता है जो कि बाहर आते हुए देख काफी ज्यादा रन होते हैं, जिसमे से जुआंग कह रहा होता है आखिर ये क्या चल रहा है, क्या ये कोई भूकंप तो नहीं। तो लुलू भी कह रही होती है आखिर ये क्या है, तभी तानयून कहता है धिक्कार है ये तो वार्म होल आउटब्रेक है। तो जुआंग कहता है क्या वार्म होल आउटब्रेक, मजाक करना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या ये एग्जामिनर के जरिए दिया गया कोई टेस्ट है। जो कि देखते ही डोंग से भी काफी साधारण होता है, तांग्यू कहता है मुझे डर है कि ये कोई टेस्ट नहीं है बल्कि एक असली सौदा है। ये सब देखते ही जुआंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, पिछला वार्म होल आउटब्रेक हुए 3 साल हो गए हैं और इसका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब हम इसका सामना कैसे करें। तो लुलू कह रही होती है स्पेस टाइम बैरियर ने हमें बाहरी दुनिया से अलग कर दिया लेकिन मुझे यकीन है कि एग्जामिनर वो हमें जरूर बचाने के लिए आ जाएंगे। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए डोंग काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो अपने कहता है मैं फिर से एक और वार्म होल आउटब्रेक में फंस गया हूँ, जब मैं छोटा था तब इस वार्म होल आउटब्रेक में मेरे मॉम डैड की मौत हो गई थी और वहीं से मैंने ज़ियाओजी को भी पिक किया था, एक दूसरा वार्म होल आउटब्रेक ये फिर से हुआ है, अब मैं क्या करूंगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यही कहते वो थोड़ा सा कांप रहा होता है, तभी सिस्टम उसे कहता है स्पेशल मिशन जो कि एफ्रैंक वार्म होल आउटब्रेक
है जहाँ पे तुम्हें काफी सारे लोगों को बचाना है और इसका ड्यूरेशन जब तक कि वार्मोल आउटब्रेक खत्म ना हो जाए। और रिवॉर्ड के तौर पे अगर तुमने 10 पार्टिसिपेंट को बचाया तो तुम्हें रियोन स्प्रिट डेवलपमेंट मेडिसिन मिलेगी, और अगर तुमने 20 पार्टिसिपेंट को बचाया तो तुम्हें रियोन स्प्रिट डेवलपमेंट मेडिसिन मिलेगी, वो भी दो। और ऐसे रिवॉर्ड बढ़ते जाता है, जो कि देखते ही डोंगजी वो अपने कहता है आखिर ये कैसा स्पेशल मिशन है, वो भी इस समय, और क्या मुझे दूसरे पार्टिसिपेंट को बचाना है। और उसे एक दूसरा एवोल्यूशन मिशन दिया जाता है जहाँ पे उसे 200 पार्टिसिपेंट को बचाना है और टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल का चैंपियन बनना है, जिससे कि रिवॉर्ड के तौर पे उसे ई रैंक का यूनिस्टोन आर्मर मिलेगा, जो कि देखते ही डोंगजी अपने में कहता है इस टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल का डिसाइसिव रूल ये दूसरे पार्टिसिपेंट को एलिमिनेट करना है, लेकिन ये मिशन मुझे दूसरे पार्टिसिपेंट को बचाने के लिए और चैंपियन बनने के लिए रिक्वायर कर रहा है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी जुआंग आगे उसके पैर पड़ जाता है और उसे कह रहा होता है लीडर मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, अभी हमें क्या करना चाहिए। तो डोंगजी लात मारते हुए उसे हटाते हुए कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, और मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये वार्मोल शायद एफ रैंक का होना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि ज्यादातर बीस्ट वो एफ रैंक के होंगे और ई रैंक के यूनिस्टन बीस्ट के काफी ज्यादा कम चांसेस होंगे, और इसीलिए हमारी टीम की कॉम्बैट एबिलिटी के साथ हम इस यूनिस्टन बीस्ट से डील कर सकते हैं। तो तांगयुंग कह रहा होता है हाँ, जब तक हम इस स्कूल की रखवाली करते हैं और बचाव का वेट करते हैं तब तक हम ठीक रहेंगे, ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो डोंगजी कहता है लेकिन ये सिर्फ स्कूल की रखवाली करना काफी नहीं है। तो जुआंग कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तो डोंगजी कहता है बाहर दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी है जो कि यूनिस्टन बीस्ट के हाथों मारे जा सकते हैं, और हम कुछ ऐसे लोग बन जाएंगे जो कि चाहे भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमें ये करना ही होगा। मैं दूसरे पार्टिसिपेंट को बचाना चाहता हूँ और उन्हें भी इस स्कूल में लाना चाहता हूँ, जो कि सुनते जुआंग काफी ज्यादा रन होता है और उसे कह रहा होता है लीडर ये एक बड़ा सा जोखिम है और हम बहुत ही मुश्किल से अपनी रक्षा कर सकते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। एंड भी तानयुंग कह रहा होता है मेरे एनालिसिस से हमारी टीम की बचने की पॉसिबिलिटीज ये 80% है, और लीडर का ये सजेशन ये कोशिश करने के लायक तो है। तो जुआंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या सिर्फ 80% जिंदा रहने में और मौत को खोजने में बस यही फर्क है। तो डोंगजी उसके कंधे पे हाथ देते हुए उसे कह रहा होता है याद रखो जब तुम रियोन मास्टर बन गए थे तब से तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ताकतवर को खून बहाना चाहिए और कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए। हम मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या ये कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं है। अगर हम आपसे ही कायर की तरह काम करते हैं तो जिंदा रहने का मतलब क्या है। तो जुआंग कहता है लेकिन लीडर। तभी तानयुंग कहता है मैं लीडर की बातों से सहमत हूँ, भले ही मैं मर जाऊँ लेकिन मैं कायर बनना नहीं चाहता। जो कि सुनते जुआंग चिल्लाते हुए उसे कह रहा होता है क्या तानयुंग क्या तुम मुझे कायर कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी लुलु भी कहती है मुझे भी डर लगता है लेकिन जब तक मैं मदद कर सकती हूँ तब तक मैं मदद करूंगी, मैं चुपके लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। तो जुआंग कह रहा होता है मैं लोगों के बजाय रियोनिस्टन बीस्ट को मारना पसंद करूंगा, वैसे भी रियोन हंटर्स को यही तो करना चाहिए। तो जुआंग कहता है ठीक है चलो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, चलो ये करते हैं। तो डोंगजी कहता है ठीक है चलो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को दूसरों से बचाते हैं, और डोंगजी वो अपने में कहता है मैं भी तुम सभी को सेफ रखने का शपथ लेता हूँ। सीन चेंज होता है, मिस जियाओ को देखते हैं जो कि ये न्यूज़ सुनते हुए काफी ज्यादा रन होती है और अपने में कहती है क्या ये वार्मोल आउटब्रेक है, ये बच्चा तो बहुत ही बदकिस्मत है, भले ही ये एक एफ रैंक का वार्मोल है लेकिन ये टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल पर है। और वो न्यूज में बताया जाता है कि स्पेस टाइम बैरियर ने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को खो दिया है और कमांड सेंटर आइसलैंड में फंसे हुए पार्टिसिपेंट से कॉन्टेक्ट करने में अनेबल है, लेकिन फॉर्चुनेटली हम अभी भी आइसलैंड के लाइव स्ट्रीम सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं, इसीलिए जैसे जैसे सिचुएशन सामने आएगी हम उसी तरह ब्रॉडकास्ट को सामने लाना जारी रखेंगे, हमें उम्मीद है कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स वो सुरक्षित रहेंगे। जो कि सुनते जिया वो अपने कहती है मुझे लगा कि मैं एक टैलेंटेड बंदे से मिले लेकिन मुझे लगता है कि वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी वो न्यूज में देखती है जहाँ पे डोंगजी सबको बचा रहा होता है, और न्यूज में बताया जाता है जबकि दूसरे पार्टिसिपेंट्स और टीम्स जो कि वार्महोल से निकलने वाले रियोनिस्टन बीस्ट से लड़ने में बिजी है, दूसरी तरफ टीम 57 के मेंबर्स ने अपने फायदे को छोड़ते हुए दूसरों की जान बचाने का फैसला किया और वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट की जान बचा रहे हैं। ये सुनने के बाद जियाओ काफी ज्यादा रन होती है और कहती है क्या डोंगजी क्या ये सच में अलग है, चलो मुझे आशा है कि वो इस संकट से बच सकता है। दूसरी तरफ हम उसी आइलैंड में देखते हैं जहाँ पे वो जो बीस्ट होते हैं वो इंसानों पर हमला कर रहे होते हैं, ये सब देखते ही वहाँ के लोग पागल हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर क्या यहाँ पे इतने सारे यूनिस्टन बीस्ट अचानक कैसे आ गए। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ये वार्मोल आउटब्रेक है, हम लोग जरूर यहाँ पे मरने वाले हैं। तो तीसरा बंदा कहता है कोई प्लीज मुझे बचाओ, तभी अचानक से वो बीस्ट उसे खा जाता है, जो देखने के बाद बाकी लोग भी घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग छिपे हुए होते हैं और उसे देखते हुए कह रहे होते हैं टिकार है ये हमारे पीछे थंडरस्टॉर्म एरिया है और सामने का पुल यूनिस्टन बीस्ट के जरिए कब्जा कर लिया गया है। तो दूसरा बंदा कहता है लीडर अब हम क्या करें, तो वो लीडर कहता है हम सिर्फ जोखिम उठा सकते हैं। तभी उन पर वो यूनिस्टन बीस्ट हमला कर देता है, जो कि देखते ही वो लोग आगे भागने लगते हैं, लेकिन आगे पानी होता है जो कि देखते ही वो लोग कहते हैं जल्दी चलो पानी में गोता लगाओ, शायद हमारे पास अभी भी एक जीने का मौका है, लेकिन सावधान रहना पानी में भी यूनिस्टन बीस्ट हो सकते हैं। और ये कहते हैं वो लोग उस पानी में जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उस तालाब की गहराई में एक बड़ा सा यूनिस्टन बीस्ट होता है और वो उसमें से एक मेंबर को पकड़ लेता है, जो कि देखते हैं उनका लीडर चिल्लाते हुए कह रहा होता है धिक्कार है ये एक अफ्रीका यूनिस्टन बीस्ट है इंक क्रिस्टल ऑक्टोपस और हम किसी भी तरह से इसे पानी में नहीं हरा सकते, हमें क्या करना चाहिए। तो उसका दूसरा साथी कहता है हम अभी अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, हम उसे नहीं बचा सकते। तो उनका लीडर कहता है बास्टर्ड क्या तुम उसे यहाँ पे छोड़ने के लिए और यहाँ से भागने के लिए कह रहे हो, नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता। तभी दूसरी तरफ वो जो लेडी होती है वो चिल्लाते हुए कह
कैरी होती है, प्लीज मुझे बचाओ। तभी अचानक उस ऑक्टोपस के टेंटिकल में एक फायर होता है जिससे कि वो लड़की उससे बच जाती है। एंड ये सब देखते ही वो लीडर कह रहा होता है आखिर किस हीरो ने हमें बचाया है। तभी वो देखते है कि वहाँ पे ढोंग सी है और वो कह रहा होता है जल्दी इस किनारे पे आ जाओ। ये सुनते ही वो लीडर कह रहा होता है ठीक है जल्दी पानी से बाहर निकलो, हम यहाँ से बच सकते हैं। और ये कहते वो ढोंग सी के पास जाता है और कह रहा होता है हमें बचाने के लिए थैंक यू, वैसे आप हमें एलिमिनेट करने और ज्यादा पॉइंट पाने का मौका ले सकते हैं लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। तो ढोंग सी उससे कहता है इस समय हम सभी रूनस्टोन हंटर्स हैं जो कि रूनस्टोन बीस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ पॉइंट के लिए क्यों एलिमिनेट करूंगा। जो कि सुनते ही वो बंदा कह रहा होता है तुम बिल्कुल सही हो, हम पर तुम्हारा एहसान है। तभी डोंग से अपने मिशन को देखता है जहाँ पे उसने 16 लोगों को ही बचाया है और वो अपने में कह रहा होता है भले ही मैंने 16 लोगों को बचाया है लेकिन उनमें से 3 को रूनस्टोन बीस्ट ने खा लिया है, वो भी अभी मेरे सामने। तभी वो जो ऑक्टोपस होता है वो और भी लोगों को पकड़ लेता है। तभी अचानक से उस पर एक मिसाइल का हमला होता है और ये हमला तानियों ने किया होता है। तभी दूसरी तरफ से जुआन अपनी रूनस्टोन स्किल रेकलेस बुल चार्ज का यूज करते हुए उस ऑक्टोपस पर हमला करता है और तभी ऊपर से जो भी उस पर हमला करता है और अपने स्वॉर्ड से उस पर हमला करते हुए उसे मार डालता है। जो कि देखते ही वो लीडर कह रहा होता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसका दूसरा साथी कहता है उनके पास एक ग्रेट टीम वर्क है, शायद वो लोग आपस में कई सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जुआन हंसते हुए कह रहा होता है हाँ हमने एक और को मार डाला। और वो डोंगजी से कहता है लीडर अभी हमने कैसे किया। तो डोंगजी कहता है अभी भी फोकस रहो और अपना ध्यान ना भटकाओ, उसी के साथ साथ पुल पे जो रूनस्टोन बीच थे उसे साफ करो ताकि सारे के सारे पार्टिसिपेंट वो स्कूल में जा सके। और वो दूसरे लोगों से कह रहा होता है तुम लोग पुल की दूसरी तरफ जाओ, वहाँ पे एक टेम्पररी शेल्टर है उसका पीछा करो। जो कि सुनते ही वो लीडर कह रहा होता है क्या तुम अभी भी दूसरे को बचाने का प्लान बना रहे हो। तो डोंगजी कहता है बॉर्मोल के आउटब्रेक को 1 घंटा हो चुका है लेकिन आइसलैंड से कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं मिला है, इसलिए ये मान लेना बेहतर है कि हम लोग बाहरी दुनिया से अलग हैं और इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे खुद पर भरोसा कर सकते हैं। और अब हमारे पास जिंदा रहने का एक मात्र तरीका है कि सभी लोगों को इकट्ठा करना और एक साथ लड़ना। और ये कहते वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है जल्दी करो और पानी से दूर रहो। जो कि सुनते ही वहाँ के लोग कह रहे होते हैं ब्रदर वो स्पाइक शार्क मॉन्स्टर वो पानी के किनारे नहीं आ रहा है। और वो जो शार्क होता है वो दूसरी तरफ चला जाता है। जो कि देखते ही वहाँ के लोग कह रहे होते हैं फाइनली हम लोग बच गए हैं। तभी अचानक से उसका दूसरा साथी वो एलिमिनेट हो जाता है। जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या दूसरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर किसने हम पे शॉट किया, क्या तुम्हें पता भी है कि टाइम क्या हुआ है, क्या तुम अभी भी पॉइंट्स के बारे में सोच रहे हो, अगर हम अभी कैप्सूल बन जाते हैं तो हम लोग डिफेंसलेस हो जाएंगे और रूनस्टोन बीस्ट हमें खा जाएंगे। लेकिन वो बंदा नहीं सुनता और वो दूसरों को भी एलिमिनेट करता जा रहा होता है। जो कि देखते ही वो नीचे झुक जाता है और कहता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज हमें छोड़ दो, लेकिन वो सभी के सभी लोगों को एलिमिनेट करते जा रहा होता है। जो कि देखते ही वो बंदा कहता है कमीने बाहर आओ हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनता और उसे भी एलिमिनेट कर देता है। और वो उन सभी को मारते हुए कह रहा होता है तुम सब एक बेकार से पत्थर हो। और ये वही यही तियानचेन होता है जो कि एक ई रैंक के रियून हंटर होता है। सीन चेंज होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं जिसमें से एक का तो पैर ही कट गया होता है और उसे वो दूसरा बंदा पानी पिलाते हुए कहता है यही पर ही रुको रेनफोर्समेंट जल्दी यहाँ पर होंगे। तो वो बंदा कहता है वार्मोल आउटब्रेक के काफी ज्यादा टाइम हो गया है और एग्जामिनर ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, मुझे लगता है कि उन्होंने हमें पहले ही छोड़ दिया है। तो वहाँ पे बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे ऐसा होगा तो मैं इस भद्दे से ट्रायल में कभी भी नहीं आता, अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। तो दूसरा बंदा कहता है मदद अभी तक क्यों नहीं आई, मेरे साथियों की इलाज की जरूरत है, आखिर अभी क्या हो रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे डोंगजी आ जाता है। जो कि देखते हैं वो कहता है ये तो लीडर डोंगजी है और वो कह रहा होता है लीडर डोंगजी ने हम सभी को बचाया है, उनके पास ये श्योर करने का कोई तरीका होना चाहिए कि हम लोग जिंदा रहेंगे या नहीं। तो डोंगजी सभी लोगों से कह रहा होता है सभी लोग घबराओ मत और वो लुलू से कहता है लुलू सभी घायल लोगों को अंदर ले जाओ और उनकी पट्टी करने में मदद करो। और डोंगजी सभी लोगों से कह रहा होता है कल तक ये सेफ जोन काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा और हम सभी दिशाओं से रूनस्टोन बीच से गिर जाएंगे, तो इसीलिए हमें तैयार होना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए। तो वो दूसरा बंदा कहता है लीडर डोंगजी क्या हम सिर्फ मरने का वेट करेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, हम अपने लाइफ को जोखिम में डाल के जिंदा रहेंगे। तो दूसरा बंदा कहता है टेम्पेस्ट थंडर बैच सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, तो इसलिए अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई जाने कि मैं अंत तक लड़ा। तो तीसरा बंदा कहता है मेरी माँ मुझ पर गर्व करेगी। ये सुनने के बाद डोंगजी सभी लोगों से कह रहा होता है चूंकि सेफ जोन एरिया ये छोटा होता जा रहा है तो स्कूल चल ही हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें समय का यूज करना चाहिए। तभी झोंग वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है लीडर एक और बात है इस कैप्सूल में फंसे पार्टिसिपेंट्स के बारे में क्या, आखिर हम लोग इनका क्या करें। जो कि सुनते ही डोंगजी वो अपने में कह रहा होता है कैप्सूल उन्हें थंडरस्टॉर्म से बचाएंगे लेकिन जो पार्टिसिपेंट एलिमिनेट हो चुके हैं वो इस ट्रायल के खत्म होने तक नींद की सिचुएशन में रहेंगे और अगर हम उन्हें यहाँ पे छोड़ देते हैं तो जरूर रूनस्टोन बीस्ट उन्हें मार देंगे। तो झोंग उससे कह रहा होता है ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हम इतने सारे लोगों को एक साथ ले जा सके। डोंगजी से कहता है तो फिर हम उन्हें उन जगहों पर छिपाने की जरूरत है जहाँ पे रूनस्टोन बीस्ट हमला ना कर सके, हम उनके लिए इतना तो कर सकते हैं। दूसरी तरफ तांगयू वो मैप को देखते हुए कह रहा होता है मैं ये सजेशन देता हूँ कि हम लोग अगर इस आइसलैंड के बीच से रास्ता बनाते हैं तो हम लोग ना केवल तूफान से बच पाएंगे बल्कि हम लोग वहाँ पे मेडिकल सप्लाई भी कर पाएंगे। वैसे भी कई सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्हें हम लोगों ने बचाया है वो लोग काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं और उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, नहीं तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सुनते ही डोंगजी जुआंग से कह रहा होता है एक बार जब हम इस स्कूल को छोड़ देते हैं
है तो हमें एरिया की स्काउट करने के लिए किसी की जरूरत होगी, तो इसलिए जुआंग तुम कुछ लोगों को चुनो जो कि सुनते ही वो कह रहा होता है ठीक है मैं तुरंत ये करता हूँ। दूसरी तरफ हमें उसी शटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यानिन काफी ज्यादा परेशान होता है और वो दूसरे बंदे से कह रहा होता है कम्युनिकेशन सिस्टम कब तक ठीक होगा, तो दूसरा बंदा कहता है शटल के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम का साथ देने वाले स्पेस टाइम बैरियर वो खत्म हो चुका है, तो इसीलिए जब तक हम इस बैरियर को तोड़ने देते तब तक हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद यानिन कह रहा होता है ठीक है क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो दूसरा बंदा कहता है शायद अभी भी एक रास्ता है। यानिन कहता है तो ठीक है मुझे बताओ कि वो रास्ता क्या है, तो वो बंदा कहता है हम अपनी फायर पावर का यूज करेंगे और स्पेस टाइम बैरियर के एक पॉइंट पे हमला करेंगे और एक मौका यह है कि हम बैरियर में एक छोटा सा छेद कर सकते हैं। और वो बंदा अपने उनमें कह रहा होता है अगर हम इस आइसलैंड के बैरियर में एक बड़ा सा छेद कर सकते हैं तो हम लोग कम्युनिकेशन बना सकते हैं जिससे कि हम लोग बाकी सारे पार्टिसिपेंट को जानकारी भेज सकते हैं। तभी यानी उससे कह रहा होता है आखिर इसका क्या यूज है, क्या हम पार्टिसिपेंट्स को बता दे कि हेल्प कल तक आ जाएगी, नहीं ये सिर्फ उन्हें परेशान करेगा। तभी पीछे से जी कह रही होती है मैंने एग्जामिनर यान मेरे पास एक सजेशन है। ये सुनते ही यानी कह रहा होता है आखिर वो क्या है मुझे बताओ, तो जी कह रही होती है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर वार्मोल आउटब्रेक कल सुबह तक जारी रहा तो इस आइलैंड में 10,000 से ज्यादा रियोनिस्टन बीस्ट होंगे और सारे के सारे पार्टिसिपेंट आखिर एक छोटे से जगह यानी कि सेफ जोन में आ जाएंगे और वो सेफ जोन काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा जिसका मतलब यह है कि कल सुबह भले ही वो एटॉमिक कैनन आ जाए लेकिन फिर भी सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स वो मरने वाले हैं। उनका जिंदा रहने का एकमात्र तरीका पार्टिसिपेंट का एक साथ काम करना है और स्पेस टाइम बैरियर पॉइंट को खत्म करना है जिससे कि वार्म होल आउटब्रेक को और भी ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सकता है। तो दूसरा रिक्रूटर कह रहा होता है अगर हम लोग ये कहते हैं लेकिन फिर भी वो बस एक लो रैंक के रियूनियन हंटर का एक ग्रुप है, आखिर हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग एक साथ मिलकर स्पेस टाइम बाउंड्री को तोड़ सकते हैं। तो चिल्लाते हुए कह रही होती है रिक्रूटर फुकुआन मत भूलो दुनिया को सिर्फ स्ट्रॉन्ग रियूनियन हंटर ही सपोर्ट नहीं करते, हालांकि वो लो रैंक के रियूनियन हंटर है लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक एफ रैंक का वार्म होल है और इसीलिए जब तक वो मदद करते हैं तब तक वो सेफ रहेंगे। तो ये सुनते ही यानी कह रहा होता है रिसर्चर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पेस टाइम बैरियर का पॉइंट वो आइसलैंड के बीच में है और शायद इस आइसलैंड के कमांड पोस्ट में एक एक्सप्लोसिव बुलेट तो होना चाहिए जो कि स्पेस टाइम बाउंड्री पॉइंट को तोड़ सके। रिक्रूटर ज्यू का आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है कि उन्हें हम इससे एक कोशिश तो करके देखे, तो वो दूसरा बंदा कहता है फिर हमें भरोसेमंद पार्टिसिपेंट को चुनना होगा और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देना होगा और उन्हें मिशन पूरा करने के लिए सभी लोगों को लीड करना होगा लेकिन हमें उस एक बंदे को जल्दी चुनना होगा नहीं तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। तो ये सुनते हुए वो वाइस एग्जामिनर चिल्लाते हुए कह रहा होता है वो जो एक बंदा है वो एक स्ट्रॉन्ग रून मास्टर होना चाहिए, तो इसीलिए मैं अभी के लिए टॉप रैंक का ये यानचेन को रिकमेंड करूंगा। जो सुनने के बाद ज्यू कह रही होती है नहीं बिल्कुल नहीं, जो कि सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा रन हो जाते हैं और वो जो वाइस एग्जामिनर होता है वो उससे कह रहा होता है आखिर क्यों नहीं तुम इसे मना क्यों कर रही हो, क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो कि ये यानचेन से स्ट्रॉन्ग है। तो ज्यू कह रही होती है मैं टीम 557 के लीडर डोंगजी को सजेस्ट करूंगी, तो यानी उसे कह रहा होता है रिक्रूटर ज्यू ये मैटर हजारों पार्टिसिपेंट्स के जिंदगी के ऊपर है क्या तुम श्योर कि वो ये कर सकता है, तो ज्यू कह रही होती है मैं इस पे शुरुआत से ध्यान दे रही हूँ यानचेन की कंपैरिजन में वो ना केवल स्ट्रॉन्ग है बल्कि उसके पास कुछ ऐसा है जो कि यानचेन के पास नहीं है। तो यानी कह रहा होता है आखिर वो चीज क्या है जो कि यानचेन के पास नहीं है, और सभी लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं। ज्यू कहती है लीड करने की एबिलिटी बस में ही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एक रियोनिस्टन बीस्ट एक बंदे को खाने जा रहा होता है कि तभी उस पे कोई शूट कर देता है और उसे मार डालता है और ये शूट करने वाला और कोई नहीं बल्कि डोंगजी होता है और वो जुआन से कह रहा होता है आगे का रास्ता साफ हो चुका है तुम लोग यहाँ से गुजर सकते हो, जो कि सुनते जुआन कह रहा होता है ठीक है समझ गया अब चलो चलते हैं, और ये कहते ही वो सभी लोगों को लेते हुए आगे चल रहा होता है और अपने अपने कहता है दूसरे रियोनिस्टन स्नाइपर के मुकाबले कोई भी प्रोफेशन रियोनिस्टन बीस्ट को इतनी इजीली नहीं मार सकता, लीडर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है वो इसे इतनी आसानी से मार रहे हैं। दूसरी तरफ डोंगजी वो नीचे उतरते हुए देख रहा होता है तभी वो देखता है कि उसने अभी तक 22 लोगों को ही बचाया है, जो कि देखते ही वो अपने कह रहा होता है रास्ते में मैंने दो पार्टिसिपेंट को बचाया है लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंचता तब तक अधिकतर लोग मर चुके थे। तभी तांगन उसे कह रहा होता है इस स्पीड के अकॉर्डिंग शायद से हम लोग हमारे डेस्टिनेशन में सनसेट होने से पहले पहुंच जाएंगे, तो डोंगजी कहता है ठीक है मैं समझ गया मैं आगे का रास्ता साफ करता हूं तुम लोग आगे बढ़ने लगो। तभी वो देखता है कि उसके सामने स्पेस टाइम बैरियर में हमला हुआ है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा रन होता है और कहता है दोस्तों यहाँ पे एक बुरी सिचुएशन आ चुकी है सभी लोग कवर ले लो, और वो अपने कह रहा होता है रुको वो चीज क्या वो उड़ रही है आखिर वो चीज क्या है, लेकिन ये मेरी तरफ क्यों आ रही है। तभी अचानक से उसके ऊपर वो मिसाइल आ गिरता है जो कि देखते है वो काफी तेजी से उसे डॉच कर लेता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक मिसाइल है जो कि देखते ही वो कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है, तो लुलु कहती है लीडर क्या तुम ठीक हो, तो डोंग से कहता है मैं ठीक हूँ ये चीज अचानक से बैरियर के बाहर से आई है क्या कोई जानता है कि ये चीज क्या है, तो तानियो आते हुए कहता है इसे देख कैसे लगता है कि ये एक मिलिट्री एयर ड्रॉप कैप्सूल है हमें बस इसमें प्रेस करना है और ये कैप्सूल ओपन हो जाएगा। तभी वो कैप्सूल ओपन हो जाता है और वहाँ से यानी का होलोग्राम बाहर निकलता है और वो डोंगजी से कह रहा होता है टीम 557 के लीडर डोंगजी मैं टेम्पेस्ट अंडर ट्रायल का मेन एग्जामिनर हूँ यान ई, जो कि देखते जुआन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मेन एग्जामिनर यानी क्या आप हमें बचाने के लिए अपने लोगों को भेज रहे हैं, भगवान का शुक्र है कि हम लोग बच जाएंगे। तो लुलु कह रही होती है इसे देख लगता है कि ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है लेकिन ये कोई वीडियो रिकॉर्डिंग जैसा डिवाइस लगता है, तो डोंगजी कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो मेन एग्जामिनर यानी क्या कह रहे हैं, और मेन एग्जामिनर यानी कह रहे होते हैं जैसे कि तुम लोग जानते हो कि इस
आइसलैंड में एक एफ्रंग का वार्म होल आउटब्रेक हुआ है। अच्छी खबर यह है कि लाइव स्ट्रीम बिना किसी रुकावट के चल रही है, लेकिन हमारे जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो खत्म हो चुकी है, तो इसलिए हम तुम लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ रेनफोर्समेंट आर्मी वो कल तक पहुंच जाएगी। तो डोंग से अपने क्या रहा होता है, क्या कल सुबह तक सेफ जोन हर घंटे में छोटा होता जा रहा है? क्या हम लोग कल सुबह तक जिंदा रह पाएंगे? यानी क्या रहा होता है, हम रेनफोर्समेंट भेजने के लिए काफी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम लोग अपनी मदद के लिए इस आइसलैंड में कुछ तो कर सकते हो। तो डोंगजी, हमने तुम्हारे एक्शन को ऑब्जर्व किया और हमने ये पाया कि सबसे मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन जो कि सभी को कमांड कर सकता है इस ऑपरेशन के लिए वो तुम हो। क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करोगे? तो डोंगजी कहता है हाँ मैं इसे करूंगा। तो यानी कहता है मुझे आशा है कि तुमने हाँ में आंसर दिया होगा। तो मैं इस मिशन का प्लान तुम्हें डिटेल से बताता हूँ। और ये कहते वो उन लोगों को एक मैप दिखाता है और कहता है वार्मोर का ये कोर ये इस आइसलैंड के सेंटर में स्टेडियम में है। जब तक बाउंड्री पॉइंट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती तब तक ये बैरियर डिसअपीयर नहीं होगी। और वो कई सारे मैप दिखा रहे होते हैं और कहते हैं ये टेम्पेस्ट थंडर आइसलैंड का पुराना कमांड सेंटर है और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा विस्फोटक की चीजें होनी चाहिए जो कि बाउंड्री पॉइंट को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारी मदद कर सकती है। और तुम्हारा ये जो मिशन है वो सारे के सारे रियून हंटर को इकट्ठा करना है और एक्सप्लोजिव को स्टेडियम तक कैरी करना है और उसी के साथ साथ बाउंड्री पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देना है। एक बार जब ये बैरियर गायब हो जाएगी हम इस आइसलैंड में दूसरे यूनिस्टोन बिस्ट को मारने के लिए तुरंत ही रीइंफोर्समेंट आर्मी को भेज देंगे जो कि तुम सभी को बाहर लेके आएंगे। डोंगजी, मुझे आशा है कि तुम इस मिशन में सफल हो सकते हो और इस वार्महोल आउटब्रेक से बचने के लिए तुम सभी को लीड कर सकते हो। ये सब सुनते ही जुआन और भी ज्यादा परेशान होता है और कहता है धिक्कार है, ये सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा है, ये तो कितना ज्यादा खतरनाक है। तो लुलू से कह रही होती है जुआन, निराश क्यों हो रहे हो, कम से कम हमें बाहरी दुनिया से कुछ तो मिला, ये इन्फॉर्मेशन हमारी कई काम आएगी और ये कुछ भी ना जानने से तो बेहतर ही है ना। तभी वहाँ पर तांग्यो कह रहा होता है हालांकि ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, अगर आइसलैंड कमांड के पास कोई दूसरा तरीका नहीं है तो वो हमें इस मिशन को करने के लिए नहीं देंगे, तो इसलिए इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई भी तरीका नहीं बचा है और हमें ये करना होगा। इसलिए अगर हम इस मिशन में फेल हो जाते हैं और अगर यहाँ पे खुद को बचाएंगे तो रेनफोर्समेंट टीम के आने के पहले ही हम लोग मर जाएंगे और ये काफी ज्यादा बुरी बात होगी, तो इसलिए हमें मिलकर काम करना है। डोंगजी तांग्यो से कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो तांग्यो हमारा रास्ता बदलो और सभी को ये इन्फॉर्म करो कि हम बाउंड्री पॉइंट को तबाह करने के लिए जा रहे हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एक जगह कई सारे यूनिस्टोन बीस्ट मरे हुए होते हैं और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है ये लड़का डोंगजी रैंकिंग में इतनी तेजी से मेरा पीछा क्यों कर रहा है, तो इसलिए मेरे सामने मत आना नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहते हैं वो डोंगजी की तरफ जा रहा होता है और कहता है सरहद के सभी कमजोर लोग ज्यादातर मारे जाते हैं तो इसलिए सिटी को और भी ज्यादा दिलचस्प होना चाहिए। फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे न्यूज में बताया जाता है कि लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग जो टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल है उसे अंदर से और बाहर से एक डुअल रेस्क्यू ऑपरेशन अटेम्पिंग का कमांड दिया जा रहा है और उसी में से एक पार्टिसिपेंट का एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की वजह से टीम 557 के लीडर डोंगजी जिसे मेन एग्जामिनर यानी ने इस ऑपरेशन के लिए चुना है जो कि इस ऑपरेशन का कमांडर रहेगा। एंड ये सब तानिन भी देख रही होती है, वो न्यूज रिपोर्टर कह रहा होता है डोंगजी के बारे में क्या खास है और क्या ये मिशन को पूरा कर सकता है ये जानने के लिए सिर्फ वेट करे। और ये सब देखते हुए तांगिन कह रही होती है आखिर ये वार्महोल ब्रेकआउट कैसे हो गया, वो भी अभी। डोंगजी और तांग्यो तुम दोनों प्लीज सुरक्षित रहना। दूसरी तरफ ये सब मेन एग्जामिनर यानी देख रहे होते हैं और वो ये सब देखते हुए अपने में कहते हैं ये डोंगजी को चूज करने का डिसीजन सबसे बढ़िया था और उसने पहले ही सिटी में एंटर कर लिया था तो मुझे आशा है कि उसके लिए सब कुछ अच्छे से जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुआन कह रहा होता है ये पिछले वार्महोल ब्रेकआउट होने से पहले का सिटी है, ये बहुत ही ज्यादा सुनसान लगता है। तो लुलू कह रही होती है मैंने सुना है कि ये डी रैंक वार्महोल आउटब्रेक था और ज्यादातर लोगों के पास यहाँ से बचने का मौका भी नहीं था तो इसलिए वो सभी यहाँ पे मारे गए। तो डोंगजी सभी लोगों से कह रहा होता है सभी लोग आगे चलते जाओ और वो अपने मिशन को देखता है और अपने मन में कह रहा होता है रास्ते में हमने पास पार्टिसिपेंट को बचाया है अभी हमें और बचाना है, लेकिन जिन्हें हम लोगों ने बचाया है वो बुरी तरीके से जख्मी है, हमें जल्द ही मेडिकल सप्लाईज को ढूंढना होगा। तभी जोंग से कह रहा होता है लीडर मुझे एक मेडिकल स्टोर मिल गया है और यहाँ पे हम लोग मेडिकल सामान ढूंढ सकते हैं, जो कि सुनते ही डोंगजी भी काफी खुश होता है और कहता है ठीक है हम सभी वहाँ पर आ रहे हैं। और सभी मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं जहाँ पे जो जख्मी लोग होते हैं उनका इलाज किया जाता है और वहाँ पे वहाँ के लोग आपस में कह रहे होते हैं ब्रदर डोंग और उनकी टीम का धन्यवाद, अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हम लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ डोंगजी के पास तानियो आते हुए कह रहा होता है यहाँ से रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक होगा इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हम घायल लोगों को यहीं पर ही छोड़ दे और उन एक्सप्लोजिव को पकड़ने के लिए हम लोग कमांड सेंटर में किसी इलाइट टीम को भेजे। तो डोंगजी कहता है जुआंग हमारे पास कितने लोग हैं, तो जुआंग कहता है हमारी टीम के अलावा सिर्फ 9 लोग हैं जो कि अभी लड़ सकते हैं। तो डोंगजी कहता है जोंग क्यूआई 4 लोगों को ले जाओ और घायल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे ही रहना और बाकी सभी लोग मेरे पीछे कमांड सेंटर में जाएंगे, हम आधे घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे। तो जोंग कहता है ठीक है हम लोग समझ गए। फिर आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगजी अपने सभी लोगों को लेके चल रहा होता है, यानी कि उसने जितने लोगों को चूज किया था उतने लोगों को लेके आगे बढ़ रहा होता है और कहता है सभी लोग अलर्ट रहना। तभी उन्हें एक स्टोर मिलता है जो कि देखते ही जोन कह रहा होता है लीडर देखो इस स्टोर में बहुत कुछ है जिसका कि हम यूज कर सकते हैं, इसे देख लगता है कि इसके अंदर सब कुछ सही होगा। तो डोंगजी कहता है हम कमांड सेंटर से अभी भी दूरी पर है इसलिए यहाँ पे हर कोई अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है। फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि चेंग लुलू डोंगजी के लिए कुछ खाना लेके आती है और
और उसे कह रही होती है, लीडर तुम्हें भी कुछ खाना खा लेना चाहिए, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया था। डोंग से कहता है ठीक है। ये सब देखते हैं वहाँ पे एक बंदा अपने मन में कह रहा होता है, इस लड़की को देख के ऐसा लगता है कि ये लीडर को लाइक करती है। वैसे ऐसा होगा भी क्यों ना, क्योंकि ये लीडर काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर मैं इसकी जगह लड़की होता तो मैं भी उन्हें पसंद करता। तभी वो अपने सामने कुछ वाइन या फिर लिकर को देखता है। इसे देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, ये तो लिकर का एक अच्छा बॉटल है जो कि मुझे मिल गया है। इसे देख के लगता है कि आज मैं लकी हूँ। और ये कहते हुए वो उसे पीने जा रहा होता है कि तभी डोंग उसे रोक लेता है और उसे कहता है, सिगरेट तुम्हारे लिए ठीक है लेकिन अभी ड्रिंक करना ये कुछ अच्छा नहीं है, ये आगे जाके तकलीफ दे सकती है। दूसरी तरफ जुआन वो खाना खाते हुए कह रहा होता है, बढ़िया अब तो मैं यहाँ पे बिना किसी पैसे की चिंता किए दबा के खाना खा सकता हूँ। दूसरी तरफ टैंग यू वो कुछ नोटिस कर रहा होता है, जिसे देखते ही डोंग उससे कहता है, टैंग यू आखिर यहाँ पे क्या गलत है, तुम क्या सोच रहे हो। तो टैंग यू कह रहा होता है, टेम्पेस्ट अंडर रैंकिंग लगातार बदल रही है, तुम्हें भी शायद इसे देखना चाहिए, क्या तुम्हें कुछ अजीब दिख रहा है। तभी डोंग देखता है कि ये तियानचेन की पॉइंट वो काफी ज्यादा है, जिसे देखते ही डोंग कह रहा होता है, रुको ये क्या है, ये तियानचेन की पॉइंट इतनी ज्यादा क्यों है। टैंग यू कह रहा होता है, वार्महोल आउटब्रेक होने के बाद से हमने किसी भी पार्टिसिपेंट को एलिमिनेट नहीं किया लेकिन ये तियानचेन वो रुका नहीं। तो डोंग कहता है, क्या क्या वो अभी भी पार्टिसिपेंट को एलिमिनेट कर रहा है। तो टैंग यू कह रहा होता है, बस यही नहीं अभी रैंक 9 के पार्टिसिपेंट अचानक गायब हो गए और उसके पॉइंट ये तियानचेन में जोड़ दिए गए। तो डोंग कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, चूंकि कमांड सेंटर ने आइसलैंड का कंट्रोल खो दिया है तो बाउंटी हंटर इवेंट ये अभी भी जारी है, लेकिन क्या ये तियानचेन अभी भी जीतना चाहता है, वो भी इस टाइम, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे तो दूसरे लोगों को बचाना चाहिए लेकिन वो अभी भी दूसरे लोगों को एलिमिनेट करता जा रहा है, ऐसे तो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। तो टैंग उससे कह रहा होता है, मुझे इसके ऊपर शक है कि वो रियन हंटर एकेडमी में एंटर करने के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, वो बस दूसरों को मारने में काफी ज्यादा मजा लेता है। तो डोंग से कहता है, कोई बात नहीं, ये सबसे अच्छा है कि हम इस तरह के कमीने से बचे। तभी डोंग से अपने सामने देखता है कि वहाँ पे और एक बाउंटी हंटर टारगेट रखा जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि चेंग लुलु होती है, जो की देखते ही वो दोनों काफी ज्यादा अनलकी होते हैं और कहते हैं, नहीं हम लोग इतने ज्यादा अनलकी क्यों हैं, जो की देखते ही लुलु भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो टैंग यू कह रहा होता है, तो हम क्यों ना पहले ये तियानचेन को एलिमिनेट करें, तो फिर जाके हम लोग उन बॉम्ब्स को हासिल कर सकते हैं। तो डोंग से कहता है, अगर हम लोग ये तियानचेन के साथ साइड ट्रैक हो जाते हैं तो वेरियन बीस्ट इस जगह पर भी हावी हो जाएंगे, तो इसीलिए बाउंड्री पॉइंट को खत्म करना ये हमारा सबसे पहला मिशन है और अभी हमें सबसे पहले यही करना है। और ये कहते हैं वो चेंग लुलु के कंधे पे हाथ रखता है और उसे कह रहा होता है, लुलु चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मेरे करीब रहना और मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। जो की देखते ही लुलु शर्मा रही होती है और उससे कहती है, ठीक है। एंड ये सब जी क्विंग टैंग यिन ज़ियाओ तीनों ही देख रहे होते हैं और वो तीनों काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। दूसरी तरफ बार में पॉइजन वुल्फ की टीम भी ये सब देख रही होती है और पॉइजन वुल्फ ये सब देखते हुए कह रहा होता है, आखिर ऐसी सिचुएशन में ये लड़का इस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ऐसा कैसे कर सकता है। तो इसके निमंगे कह रहा होता है, बॉस मुझे लगता है कि आप कुछ भी कहने के लायक नहीं है क्योंकि ये तो आपके ऊपर ही गया है। तो पॉइजन वुल्फ काफी गुस्से से उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी वहाँ का दूसरा बंदा कहता है, क्योंकि डोंग जी की टीम के सारे मेंबर्स वो रैंकिंग में है तो इसीलिए ये बाउंटी हंट इवेंट उनके लिए एक नुकसान है। तो इसके निमंगे कह रहा होता है, स्पेस टाइम बैरियर की वजह से कमांड सेंटर वो आइसलैंड के प्रोग्राम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तभी वो बिकाओ कहता है, वो कमीना ये तियानचेन वो हम जैसे लोगों से भी काफी ज्यादा क्रूअल है। तो पॉइजन वुल्फ कहता है, ये तियानचेन मैंने सच में उसके बारे में पहले सुना था। और वो बिकाओ से कहता है, बिकाओ क्या तुम्हें याद है वो ईगल सिटी स्काई ट्रेजर एशिया का लिटिल मॉन्स्टर, क्या तुम्हें वो याद है। तो बिकाओ कहता है, क्या 20 साल पहले जो स्काई ट्रेजर एरिया वार्महोल डिस्ट्रॉय किया गया था, क्या वही। तो वही तीसरा बंदा कहता है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। वो कहता है, तो अब हमारे लीडर ने इसका मेंशन किया है तो इसलिए मुझे कुछ याद आया, 20 साल पहले ईगल सिटी के स्काई ट्रेजर एरिया में वार्महोल आउटब्रेक हुआ था और उसी के साथ साथ रियोनिस्टन बीस्ट ने कुछ बच्चों को पकड़ लिया था और वो उन्हें अपने बच्चों को खिलाने के लिए अपने घोंसले में वापस ले गया। लेकिन जब रेस्क्यू टीम वहाँ पे गई तब उन्होंने देखा कि एक बच्चे ने 3 रियोनिस्टन बीस्ट के बच्चों को मार डाला और वो उनका खून पी रहा था। और मैंने सुना था कि उस बच्चे को उसी ईगल सिटी में एक ए रैंक के रियन हंटर ने गोद ले लिया था और उसे अपने सक्सेसर के रूप में पाला। तो पॉइजन वुल्फ कहता है, सच में वो बच्चा प्रेजेंट में ये तियानचेन है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के स्किनी मंकी काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है, क्या क्या कोई रास्ता नहीं है, जिसका मतलब उसके पास ए रैंक के रियन हंटर का बैकअप है। तो पॉइजन वुल्फ उससे कहता है, कौन परवाह करता है, चूंकि वो ऐसी सिचुएशन में है और दूसरे पार्टिसिपेंट का शिकार कर रहा है और वैसे भी उसने पहले ही अनगिनत लोगों को नाराज कर दिया और जब ये ट्रायल खत्म होगा तो उसे जरूर पनिश किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि टोंगसी का सामना उसके साथ नहीं हो, नहीं तो काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। ओल्ड कमांड सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक वार्महोल अपीयर होता है और वहाँ पे डोंगसी की टीम भी पहुँच चुकी होती है। लेकिन लुलु ये सब देखते हुए काफी ज्यादा रन होती है और कहती है, कमांड सेंटर बिल्डिंग के पास एक वार्महोल है, अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो डोंगसी कहता है, याली तुम एक रियन स्टोन स्काउट हो, क्या तुम हमारे आसपास की सिचुएशन की जांच कर सकते हो। तो याली कह रही होती है, हाँ क्यों नहीं, जरूर मैं ये जांच करती हूँ। और ये कहते हैं वो अपने ड्रोन को बाहर निकलती है और कहती है, बस इसे मेरे पर छोड़ दो। और वो आसपास की जगह को चेक करने लगती है और चारों तरफ देखने के बाद वो कह रही होती है, अच्छी खबर है, ज्यादातर रियोनिस्टन बीस्ट वो बाहरी एरिया में है, तो इसलिए अगर हम यहाँ पे सावधान रहते हैं तो हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, हम उनसे बच सकते।
सकते हैं। तो रोंगजी कहता है हाँ ये ठीक है। तब इस वार मून से कुछ रियोनिस्टन बीस्ट बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि देखते ही रोंगजी कह रहा होता है धिक्कार है, ज्यादातर रियोनिस्टन बीस्ट इस वार मून से बाहर निकल रहे हैं और अब हम यहाँ से होकर नहीं जा सकते। तभी तांग्यू कह रहा होता है लीडर अगर हम वार मून के आस पास रास्ता बनाने के लिए सीवेज टनल का यूज करें तो क्या होगा। तो रोंगजी कहता है हाँ ये सही है, अधिकतर रियोनिस्टन बीस्ट ये जमीन के ऊपर है तो इसलिए इस पॉइंट में शेवर टनल ये काफी ज्यादा बढ़िया है और वो हमारे लिए सुरक्षित भी हो सकता है। ये कहते हैं वो लोग टनल खोल देते हैं, जिसे देखते हुए रोंगजी कहता है हर कोई मेरे पास रहो और अपनी सुरक्षा को कम ना होने दो। जो कि देखते हैं उनमें से एक बंदा जो सिगरेट पी रहा होता है वो वहाँ पे सिगरेट फेंक देता है। एंड ये चीज तुम आगे जगह नोटिस कर पाओगे, अंदर जाते ही जुआन को काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है और वो कह रहा होता है यहाँ पे तो काफी ज्यादा बदबू आ रही है। तो रोंगजी कहता है इस आइसलैंड को कई सालों से ऐसे छोड़ दिया गया था तो इसलिए अब इसे सहन करना ही होगा और वैसे भी ये हमारे सेफ्टी के लिए है। तांग्यू उसे कहता है कमांड सेंटर यहाँ से लगभग 100 मीटर का रास्ता होना चाहिए। तो रोंगजी कहता है ठीक है, एक बार जब हम लोग अंदर चले गए तो हम पहले कमांड सेंटर का एंट्रेंस बंद कर देंगे और फिर उसी के साथ साथ रियोनिस्टन बीस्ट को अंदर मार डालेंगे, समझे। तो याली कह रही होती है हाँ लेकिन ये गटर ये काफी ज्यादा खौफनाक लग रहा है। तभी अचानक से उसके पास एक चूहा आ जाता है जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ हमें यही टेंशन को दिखाया जाता है जो कि उसी स्टोर के बाहर होता है, जिसे देखते हुए वो कहता है यहाँ के जगह को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो बाउंटी जो की टीम 557 से है वो पास में होना चाहिए। तो कहाँ पे छुपे हो तुम, बाहर आ जाओ मैं जल्दी तुम्हें ढूंढ लूंगा। तभी वो देखता है कि वहाँ पे वो सिगरेट गिरा हुआ है जो कि टनल के पास है, जो कि देखते हुए वो कहता है अच्छा ऐसा लगता है कि तुम जैसे चूहे इस टनल में घुस गए हो, वाकई में तुम लोग तो काफी ज्यादा शातिर हो। दूसरी तरफ ढोंगजी और बाकी सभी लोग अलग रास्ता देखते हैं जहाँ पे तांग्यू कह रहा होता है ये सुरंग सीधे हमें बिल्डिंग के अंदर ले जाएगी। तो वो दूसरा बंदा कहता है लेकिन क्या ये सुरक्षित है। तो ढोंगजी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं जांच करता हूँ और ये कहते ही वो अपने रियोनिस्टन स्किल स्नेक आइज का यूज करता है और अपने सामने सब कुछ डिटेक्ट करने लगता है और कहता है मुझे अपने आस पास कोई भी हीट सिग्नेचर का पता नहीं चल रहा है तो सब कुछ ठीक ही होना चाहिए। तभी उनमें से एक बंदा अपने पीछे कुछ नोटिस करता है जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिर ये चीज क्या है। तभी डोंगजी जुआन से कह रहा होता है अच्छा ठीक है पहले अपने जैकेट को उतारो, जो कि सुनते ही जुआन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है क्या लीडर तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस टनल में से किसी दूसरे सुरंग में से एक रियोनिस्टन बीस्ट बाहर आ रहा होता है जो कि डोंगजी को देख लेता है। दूसरी तरफ जुआन कह रहा होता है अब इस जैकेट को उतारने के बाद मैं बदबू हो जाऊंगा। तो डोंगजी कहता है आराम मत करो, वो ग्रेनेड इस रोड टेल क्रोकोडाइल को मारने के लिए काफी नहीं है, उसकी स्किन काफी ज्यादा मोटी है। तभी अचानक से उसके ऊपर वही मगरमच्छ हमला कर देता है जो कि देखते ही डोंगजी जुआन को लेते हुए उस हमले को डॉज कर लेता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उस मगरमच्छ के हमला करने से पहले उस पे बहुत सारे ग्रेनेड का असर हुआ था जिससे कि वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है, जो कि देखते ही जुआन कहता है आखिर ये मरा क्यों नहीं है अब हम क्या करें। तो डोंगजी कहता है घबरा मत, इसने पहले काफी ज्यादा नुकसान उठाया है और वो अब कमजोर हो गया होगा तो इसीलिए अपने ढाल का यूज करो और इसके हमले को रोको, बाकी सब तुम उस पर छोड़ दो। तभी वो जो बीस्ट होता है वो जुआन पर हमला करता है लेकिन जुआन अपने रियोनिस्टन स्किल का और अपने शील्ड से उसे रोक लेता है और वो कह रहा होता है मैं इस टनल पे नहीं मरूंगा लीडर, अब सब कुछ आप पे है। तो रोंगजी निशाना लगाते हुए कह रहा होता है हालांकि इसकी स्किन काफी ज्यादा मजबूत है लेकिन इसका एक कमजोर पॉइंट भी है और वो है इसकी आंख। एंड ये कहते हुए उसके आंख में शूट कर देता है और काफी तेजी से रियोनिस्टन स्किल जम स्लैश का यूज करते हुए वो अपने स्वॉर्ड से उसे मार डालता है। ये देखने के बाद जुआन कह रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने ई रैंक के रियोनिस्टन बीस्ट को मार डाला। तो रोंगजी उस रियोनिस्टन क्रिस्टल को लेते हुए कह रहा होता है जुआंग जियांग मुझे इस रियोनिस्टन क्रिस्टल को लेने दो, मुझे कुछ करने के लिए चाहिए। तो जुआंग कह रहा होता है लीडर आपने मेरी जान बचाई है तो इसलिए सारे के सारे क्रिस्टल वैसे भी आपके ही हैं। और रोंगजी अपने मन में कह रहा होता है सिस्टम मुझे रियोनिस्टन क्रिस्टल को एक्सपी में बदलने के लिए मदद कर सकता है और एक ई रैंक रियोनिस्टन मुझे काफी ज्यादा एक्सपी देगा लेकिन मैं इसका यूज तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं इस आइसलैंड को छोड़ ना दूं। तभी जुआंग कुछ देखता है और कहता है लीडर देखो इस दीवार में एक छेद है। और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा छेद है जो कि देखते ही रोंगजी कह रहा होता है इसे देख कैसा लगता है कि ये इस मगरमच्छ की वजह से हुआ है, इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो जुआन कहता है लीडर अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं मर गया होता। डोंगजी कहता है चलो अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या है और ये कहते हैं सारे लोग अंदर जाने लगते हैं जो कि देखते ही जुआन कह रहा होता है इतने सारे रिसोर्स मुझे लगता है कि दुर्भाग्य होने के बाद लकी होने का ये मतलब है। और ये सब कुछ देखते ही डोंगजी कह रहा होता है ये सब को देखते हुए ये जगह शायद कमांड सेंटर की लॉजिस्टिक वेयर हाउस होनी चाहिए। और डोंगजी जुआन से कह रहा होता है जुआंग जियांग क्योंकि वो रियोनिस्टन बीस्ट मर चुका है तो सभी लोगों को यहाँ पे बुलाओ। तो जुआंग कहता है ठीक है मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ और ये कहते ही वो सभी लोगों को अंदर बुलाता है। डोंगजी उन हथियारों को देखते हुए अपने में कहता है जैसे कि इस कमांड सेंटर के वेयर हाउस से एक्सपेक्ट किया था ये जगह खाना हथियारों और रिसोर्स से भरा हुआ है। एंड ये सब देखते ही तांग्यू कह रहा होता है वाओ इतना सारा खाना पानी और इमरजेंसी के लिए मेडिसिन जो कुछ हमें चाहिए था वो सब कुछ यहाँ पे है। तभी लुलू वहाँ पे कुछ टैक्टिकल सूट्स को देखती है जो कि देखते ही वो कह रही होती है लीडर यहाँ पे बहुत सारे टैक्टिकल सूट है और ये कहते वो डोंगजी के पास ले जाती है और उसे कह रही होती है आखिर आप इसे पहले क्यों नहीं पहनते। तो डोंगजी कहता है ठीक है इसके लिए थैंक यू सब लोग इसे पहन लो और सभी लोग इस टैक्टिकल सूट को पहन लेते हैं जो कि देखते डोंगजी कह रहा होता है टैक्टिकल सूट वास्तव में अच्छा है, इसमें थर्मल इंसुलेशन सांस लेने की एबिलिटी है पसीना सोखने की एबिलिटी है और इसके साथ साथ ये हमारे सेफ्टी
भी बढ़ाता है। तो जुआन कहता है हाँ ये मेरे पुराने वाले से काफी ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ तांग्यू कह रहा होता है मुझे यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लोजिव मिले। ये सब देखते ही डोंग से कहता है हाँ ये काफी होना चाहिए। तो डोंग से कहता है ठीक है इससे पहले कि हम लोग बाहर निकले इस व्यूअर हाउस की जांच कर लो और देखो कि क्या क्या जरूरी है। तो सभी लोग कह रहे होते हैं ठीक है हम लोग समझ गए। तभी डोंग से एक बॉक्स को देखता है जिसे देखते हुए वो अपने में कह रहा होता है ये बॉक्स कुछ खास लगता है और ये कहते हुए उसे ओपन करता है। एंड जैसे वो ओपन करता है वैसे वो काफी साधारण होता है क्योंकि उसके सामने तीन यूनिस्टोन स्किल होते हैं जो कि देखते ही वो अपने में कहता है क्या ये आर्मामेंट यूनिस्टोन है। शायद वो लोग यहाँ से जल्दी निकल गए थे और इसे यहाँ से लेना भूल गए थे और जैसे कि एक्सपेक्टेड है ये सभी ई रैंक के यूनिस्टोन है। एंड ये कहते ही वो सबको चेक करता है जिसमें से वो जो रेड वाला होता है वो फायर क्रिस्टल शील्ड होता है जो कि एक ई रैंक के यूनिस्टोन इक्विपमेंट होता है। ये डिफेंस को बढ़ाता है। उसी के साथ साथ ग्रीन स्टोन वो एक साइक्लोन बीस्ट होता है जो कि ई रैंक के यूनिस्टोन स्किल होता है और यह फायर साइक्लोन बर्स्ट करता है। उसी के साथ साथ यूजर की अटैक रेंज वो 100% तक बढ़ा देता है। एंड जो आखिरी और तीसरा वो फैंटम आर्मर होता है। एंड ये एक ई रैंक का यूनिस्टोन आर्मर है जिसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है जो कि देखते डोंग से कह रहा होता है सभी लोग इसे देखो। उसे देखते ही तांगो कह रहा होता है जुआंग जियांग को फायर क्रिस्टल दी जानी चाहिए और उसी के साथ साथ फैंटम आर्मर और साइक्लोन ब्लास्ट ये लीडर को दिया जाएगा। इस तरह वो यूनिस्टोन की पावर को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो क्या किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? तो सभी लोग कह रहे होते हैं हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। कोई बात नहीं आप लोग इसे यूज कर सकते हो। जो कि देखते ही जुआंग कहता है मैं काफी ज्यादा लकी हूँ और ये कहते हैं वो इसे यूज करते हुए अपना एक शील्ड बना लेता है और उसकी डिफेंस काफी ज्यादा हो जाती है। और वो कह रहा होता है अगर मेरे पास शील्ड पहले होती तो मैं उस ई रैंक के रियूनिस्टोन बीस्ट का खोपड़ी पहले ही कुचल देता। दूसरी तरफ लुलु डोंग से कह रही होती है लीडर रियूनिस्टोन आर्मर को एक्टिवेट करिए और हमें दिखाइए कि ये क्या है। तो डोंग से कहता है ठीक है अब मुझे ट्राई करने दो और ये कहते हैं वो उस आर्मर को एक्टिवेट करता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होता है। ये सब देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लुलु कहती है वाह लीडर आप तो काफी ज्यादा कूल लग रहे हो। डोंग से कह रहा होता है ये कैमोफ्लेज एबिलिटी काफी ज्यादा यूजफुल है जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है इस आर्मर की वजह से लीडर बिना खोजे स्नाइप कर सकते हैं। तो डोंग से कहता है मैं हर किसी की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और वो अपने में कहता है ए रैंकर यूनिस्टोन आर्मर ही इसकी कीमत कम नहीं है यहाँ तक कि एक डी रैंकर यूनिटर भी इसे अफोर्ड करने में एबल नहीं हो सकता फिर भी मुझे एक सेट मुफ्त में मिला है। और वो सभी लोगों से कह रहा होता है क्या सभी लोग आराम कर चुके हैं हमें जितना हो सके उतना एक्सप्लोजिव लाने होंगे और जल्दी मिशन को पूरा करना होगा। जुआंग जियांग तुम हमारे सामने होंगे। तो जुआंग कह रहा होता है ठीक है मुझे आप पर पूरा भरोसा है तो चलो इसे करते हैं। मैं कुछ यूनिस्टोन बीस्ट को ढूंढना चाहता हूँ और अपनी नई शील्ड का यूज करना चाहता हूँ। जुआन उस शील्ड की मदद से उन यूनिस्टोन बीस्ट को काफी इजीली मार रहा होता है और उसे मारने के बाद वो डोंग जी से कह रहा होता है लीडर देखो इस शील्ड के साथ मेरी कॉम्बैट एबिलिटी ये काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो डोंग जी से कह रहा होता है ज्यादा खुश मत हो ये और भी ज्यादा अंधेरा हो रहा है तो इसलिए ये खतरनाक हो सकता है। तभी अचानक से कोई उसके पैर पे शूट कर देता है और उसे घायल कर देता है जो कि देखते ही सभी लोग काफी साधारण होते हैं और कहते हैं क्या लीडर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी एक बंदा कहता है कि लगता है कोई हम पर घात लगा के बैठा है जो कि देखते ही जुआन अपना डिफेंस करते हुए कह रहा होता है लानत है आखिर वो कौन है जो कि हम पर हमला कर रहा है। डोंग जी कहता है अगर मैं सही हूँ तो ये जरूर ये तियानचेन होगा। तो तांग यू कहता है ये तियानचेन क्या उसने हमारा पीछा किया वो तो बिल्कुल पागल है। तभी डोंग जी देखता है कि वो जो बाउंड्री टारगेट है वो अभी लुलु है और इसका रिमाइनिंग अभी भी एक मिनट तक बचा हुआ है जो कि देखते ही डोंग जी काफी ज्यादा परेशान होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है मेरे बारे में भूल जाओ उसने हमारा ध्यान हटाने के लिए हम पर हमला किया है तो इसलिए जाओ लुलु की रक्षा करो। और तभी यही तियानचेन लुलु पर हमला कर देता है लेकिन जुआन उससे डिफेंस कर लेता है जो कि देखते लुलु कहती है उसका टारगेट वो सच में मैं हूँ। तो जुआन कहता है वो कायर अगर एक बार जब हम उनसे डील कर लेंगे तो हमारे ये सफर ये सुरक्षित हो जाएगी जल्दी करो लीडर को बिल्डिंग वापस ले चलो और उसी के साथ साथ मैं इसके हमले को रोकता हूँ। और फिर कुछ समय बाद वो सभी डोंग जी को अंदर ले जाते हैं जहाँ पे यालिस पे मरहम पट्टी करते हुए कह रही होती है लीडर के पैर में छेद कर दिया गया है जो कि सुनते ही तांग्यू कहता है याली क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। तो याली कहती है मैं खून रोकने के अलावा बहुत कुछ नहीं कर सकती। तो डोंग जी कहता है तांग्यू मेरे बारे में मत सोचो ये यानचेन से कॉन्टेक्ट करने के लिए उस रेडियो का यूज करो उसे बताओ कि हम उस बैरियर बॉन्ड को खत्म करने के लिए जा रहे हैं और हमें उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी जो कि सुनते ही तांग्यू कह रहा होता है हाँ मैं कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ यही तियानचेन वो कह रहा होता है अच्छा तो ये सफेद वाला लड़का ये डोंग जी है अगर इसके पास यूनिस्टोन आर्मर नहीं होता तो शायद आज ही मर गया होता। तभी उसे तांग्यू की कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि देखते ही वो कह रहा होता है लगता है ये चूहे कुछ कह रहे हैं। तांग्यू उसे कह रहा होता है ये तियानचेन अब एक्सप्लोजन लेने के लिए और उसके साथ साथ बैरियर पॉइंट को नष्ट करने के लिए मेन एग्जामिनर के ऑर्डर के मिशन पे है तो इसलिए अगर तुम परेशानी की वजह बनते हो और हम बहुत ही ज्यादा देर हो जाते हैं तो इस आइसलैंड में बचे हुए सारे के सारे पार्टिसिपेंट उनकी मौत हो जाएगी। जो कि सुनते ही ये तियानचेन अपने में कह रहा होता है क्या बाउंड्री पॉइंट को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तांग्यू कहता है ये तियानचेन क्या तुम मुझे सुन रहे हो ये गेम अब और ट्रायल नहीं रहा अब ये हमारा मकसद बन चुका है कि हम लोग एक दूसरे की हिफाजत करें अगर हम लोग आपस में ही रहे तो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। तो ये तियानचेन कहता है मेरा ट्रायल तब खत्म होगा जबकि मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूं तब मैं बाउंड्री पॉइंट को खुद ही नष्ट कर दूंगा और उसी के साथ साथ मैं इस ट्रायल का चैंपियन बनूंगा। जो कि सुनते ही तांग्यू कह रहा होता है क्या ये तियानचेन क्या ये पागल तो नहीं है वो हमें मारना चाहता है फिर खुद उस बाउंड्री पॉइंट को नष्ट करना चाहता है।
है, ये तो कितना ज्यादा पागल है जो कि सुनते ही डोंग से काफी जोर से दीवार पे पंच करता और कहता है ये तो काफी ज्यादा मतलबी है। तो लुलू कहती है आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जुआन कहता है टेम्पेस्ट अंडर ट्रायल ने उसे पहले ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया है। डोंग से कहता है एग्जामिनर्स अभी उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो इसलिए ये हम सब पर है। तो याली कह रही होती लीडर लेकिन आप तो बुरी हालत में है, आप तो काफी ज्यादा घायल है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि आप श्योर है कि आप स्टेडियम में आ सकते हैं। जुआन कहता है लीडर आपको थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। जो कि सुनते ही डोंग से उठता है और कहता है तुम ठीक कह रहे हो अपने हाल में, मैं तुम लोगों के लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रहूंगा। तो जुआन कहता है फिर हम यहाँ पे आपके साथ वेट क्यों नहीं करते। तभी डोंग से कहता है नहीं तुम लोगों को ये मिशन पूरा करने की जरूरत है नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। मैं यहाँ पे रुकूंगा और ये त्यांचन को रोकूंगा जबकि तुम लोग बाउंड्री पॉइंट पे आगे बढ़ते रहो। तो लुलू कह रही होती है फिर मैं पीछे रहूंगी और लीडर की मदद करूंगी और उन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जो कि सुनते तांगू कहता है नहीं हमारे पास पहले ही बहुत ही कम मेंबर्स है इसलिए अगर हम यहाँ पे इनफ एक्सप्लोजन नहीं लेते तो हम लोग बाउंड्री पॉइंट को नष्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सभी को स्टेडियम जाने होगा। जो कि सुनते ही लुलू कह रही होती है लेकिन लीडर तभी डोंग से कहता है मैं घायल नहीं हूँ और ना ही मैं अपाहिज हुआ हूँ और ये जगह मेरे जैसे स्नाइपर के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है और एक बार जब मैं ये त्यांचन को रोक लूंगा और उसके साथ डील कर लूंगा तब मैं तुम लोगों को यहाँ से कवर करना जारी रखूंगा। तो तांगू कह रहा होता है हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में सफल होने के लिए सिर्फ लीडर का प्लान ही काम आएगी। तो जुआंग कह रहा होता है ठीक है लीडर जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं हम ये मिशन पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो डोंग से कहता है ठीक है तुम लोग तैयार हो जाओ और नीचे वेट करो, एक बार जब मैं ये त्यांचन को डाइवर्ट कर लूंगा तो तुम यहाँ से चले जाना। और ये कहते हैं वो लिफ्ट की ओर जाने लगता है और किसी चीज को देखते हुए कह रहा होता है क्या ये बैकअप जनरेटर है। और ये कहते हैं वो जनरेटर को ऑन करता है और वैसे ही वो लिफ्ट चालू हो जाती है। जो कि देखते ही वो अपने में कहता है कम से कम इस लिफ्ट का यूज अभी तो किया जा सकता है, खैर ये बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ी है तो इसमें बैकअप जनरेटर ये तो मामूली बात है और ये मेरे फायदे के लिए भी है। तो अब ये त्यांचन का सामना करने का वक्त आ गया है और ये कहते हैं वो ऊपर चले जाता है। दूसरी तरफ ये त्यांचन के सामने कई सारे रिनेशन स्किल होते हैं जो कि म्यूजिक लाइन वॉल स्टिक बर्स्ट शैटर बुलेट और उसके साथ साथ स्नेक आइज होती है। और वो अपने में कह रहा होता है लड़ने की वजह से मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लेकिन मेरे फादर के सपोर्ट के लिए थैंक यू कि मैं इस ट्रायल के लिए इतने सारे यूनिवर्सिटी स्किल को खरीदने में एबल था। और वैसे भी एक एफ रैंक का मेरे लिए कोई भी मैच नहीं है, यहाँ तक कि अगर मैं ए रैंक का सामना भी करता हूँ तो मैं उससे एक अच्छी लड़ाई लड़ सकता हूँ। लेकिन डोंग ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे आशा है कि वो मेरे स्नैपर के नीचे काफी समय तक रह सकता है नहीं तो ये थंडर ट्रायल ये काफी ज्यादा बोरिंग होगा। तभी वो देखता है कि अचानक से उसके ऊपर अटैक होता है जिससे वो बार बार बचता है एंड इससे कि वो काफी ज्यादा रन होता है और अपने में कहता है क्या एक काउंटर एम्बुश। ये कहते वो कवर ले लेता है और कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि टीम 557 में एक स्नाइपर भी है, वैसे क्या ये डोंग जी है, उस कमी ने उसने मुझे लगभग खत्म ही कर दिया था। तभी डोंग जी कहता है तांगयू अब तुम्हारा मौका है जल्दी यहाँ से जाओ। जो कि सुनते तांगयू कह रहा होता ठीक है हर कोई जुआंग जुआंग को फॉलो करो और उसके पीछे पीछे जाओ और जुआंग आगे आगे कवर लेते हुए जा रहा होता है। और जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं वैसे ये त्यांचन का निशाना तांगयू की तरफ होता है और ये त्यांचन कह रहा होता है अब देखते हैं डोंग जी क्या तुम अपने टीममेट्स को छोड़ दोगे या फिर से शूट करोगे और अपनी लोकेशन को एक्सपोज कर दोगे। एंड ये कहते वो तांगयू पर शूट करता है जिससे कि तांगयू बार बार बचता है जो कि देखते ही डोंग जी काफी ज्यादा रन होता है और कहता है मुझे लगता है कि मुझे इसे बाहर ले जाना ही होगा। एंड ये कहते हैं वो उस पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी ये त्यांचन को उसका पता लग जाता है और वो कहता है तो अच्छा ये तुम वहाँ पे हो। और ये कहते हुए एक इविल से हंसी देता है और काफी तेजी से पीछे मुड़ते हुए उस पे बर्स्ट शटर बुलेट का यूज करता है जो कि देखते डोंग जी काफी ज्यादा रन होता है और वहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ये सब देखते जोन कह रहा होता है अधिकार है ये तो यही त्यांचन है जो कि लीडर पर हमला कर रहा है। तो तांगयू कहता है लीडर जल्दी ठीक हो जाएंगे, हमें जल्दी से जाना होगा, हम लोग जितनी देर करेंगे हमें उतने ही रिनेशन बीच से लड़ना होगा। तो जोन कह रहा होता है धत्ते रखिए एक बार जब हम लोग बैरियर पॉइंट में पहुंच जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे तो हम लोग फिर से लीडर के पास वापस आएंगे और उनकी मदद करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंग जी के सामने की दीवार वो पूरी तरीके से उड़ गया होता है और वो अपने में कह रहा होता है ये काफी ज्यादा करीब था, मैं लगभग खत्म हो ही चुका था। और वो कहता है ये ई रैंक का रिनेशन स्किल बस शटल बुलेट है तो इसका मतलब ये त्यांचन ये एक अमीर बच्चा होगा लेकिन वैसे भी मुझे जल्दी इस एरिया को छोड़ना होगा और किसी दूसरे एरिया में जाना होगा। और जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे ही वो अपने में कहता है अभी तक शायद तांगयू और जुआंग और बाकी सभी लोग ये त्यांचन के सामने का रास्ता छोड़ चुके होंगे और वहाँ से आगे निकल गए होंगे, अब मुझे बस ये त्यांचन को ढूंढना है और इस मिशन को पूरा करना है। और जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे कई सारे ब्लड डीमन मंकी होते हैं जो कि एक एफ रैंक की बीस्ट होते हैं और वो काफी गुस्सा होते हुए डोंगजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो कि देखते ही डोंगजी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता और कहता है मैं तुम लोगों से नहीं डरता जल्दी ये खत्म करते हैं। तभी वो जो रिनेशन बीस्ट होता है वो उस पर हमला कर देता है लेकिन डोंगजी वो अपने रिनेशन स्किल जंबल स्लैश का यूज करते हुए उसे दो हिस्सों में बांट देता है और उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। तभी दूसरा जो बीस्ट होता है वो भी उस पर हमला कर देता है जिसके वजह से डोंगजी बड़ी मुश्किल से बचता है लेकिन उसकी चोट की वजह से वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा होता है और अपने में कहता है मेरी चोट मेरी स्पीड को इफेक्ट कर रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं जल्द ही हार जाऊंगा और मेरे सामने अभी भी दो बीस्ट बचे हैं, अगर मैं अच्छे से लड़ाई नहीं करता तो शायद मैं भी मारा जाऊंगा।
जाऊंगा। तभी वो जो बीस्ट होता है वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते ही डोंग से भी काफी ज्यादा रन होता है कि तभी टर्न निकालता है और उसे फटाफट मार डालता है। तभी वो देखता है कि वो जो दूसरा बीस्ट होता है वो बेजर्क मोड में जाने लगता है और अपनी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज करने लगता है, जो कि देखते ही वो अपने में कहता है धिक्कार है, एक बार जब ये बेजर्क मोड में चले गया तो ये ई रैंक के रिनिस्टन बीस्ट जैसा पावरफुल हो जाएगा और फिर मेरा उसके साथ कोई भी मुकाबला नहीं होगा। और ये कहते वो काफी तेजी से उस पे शूट करता है, लेकिन वो जो बीस्ट होता है वो काफी तेजी से उसे डॉच कर लेता है, जो कि देखते ही डोंग से भी काफी ज्यादा रन होता है और अपने अपने कहता है क्या ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। तभी अपने पीछे वो लिफ्ट को देखता है, जो कि देखते ही वो अपने अपने कहता है शायद ये थोड़ा काम आ सकता है। एंड जैसे ही वो जो बीस्ट होता है वो उस पर हमला करता है, वैसे ही डोंग उसे डॉच कर लेता है और वो बीस्ट वो उस लिफ्ट को तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है और डोंग इस पे शूट करते हुए कहता है यहाँ तक की अगर ये गिरने से नहीं मरता तो ये मेरे आखिरी शॉट से मर जाएगा। और वो मनी मन कहता है लेकिन मेरा जो घाव था वो फिर से खुल गया है, इससे मुझे काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। एंड ये कहते ही वो बाकी दो बीस्ट से उनके रियूनस्टोन को निकालता है और कहता है दो रियूनस्टोन, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं अभी इन रियूनस्टोन की एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, नहीं तो मैं अपने लेवल को बढ़ा सकता था और उसके साथ साथ मेरा जो पैर था वो ठीक हो जाता। कोई बात नहीं, इससे पहले कि ये टियान चेन मुझे ढूंढ ले मुझे जाके जुआंग और बाकी सारे लोगों की सिचुएशन को चेक करनी होगी, लेकिन मुझे जल्द ही ये टियान चेन से छुटकारा पाना होगा। और ये कहते वो आगे बढ़ता है, तभी हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक हाथ ऊपर आता है। तांगुन कह रहा होता है हम लगभग स्टेडियम के लिए 1 घंटे से चल रहे हैं, लेकिन सारे के सारे यूनिस्टन बीस्ट हम पर हमला करेंगे तो इसलिए इसमें 3 से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, इसीलिए जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तब तक तो सुबह हो जाएगी। तो जुआंग कहता है सभी लोग डटे रहो। दूसरी तरफ याली आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसके ऊपर एक यूनिस्टन बीस्ट हमला करता है, क्योंकि देखते ही वहाँ का दूसरा बंदा कहता है याली वो तो खतरे में है हमें उसे बचाना होगा। तभी अचानक उस बीस्ट पर हमला होता है और वहाँ पे मर जाता है, जो कि देखते ही लुलू काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये तो लीडर है वो हमें बचा रहे हैं, जो कि देखते ही जुआंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है भले ही ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट से काफी ज्यादा दूर है लेकिन फिर भी लीडर अपने टारगेट में अभी भी एबल है। तो तांगुन कहता है मैं हैरान हूँ कि अगर लीडर ने ये तियानचेन के साथ डील नहीं किया तो ये शॉट उनके लोकेशन को एक्सपोज कर देगी। और ऐसा ही होता है, ये तियानचेन को डोंगजी के लोकेशन पता लग जाता है और वो उसमें शूट कर देता है, जो कि देखते ही डोंगजी काफी ज्यादा रन होता है और कहता है शिट मैं फिर से एक्सपोज हो चुका हूँ। और ये कहते हैं वो उस हमले को डॉच करता है और अपने में कहता है उम्मीद के मुताबिक ये तियानचेन मुझ पर नजर रख रहा है, मैं इससे पहले किसी दूसरे यूनिस्टोन स्नाइपर के साथ नहीं लड़ा और ये फैट मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रही है, बट लकीली मेरे पास एक अच्छा सा प्लेस है और जिससे मैं आराम से स्नैपिंग कर सकता हूँ। तो चलो फाइनल बैटल स्टार्ट होती है। इसे देख के ऐसा लगता है कि ये तब खत्म होगा जब हमें से कोई एलिमिनेट होगा। दूसरी तरफ ये तियानचेन कह रहा होता है डोंगजी तुम तो बर्बाद होने वाले हो, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ मेन एग्जामिनर ये सब देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्या हम इस ये तियानचेन इस पागल से निपटने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो वो रिसर्च से कहता है हमने टेम्पेस्ट थंडर आइसलैंड के कंट्रोल टूवर्स को खो दिया है तो इसलिए मुझे डर है कि हम लोग नहीं कर सकते। तो मेन एग्जामिनर यानी कह रहा होता है वो सिचुएशन को जानने के बाद भी डोंगजी पर हमला कर रहा है और सभी के लाइफ को जोखिम में डाल रहा है, एक बार जब ये खत्म हो जाएगा तो उसे रियून हंटर कोर्ट में पनिश किया जाएगा। जो कि सुनने के बाद वो वाइस एग्जामिनर कह रहा होता है अरे मैंने पहले कहा था कि ये तियानचेन डोंगजी से बेटर है, मिशन के लिए उसे चूज करना चाहिए था। तो मेन एग्जामिनर गुस्सा होते हुए कह रहे होते हैं बंद करो मत भूलो कि तुमने क्या किया है, तुम भी कोर्ट में जाने वाले हो। तभी उसी कहती है मैंने जो देखा उससे ये तियानचेन और डोंगजी का कोई भी मुकाबला नहीं है। तो दूसरा रिक्रूटर कहता है ये कहना हार्ड है लेकिन ये तियानचेन के पास स्ट्रॉन्ग रियूनस्टोन स्किल है, हालांकि डोंगजी के पास भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए रियूनस्टोन आर्मर है लेकिन वो घायल है और वो ठीक से नहीं चल सकता। जो कि देखते ही मेन एग्जामिनर यानी वो अपने कह रहे होते हैं ये बस इंसान की लालच और एम्बिशन है जो कि रियूनस्टोन बीच से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। डोंगजी तुम्हें जरूर सक्सेस होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगजी ये तियानचेन पर शूट करता है लेकिन उसका शूट मिस चला जाता है। ये मौका देखते ही ये तियानचेन भी अपना शूट कर देता है और जगह को उड़ा देता है, लेकिन डोंगजी उसे डॉच कर लेता है और कहता है बर्स्ट शटर बुलेट का कूल डाउन ये कम नहीं है तो इसलिए मेरे पास काउंटर करने का एक मौका है। और ये कहते ही वो अपनी स्नेक आई का यूज करता है और उसे कह रहा होता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम दीवार के पीछे हो तो तुम सेफ हो, मुझे बस उसी जगह पे हिट करते रहने की जरूरत है। और ये कहते ही वो फिर से उसी जगह में हिट करता है जिससे कि वो जो दीवार होता है वो छेद हो जाता है। एंड ये देखने के बाद ये तियानचेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डोंग से कहता है हालांकि मेरी यूनिस्टन स्किल ये तुमसे कम है लेकिन मेरे पास डिफरेंस को बंद करने का कई सारे तरीके हैं, मैं किसी से भी कमजोर नहीं हूँ। दूसरी तरफ ये तियानचेन उससे कह रहा होता है तुम जैसे कमजोर लोग रियून हंटर बनने के लायक भी नहीं है, अब मैं तुम्हें नरक में भेजूंगा। और ये कहते हैं वो अपने रियूनिस्टन स्किल म्यूजिक लाइन बालिस्टिक का यूज करता है, जो कि देखते ही डोंगजी भी काफी ज्यादा रन होता है और उसका जो अटैक होता है वो सीधे डोंगजी पे जाके लगता है। और ये तियानचेन इविल ऐसे देते हुए कह रहा होता है म्यूजिक लाइन बैलिस्टिक के स्किल के साथ भले तुम दीवार के पीछे क्यों ना हो मैं फिर भी तुम्हें मार सकता हूँ, ये अफसोस की बात है कि इसकी एक्यूरेसी हाई नहीं है नहीं तो मैं तुम्हें मार देता, छिपने से अब काम नहीं चलेगा, वैसे भी रीपर की आंखें तुम्हारे ऊपर ही है। दूसरी तरफ डोंगजी उठते हुए कह रहा होता है अगर मेरे पास ये आर्मर नहीं होता तो शायद मैं एलिमिनेट
ऑपरेट हो चुका होता। हालांकि आर्मर ने अधिकतर नुकसान को रोक दिया है, फिर भी मेरी छाती को कुछ ऐसा लगता है कि जैसे एक कार से मैं टकरा गया हूँ। और वो मनीमन कहता है, मैं ये तियानसन से हार नहीं मान सकता, मुझे ये मिशन पूरा करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी अचानक उसके पीछे से वही मंकी बीस्ट बाहर निकलता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, क्या ये वही बेजर्क ब्लड मंकी है? क्या ये मरा नहीं खा रहे, मैं फिर से फंस गया हूँ। दूसरी तरफ ये तियानसन कह रहा होता है, डोंग जी तुम मुझसे बच नहीं सकते, यहाँ पे सिर्फ एक ही चैंपियन होगा और वो मैं हूँ। दूसरी तरफ डोंग जी वो प्लान बना रहा होता है और प्लान में कहता है, यहाँ पे एक सर्च लाइट है, क्या ये बैकअप करंट से जुड़ा हुआ है? अगर ऐसा ही है तो मेरे पास ये तियानसन से निपटने का एक तरीका हो सकता है। दूसरी तरफ ये तियानसन कह रहा होता है, चलो बाहर आ भी जाओ, तुम कहाँ पे छिपे हो? तभी उसे यहाँ पे किसी का सिर देखता है, जो की देखते ही वो कहता है, अच्छा तुम यहाँ पे हो, और ये कहते हैं उसके सिर को शूट कर देता है और हंसते हुए कह रहा होता है, डोंग जी तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। तभी वो देखता है और काफी ज्यादा रन होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो ब्लड मंकी है, और वो नीचे गिरता है, जो कि देखते हुए वो कहता है, क्या ये तो ब्लड मंकी है, आखिर वो डोंग जी कहाँ पे है? तभी अचानक से वहाँ पे एक बड़ी सी लाइट चलती है, जिससे कि ये तियानसन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। डोंग जी उससे कहता है, ये तियानसन अब खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये तियानसन कहता है, क्या आखिर ये लाइट ये कैसी है? और ये कहते ही वो अंदाजे में ही उस लाइट पे शूट कर देता है, जिससे कि वो जो लाइट होती है वो फूट जाती है और डोंग जी का निशाना उस पे ही होता है, जो कि देखते ही वो कहता है, क्या डोंग जी धत्तेरी की, तुमने खुद को छिपाने के लिए इस तरह की रोशनी का इस्तेमाल किया। डोंग जी कहता है, एक रियून हंटर का पहला लेसन, ताकतवर को कमजोरों की मदद करनी चाहिए। ये तियानसन तुम एक रियून हंटर बनने के लायक नहीं हो। तो ये तियानसन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम कमीने, तुम्हें मुझसे ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, आखिर तुम कौन होते हो मुझसे ये कहने वाला? तभी डोंग जी अपने रियूनिस्टन स्किल साइक्लोन ब्लास्ट का यूज करता है और काफी तेजी से उस पर शूट करते हुए उसे एलिमिनेट कर देता है, जो कि देखते ही ये तियानसन भी काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ डोंग जी वो एक पल के सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार मुझे अब इस परेशानी करने वाले कचरे के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो अपने में कहता है, रियून हंटर की दुनिया नॉर्मल दुनिया के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, इसीलिए मुझे ज़ियाओज़ी और दूसरे लोगों की रक्षा करने के लिए और भी ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत है। और ये कहते ही वो कहता है, ज़ियाओज़ी मुझे पता है कि तुम मुझे देख रही हो, तो अपने बड़े भाई के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई ये बिल्कुल सेफ है, जो की ज़ियाओज़ी भी देख रही होती है। और वो कहती है, बड़े भाई मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। जो की देखते ही ज़ी क्विंग वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपने में कहती है, क्या उसे सिर्फ अपनी बहन ज़ियाओज़ी की परवाह है? क्या बाकी लोगों के बारे में से कोई भी चिंता नहीं है? तो जहाँ वुडी अपने में कह रहे होते हैं, क्विंग को काफी ज्यादा जलन हो रही है, लेकिन डोंग जी वो सभी को हैरान कर रहा है। इस पॉइंट तक उसका परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं बल्कि अमेजिंग था। अगर ऐसे चलता रहा तो एक बार ये ट्रायल खत्म होने के बाद सभी रियूनियन यूनिवर्सिटी उसे पाने के लिए आपस में कम्पीट करेंगे। की मेन एग्जामिनर वो डोंग जी के मैच को देख रहे होते हैं, जिसमें से दूसरा बंदा कह रहा होता है, एकदम बढ़िया, डोंग जी ने आखिरकार ये तियानसन को हरा दिया है। तो मेन एग्जामिनर यानी कह रहा होता है, वो बच्चा वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, वो सरप्राइज से भरा पड़ा है। तो दूसरा बंदा कहता है, लेकिन ये तियानसन तो बच गया तो भी वो रियून हंटर के अदालत में जाएगा। मेन एग्जामिनर कह रहा होता है, ज़ुकियो क्या की आओ, यूनिवर्सिटी का नजर उस पे है। रिक्रूटर ज़ुयु मैंने कुछ पूछा, तभी वो दूसरा रिक्रूटर कह रहा होता है, डोंग जी एक टैलेंटेड बच्चा है, ये अफसोस की बात होगी कि अगर वो हमारे बेजी यूनिवर्सिटी में ना आए। तो ज़ुयु कह रही होती है, क्या तुम ये बोल रहे हो की यूनिवर्सिटी उसे नर्चर नहीं कर सकती? तुम बूढ़े आदमी तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो वो दूसरा रिक्रूटर कह रहा होता है, हमारा बेजी ये यूनियन में टॉप यूनिवर्सिटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब डोंग जी वापस आएगा तो वो हमारी यूनिवर्सिटी में आना चाहेगा और वो एक अच्छा डिसीजन बनाएगा। तो ज़ुयु चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि क्यूयाओ यूनिवर्सिटी ये सेकंड रेट का है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी मेन एग्जामिनर यानी कह रहा होता है, अरे ठीक है अब लड़ाई झगड़ा बाद में करते हैं, पहले इसे सुलझा लेते हैं क्योंकि अभी भी मामला सुलझा नहीं है। तभी वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे आखिर ये क्या हो रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड जो कि टेम्पेस्ट अंडर आइसलैंड के आसपास है वो फिर से चेंज हो रहा है। तो मेन एग्जामिनर यानी कह रहा होता है, आखिर मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। तो वो बंदा उसे देखते हुए कह रहा होता है, इसे देख कैसे लगता है कि कोई डी रैंक का इल्यूमिनेशन बीस्ट अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वार्मोल रैंक के रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो अभी तो नहीं आ सकता, लेकिन जरूर वो जल्दी आ जाएगा। 3 घंटे में वार्मोल से लगभग इतनी एनर्जी दे देगी कि वो अंदर आ जाएगा। जो कि सुनते ही मेन एग्जामिनर यानी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं, क्या 3 घंटे? अगर डोंग जी और बाकी सभी लोग फेल हो जाते हैं तो ये डी रैंक के रियून बीस्ट सभी को मार डालेंगे, इससे पहले तो हम उस पे कैनन फायर कर सकते हैं। तो वो दूसरा बंदा कहता है, और एक बुरी खबर है कि ये डी रैंक रियूनिस्टोन बीस्ट ने आइसलैंड के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्बेड कर दिया है, और वो सब थंडरस्टॉर्म एरिया के एक्सपेंड होने की वजह से है, तो इसीलिए ये पूरे एंटायर आइसलैंड को 4 घंटे के अंदर डेवोर कर लेगा, और अगर ऐसा होता है तो कोई भी पार्टिसिपेंट वो जिंदा नहीं बच पाएगा, और ये काफी ज्यादा बुरी खबर है। जो कि सुनते ही वाइस एग्जामिनर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो मेन एग्जामिनर कह रहा होता है, इसका मतलब जल्दी से जल्द उन्हें बैरियर पॉइंट पे विस्फोट करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें 2 घंटे बाद उसी स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे वार्मोल अपीयर होते हैं। ये सब देखते ही ज़ुआन कह रहा होता है, हम लोग फाइनली स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। तभी तांग यू वो पीछे देखते हुए कह रहा होता है, हम अभी भी यहाँ से कमांड सेंटर बिल्डिंग को देख सकते हैं, शायद लीलर में देख पाए। मैं हैरान हूँ कि क्या उसकी शूटिंग रेंज इससे भी ज्यादा है।
है। तो लुलु कह रही होती है चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, हमें अपना मिशन पूरा करना है, और सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं, यानी कि उस स्टेडियम के अंदर चले जाते हैं। तभी जुआन कह रहा होता है सब लोग रुको, मुझे कुछ रूनस्टोन बिस्ट दिखाई दे रहे हैं, और उनके सामने एक बड़ा सा वार्म होल होता है, जो कि देखते ही वो कहता है इतना बड़ा वार्म होल ऐसा लगता है कि ये जगह काफी भयानक है, जो कि देखते ही बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं यहाँ पे तो काफी सारे रूनस्टोन बिस्ट है, हम लोग क्या करें। तो दूसरा बंदा कहता है अब हम लोग इस वार्म होल के पास ये सारे के सारे बम कैसे ले जाएंगे। तो याली कह रही होती है यहाँ तक कि मेरे ड्रोन के साथ भी उन सभी को एक साथ डिस्ट्रैक्ट करना ये भी असंभव है, यहाँ पे उड़ने वाले कई सारे रूनस्टोन बिस्ट है जो कि हम पर भारी पड़ सकते हैं। तभी तहांगो कहता है कि ये सारे के सारे रूनस्टोन बिस्ट क्या ये वार्म होल की रक्षा कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो ये काफी ज्यादा अजीब है, वैसे भी लो रैंक के रूनस्टोन बिस्ट इतने ज्यादा स्मार्ट तो नहीं है, तो शायद ये कुछ और हो सकता है। जो कि सुनते ही जुआन काफी साधारण होता है और कहता है क्या तहांगो आखिर तुम्हें क्या पता लगा जल्दी में बताओ। तो तहांगो चिल्लाते हुए कह रहा होता है डी रैंक से रूनस्टोन बिस्ट वो शातिर होने लगते हैं और लो रैंक के बिस्ट को गार्ड करने के लिए ऑर्डर करते हैं। दूसरी तरफ डोंग से कह रहा होता है ये सारे के सारे रूनस्टोन बिस्ट ये वार्म होल की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि गार्ड खड़े होने के लिए है, क्योंकि डी रैंक के रूनस्टोन बिस्ट वार्म होल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहता है धिक्कार है एक एफ रैंक का वार्म होल का एक डी रैंक के रूनस्टोन बिस्ट को लाने की संभावना एक लॉटरी जीतने से कम है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा सच में होगा, मुझे कुछ जल्दी करना होगा नहीं तो तहांगो और दूसरे लोग वो बैरियर के पॉइंट को तबाह नहीं कर पाएंगे और सब कुछ फेल हो जाएगा। तभी वो थंडरस्टॉर्म होने लगता है, जो कि देखते ही वो कहता है अब क्या हो रहा है। जुआन सभी लोगों से कह रहा होता है सभी लोग साधन रहो। तभी तहांगो कहता है आखिर ये चीज क्या है। तभी उस वार्म होल से एक बड़ा सा रूनस्टोन बिस्ट बाहर निकलता है जो कि ऑल डिवोरिंग वास्लिक होता है, एंड ये एक डी रैंक का बिस्ट होता है। ये सब देखते ही तहांगो चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये तो डी रैंक का रूनस्टोन बिस्ट है डिवोरिंग बेसिलिस्क, हमारा इसके साथ कोई भी मुकाबला नहीं है, ये हम सभी को एक साथ मार सकता है। तो जुआन कहता है हम हार नहीं मान सकते, वैसे भी ये डिवोरिंग बेसिलिस्क ये अभी तक पूरी तरीके से बाहर नहीं आया है तो शायद हम इसे फिर से वार्म होल के अंदर भेज सकते हैं। तो वो दूसरा बंदा कहता है लेकिन स्टेडियम ये पूरी तरीके से रूनस्टोन बिस्ट से भरा हुआ है, भले ये बेसिलिस्क ये बाहर नहीं आया हो लेकिन फिर भी हमारे पास जीतने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूनस्टोन बिस्ट है। जो कि सुनते ही जुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है वहाँ कोई रास्ता तो जरूर होना चाहिए, हमें बस इसे ढूंढने की जरूरत है, अगर यहाँ पे लीडर होते हैं तो क्या करते। तभी एक जगह से सायरन बजता है जो कि सुनते ही लुलू चिल्लाते हुए कह रही होती है देखो क्या तुमने वो सायरन सुना, क्या उन लोगों ने बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया है या फिर क्या एग्जामिनर यानी वो हमें बचाने के लिए आ रहे हैं। तो तहांगो कह रहा होता है नहीं ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये आवाज डोंगजे के बिल्डिंग से आ रही है। जो कि सुनते ही जुआन कहता है क्या। तभी हम देखते हैं कि डोंगजे सारे के सारे बिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होता है, जो कि देखते ही तहांगो चिल्लाते हुए कह रहा होता है यकीन नहीं होता कि उस आवाज की वजह से सारे के सारे रूनस्टोन बिस्ट उसी दिशा में जा रहे हैं, वो सभी रूनस्टोन बिस्ट को अपनी ओर बुला रहा है, इसीलिए हमारे पास बॉम्ब ले जाने का एक मौका है। तो जुआन चिल्लाते हुए कह रहा होता है जैसे कि हमारे लीडर से उम्मीद है हम ये कर सकते हैं। तभी लुलु कह रही होती है लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वो सारे के सारे रूनस्टोन बिस्ट का अकेला सामना करेंगे। तो याली चिल्लाते हुए कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक होगा, यहाँ तक कि लीडर भी इतने सारे रूनस्टोन बिस्ट का सामना नहीं कर पाएंगे, वो तो मर जाएंगे। तो लुलु कहती है नहीं ऐसा मत कहो। तभी वो दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है हर कोई देखो सारे के सारे रूनस्टोन बिस्ट वो विल्डिंग कोर चले गए हैं और ये हमारे पास एक मौका है। तहांगो कहता है सभी लोग बॉम्ब को लो हम यहाँ से जा रहे हैं, और वो अपने में कहता है ये सच में डोंगजी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है तो इसीलिए हमें ये मिशन पूरा करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो सभी लोगों से कह रहा होता है चलो ठीक है जाओ, हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए जो लीडर ने हमें दिया है। तो सभी लोग कह रहे होते हैं ठीक है चलो ये करते हैं, और सभी लोग उन बॉम्ब को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। जुआन कह रहा होता है हर कोई सतर्क रहना और पास रहना, और वो अपने में कह रहा होता है लीडर आपको कुछ नहीं होना चाहिए आपको जिंदा रहना चाहिए, और ये कहते हैं वो थोड़ा थोड़ा रो रहा होता है। दूसरी तरफ डोंगजी वो ये सब देख रहा होता है और कहता है अच्छा वो सब यहाँ से जा रहे हैं, हम अभी भी टाइम के खिलाफ दौड़ रहे हैं, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और मेरे सामने भी रूनस्टोन बिस्ट की भीड़ है, पिछली बार मैं एक हेल्पलेस बच्चा था लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में घुसने के लिए उसका भुगतान करवाऊंगा, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और सामने से कई सारे रूनस्टोन बिस्ट उस पर हमला करते हैं, लेकिन डोंगजी उन्हें इजिली मार रहा होता है और कहता है जो सामने है उसे मारो। तभी वहाँ पे और भी ज्यादा थंडरस्टॉर्म होने लगता है, जो कि देखते ही वो अपने मन में कहता है रुको मैं यहाँ पे हूँ, और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म एरिया ये बहुत ही तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं, और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है धिक्कार है हमारे पास ज्यादा मौका नहीं है जल्दी आगे बढ़ो। दूसरी तरफ डोंगजी और सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और सभी लोग वो विस्फोटक यानी कि वो सारे के सारे बॉम्ब एक जगह रख देते हैं, लेकिन तभी वो डी रैंक का रूनस्टोन बिस्ट उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि देखते ही लुलु घबराते हुए कहती है बकवास ये ऑल डिवोरिंग बेसिलिस्क इसने हमें नोटिस कर लिया है, और वो बिस्ट उन पर अटैक करता है, जो कि देखते ही जुआन उनके सामने आ जाता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है मैं इसे ज्यादा समय तक ब्लॉक नहीं कर सकता। तभी तहांगो वो अपने मिसाइल लेते हुए तैयार हो जाता है और कहता है जुआन थोड़ी देर के लिए रुक जाओ मेरा वेपन तैयार है, ये इस बेसिलिस्क को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन इससे हमें थोड़ा सा टाइम मिल पाएगा, और ये कहते हैं वो उसे शूट कर देता है, लेकिन वो मिसाइल उस रूनबिस्ट के बॉडी से लग के डिवर्ट हो जाता है और कहीं दूर जाके ब्लास्ट होता है, जो कि देखते बाकी के जो रूनबिस्ट होते हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड ये सब देखते ही
टांग ओपनर में कहता है, लेकिन इस साइड इफेक्ट की वजह से जो एक्सप्लोजन हुआ उसने सारे के सारे बीस्ट को हमारी ओर अट्रैक्ट कर लिया, वो भी फिर से। और वो कहता है जल्दी करो एक्सप्लोजिव को अपने प्लेस पे रखो। तो सभी लोग कह रहे होते हैं हमने ये पहले ही कर दिया है। तो टांग कहता है चलो अब यहाँ से चलते हैं, चलो दूसरी ओर चलो। और ये कहते सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। जुआंग कह रहा होता है याली हम लोग सेफ डिस्टेंस में हैं, अब टाइम आ गया है उसे ब्लास्ट कर दो। जो कि सुनते याली कह रही होती है ठीक है अब मैं इसे ब्लास्ट कर देती हूँ। तभी अचानक से उसके ऊपर हमला होता है, जो कि देखते ही जुआंग कहता है याली ऐसा कैसे हो गया। और वो जो रिमोट होता है वो नीचे गिर जाता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक स्काइट मैंटिस आता है जो कि एक ई रैंक का रियूनमिस्ट होता है। क्योंकि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं, उनमें से एक बंदा कह रहा होता है क्या एक स्काइट मैंटिस जो कि एक ई रैंक का रियूनमिस्ट है हमारा तो इससे कोई भी मुकाबला नहीं है। दूसरी तरफ जुआंग कह रहा होता है कमीने मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो टांग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है सबसे पहले उस डिवाइस को लो और जल्दी से जल्दी विस्फोट करो। जो कि सुनते ही जुआंग कह रहा होता है ठीक है। और जैसे ही टांग यून आगे बढ़ता है वैसे ही वो जो बीस्ट होता है वो रिमोट को तोड़ देता है। ये देखते ही जुआंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसकी तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है स्टूपिड बग अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन वो जो बीस्ट होता है वो उसे एक ही स्ट्राइक में घायल कर देता है और वो एक ही स्ट्राइक में काफी सारे लोगों को मार रहा होता है। जो कि देखते ही टांग यू कहता है अब हम क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे आने के बाद भी फेल हो गए। एंड ये सब वो रिक्रूटर देख रहा होता है और कहता है ऐसा लगता है कि उनका सारा का सारा एफर्ट्स वो सब कुछ वेस्ट हो गया और उनकी जैसी सिचुएशन है वैसे तो सुबह होने से पहले सारे के सारे पार्टिसिपेंट की मौत हो जाएगी। तो मेन एग्जामिनर यानी कह रहा होता है धत्तेरे की उस कैनन को पहुंचने में कितना समय लगेगा मुझे जल्दी बताओ, हम उन बिस्ट को उनकी पसंद के अकॉर्डिंग भागदौड़ नहीं करने दे सकते। जो कि सुनते ज्यू कह रही होती है डोंगसी अभी भी वही परी है तो इसलिए हम लोग हार नहीं मान सकते। तो वो रिक्रूटर कह रहा होता है रिक्रूटर ज्यू मुझे पता है कि तुम्हें डोंगसी से काफी ज्यादा उम्मीद है लेकिन वो इस सिचुएशन में है जिसमें वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता। उसी के साथ साथ वो स्टेडियम से काफी ज्यादा दूर है और उसकी शूटिंग रेंज और वो भी उससे काफी ज्यादा है। तो मेन एग्जामिनर यानी कह रहा होता है इसके अलावा वो सबसे खतरनाक सिचुएशन में है। हम देखते हैं कि डोंगसी सारे के सारे यूनिस्टन बीस्ट को बहुत ही दिक्कत से मार रहा होता है और वो कहता है अगर अभी उन बॉम्ब से विस्फोट नहीं हुआ तो जल्द ही हम सभी यूनिस्टन बीस्ट से मारे जाएंगे। लेकिन मैं स्टेडियम से काफी ज्यादा दूर हूँ और ये मेरी शूटिंग रेंज के बाहर है लेकिन नहीं ये भी हार मानने के लिए बहुत ही जल्दी होगी। और ये कहते ही वो नहीं बॉम्ब पे निशाना लगाता है और अपने में कहता है ई रैंक यूनिस्टन स्किल साइक्लोन ब्लास्ट से मेरी शूटिंग रेंज वो 100% तक बढ़ जाती है तो इसलिए मैं ये कर सकता हूँ। एंड ये कहते वो काफी तेजी से साइक्लोन ब्लास्ट का यूज करता है जिससे कि वो सीधे जाते हुए उन बॉम्ब पर हिट करता है और वो जो बॉम्ब होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ई रैंक का यूनिस्टन बीस्ट बास्किलिस्क उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और उसका सर जाते हुए वो ई रैंक के बीस्ट के ऊपर गिरता है। जो कि देखते ही टांग यू काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या एक्सप्लोजन आखिर ये किसने किया, क्या ये डोंगसी हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ वो जो बैरियर होता है उसमें छेद हो जाते हैं जो कि देखते ही डोंगसी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये हमने कर दिखाया। तभी उसे पता चलता है कि वही अकेला है जो कि खतरे में है और वो अपने में कहता है मुझे पता है कि मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला रियूनाइटर बनने के लिए लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस टेम्पेस्ट हंड्रेड ट्रायल में इस तरह मरूंगा। और वो मनीमन कहता है अंकल जाओ बॉयस पॉइजन वुल्फ सिस्टर फायरफॉक्स बिग सिस्टर फेंग रुई लेकिन ज़ियाओज़ी मेरे बिना उसकी देखभाल करने के लिए थैंक यू लेकिन मेरे पास उसका क्या होगा। और ये कहते वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है नहीं मैं यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मर सकता, मैं यहाँ पे मरना एक्सेप्ट नहीं करता मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। ये कहते ही वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसके पीछे से यानी कि उन बीस्ट के पीछे से काफी सारे अटैक होते हैं और सारे के सारे बीस्ट वहीं पर ही मर जाते हैं। जो कि देखते ही डोंगसी भी काफी ज्यादा रन होता है और कहता है आखिर किसने इन्हें तुरंत मार डाला। तभी उसके सामने मेन एग्जामिनर यानी आते हैं और उसे कह रहे होते हैं डोंगसी ऐसा लगता है कि मैं समय पर आ गया हूँ है ना। जो कि देखते ही डोंगसी भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मेन एग्जामिनर यानी तो ये आप थे मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तो यानी कह रहे होते हैं नहीं थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तभी यानी के पीछे से एक बीस्ट अटैक करता है जो कि देखते ही डोंगसी कह रहा होता है मेन एग्जामिनर यानी आपके पीछे देखो। तभी यानी उसे एक स्लैश में काट देता है और कहता है ऐसा कहा जाता है कि कोई एक संकट किसी के ट्रू नेचर को बाहर निकाल देता है और तुमने ऐसा किया तुमने एक रियूनियन होने की फीलिंग्स को सबको दिखाया है और तुमने सेल्फलेस होकर एक हीरोइक परफॉर्मेंस दिया है और इस टेम्पेस्ट अंडर आइसलैंड में सभी लोगों को बचाया है। जो कि देखते ही डोंगसी अपने में कहता है उसने उन रियूनियन बीस्ट को मार डाला जैसे कि वो एक कीड़े हो जैसे कि एक्सपेक्टेड किया जाता है मेन एग्जामिनर यानी ये बाकी में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यानी उसके पास आते हुए कह रहे होते हैं डोंगसी तुम सच में एक रियल हीरो हो। जो कि सुनते ही डोंगसी कहता है क्या मैं और एक हीरो। तो यानी उसे कहते हैं यहाँ से रेस्क्यू स्क्वाड तुम्हें संभाल लेगी और अब लड़ने का समय हमारा है। ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है और कहता है इसलिए बाकी सब हम पर छोड़ दो। जो कि देखते ही डोंगसी अपने में कहता है हाँ मुझे लगता है कि मुझे भी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरे रियूनियन बीस्ट होते हैं वो नीचे आते हुए सारे के सारे रियूनियन बीस्ट को मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुआन याली को लेके जा रहा होता है और उसे कह रहा होता है याली डटी रहो और हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथ कट चुके होते हैं। दूसरी तरफ डोंगसी वो अपने में कह रहा होता है चलो मैं फंस गया ज़ियाओज़ी तुम्हारा बड़ा भाई घर आ रहा है। तभी उसके सामने और एक शटल आते हुए इसके ऊपर लाइट डालता है। जो कि देखते ही वो कह रहा होता है आखिर
अब क्या है। और इस शटल से जियू बाहर निकलती है और कहती है, डोंग जी हमारे मेडिकल टीम को तुम्हें चेक करने दो और तुम्हारा इलाज करने दो, चिंता मत करो वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। जो कि सुनते ही डोंग जी कहता है, हाँ ठीक है मैं इतना भी ज्यादा घायल नहीं हूँ। वो जियू कहती है, एक बार जब तुम अच्छी तरीके से आराम कर लो तो हम तुम्हें क्यूयाओ यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए कहेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। जो कि सुनते ही डोंग जी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, क्या क्यूयाओ यूनिवर्सिटी, क्या सच में। दूसरी तरफ वो दूसरा बूढ़ा यानी कि रिक्रूटर वो आते हुए यानी कि खांसते हुए कह रहा होता है, सियू तुम कमीनी तुम तो पहले चली गई, उसे मुझसे चुराने की हिम्मत मत करना। जो कि सुनते ही सियू गुस्सा होते हुए कह रही होती है, वो मैं नहीं वो तुम हो जो कि हमेशा दूसरे के स्टूडेंट्स को लूटता है जिस पर मेरी नजर रहती है। जो कि सुनते डोंग से कहता है, आखिर ये कौन है। तो सियू कहती है, कुछ बूढ़े कमीने जो कि थर्ड रेड यूनिवर्सिटी के है, बस तुम उसे इग्नोर करो। तो डोंग से कहता है, क्या ऐसा है क्या। सियू से कहती है, ऐसा लगता है कि हंटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन ये पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। तो डोंग से कहता है, क्या मेरे साथ ही ठीक है। और वो अपने में कहता है, मेरा बैच दिखाता है कि तांगयू और दूसरे लोग वो जिंदा है लेकिन मुझे बाकी लोगों के बारे में सोचना चाहिए, आखिर वो लोग कैसे हैं। तो सियू कह रही होती है, मुझे खेद है लेकिन स्टेडियम में बम विस्फोटक करने की कोशिश के दौरान दो मेंबर्स ने अपनी जान गवा दी है और उसके साथ साथ याली ने अपने हाथों को खो दिया है। तो डोंग से कहता है, मुझे पता था कि नुकसान तो होगा ही लेकिन फिर भी ये ठीक है। सियू से कहती है, वे सभी हीरो है, उनके नाम आगे दोहराए जाएंगे और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तुम्हें बस अभी अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है, अब बस तुम आराम करने के लिए चले जाओ। और उसे आराम करने के लिए भेज दिया जाता है और सियू उस बैच को देखते हुए कह रही होती है, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ तांगी वो ये सब देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है, डोंग जी तुम तो कमाल के हो, मुझे डर था कि तुम टेम्पेस्ट हंटर ट्रायल में मर जाओगे लेकिन तुमने मुझे निराश नहीं किया। तभी वो अपने में कहती है, लेकिन मैं उसकी परवाह क्यों कर रही हूँ, डोंग जी के बजाय मुझे तांगू की परवाह करनी चाहिए, वो तो मेरे चाचा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने परफॉर्मेंस से डोंग जी को सेवन यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिल गया है। अगर वो मिलिट्री में जाने का प्लान नहीं बना रहा तो बेजी यूनिवर्सिटी उसकी एक ही चॉइस होगी। तो इसका मतलब हम लोग क्लासमेट बनने वाले हैं, तो फिर मैं उसे फिर से जंगल में ले जाऊंगी। सीन चेंज होता है, मेजियाओ को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करते हुए कह रही होती है, डोंग जी तुमने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया, तुम तो बस वहाँ पे एक दूसरे रियून हंटर बनने गए थे लेकिन तुम रियून हंटर वर्ल्ड में छा गए और तुम्हें एक ब्राइट फ्यूचर मिला और इसके वजह से तुम एक टॉप यूनिवर्सिटी में एंट्री कर पाओगे। और अगर ऐसे चलता रहा और अगर तुम ना मरे तो तुम फ्यूचर में एक सच्चे एक्सपर्ट बनोगे। मैं तुम्हारे बारे में पहले श्योर नहीं थी लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम वो सच में कर सकते हो जो कि तुमने कहा था। और ये कहते हैं वो जियाओ यही से कह रही होती है, जियाओ यही तीन दिन के बाद प्रिपरेशन की तैयारी करो, हम टेम्पेस्ट हंटर के पोर्ट में जाने वाले हैं और यही याद रखना कि वो हमारी मोस्ट लग्जरियस शटल होनी चाहिए। जो कि सुनते ये कह रही होती है, क्या टेम्पेस्ट हंटर पोर्ट, लेकिन बॉस मैंने सुना था कि वहाँ पे वार्मोल आउटब्रेक हुआ है, वहाँ पे जाना तो हमारे लिए खतरनाक रहेगा। तो जियाओ कहती है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग क्विंसी डिस्ट्रिक्ट के हीरो के घर यानी कि डोंगजी के घर जाने वाले हैं। देखते हैं कि डोंगजी एक अजीब सी जगह में होता है जहाँ पे वो हवा में उड़ रहा होता है और वो अपने आप में कहता है, आखिर मैं कहाँ पे हूँ। तभी उसके सामने वो सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उसे बताया जाता है कि इसका जो स्पेशल मिशन है वो पूरा हो चुका है जहाँ पे उसने 2731 पार्टिसिपेंट को बचाया है जिसकी वजह से उसका जो मिशन रिवॉर्ड है वो कैलकुलेटिंग हो रहा होता है। जो कि देखते ही डोंग से कहता है, मैंने 2731 पार्टिसिपेंट को बचाया है। तो इसे देख ऐसा लगता है कि जब मैंने उस वार्मोल आउटब्रेक को रोका और उसके बाद जितने भी सारे लोग बच गए हैं सिस्टम ने उन सारे लोगों को घिन लिया है। और डोंग से अपने में कह रहा होता है, लेकिन टोटल पार्टिसिपेंट 2900 थे तो इसका मतलब 200 लोग मारे गए हैं। और तभी उसका मिशन रिवॉर्ड दिया जाता है जहाँ पे उसे रियून स्पिरिट डेवलपमेंट मेडिसिन दिया जाता है जो कि एक हाई रैंक का होता है। उसी के साथ साथ उसे कुछ मीडियम रैंक का भी रियून स्पिरिट डेवलपमेंट मेडिसिन दिया जाता है और उसी के साथ साथ उसे एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड भी दिया जाता है। जो कि देखते ही डोंग से कह रहा होता है, इतने सारे ग्रेट रिवॉर्ड्स यहाँ तक कि ये हाई रैंक की रियून स्पिरिट डेवलपमेंट मेडिसिन है। और सिस्टम उसे कह रहा होता है, चूंकि तुम्हारा रियून स्पिरिट 100% से ज्यादा हो चुका है तो इसलिए तुम्हारा मोबाइल रैंक रियून स्पिरिट डेवलपमेंट मेडिसिन ये रिमूव हो चुकी है और उसके बदले तुम्हें मीडियम और अबव रैंक की मेडिसिन की जरूरत है। जो कि देखते ही डोंग जी अपने में कहता है, मेरी रियून स्पिरिट 106% तक पहुंच चुकी है और मेरी रियून स्टोन स्किल की वजह से मुझे 6% का बूस्ट मिला। लेकिन अगर मीडियम और हाई रैंक का मेडिसिन अगर मेरी रियून स्पिरिट को काफी तेजी से बढ़ाएगा तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो रियून स्टोन स्किल है वो भी मेरे पावर को और भी ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा। तो ठीक है, जब भी मैं मिशन पूरा करता हूँ या लेवल अप करता हूँ तो मेरे सारे के सारे घाव वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन चूंकि मैं स्पॉटलाइट में हूँ तो अभी अगर मैं एक रात में पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ तो शायद ये एबनॉर्मल माना जाएगा और शायद मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया भी जा सकता है, तो इसलिए मुझे ज्यादा जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है, क्या तुम सभी घाव को ठीक करना चाहते हो। तो डोंग जी नो पर क्लिक करता है और वैसे वो वहाँ से गायब होते हुए अपने हॉस्पिटल में जाग जाता है जहाँ उसके सामने फायरफॉक्स बैठी हुई होती है, जिसे देखते ही डोंग जी उसे कहता है, सिस्टर फायरफॉक्स आखिर मैं कहाँ पे हूँ। तो फायरफॉक्स उससे कह रही होती है, तुमने आखिरकार जाग गए, क्या तुम जानते हो कि तुम पूरे 2 दिन से सो रहे हो। तो डोंग से कहता है, क्या पूरे 2 दिन से। सिस्टर फायरफॉक्स उससे कहती है, चूंकि तुम इतने लंबे समय तक काफी तेजी से उस वॉर में शामिल थे और एक
बार जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है तो तुम्हारा पूरा बॉडी थकावट के शिकार हो जाता है और तुम्हें ठीक होने के लिए तुम्हें नींद में डाल देता है। तुम्हें कई मामूली चोट आई थी लेकिन डॉक्टरों ने उनका इलाज कर दिया है और तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। तो डोंग जिससे कहता है सिस्टर फायरफॉक्स टेम्पेस्ट अंडर आइसलैंड की सिचुएशन अभी क्या है, जो कि सुनते ही फायरफॉक्स उससे कहती है क्या तुम अभी भी इसके बारे में चिंतित हो। लेकिन एक बार जबकि बैरियर पॉइंट को नष्ट कर दिया गया है और बैरियर को हटा दिया गया है तो वहाँ पे सब कुछ ठीक हो रहा है। सेबेरियन मिस्ट को मार दिया गया है तो इसीलिए तुम आराम करो और चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुके हो। ये सुनते ही डोंग कहता है हाँ हाँ ठीक है। तभी फायरफॉक्स उससे कहती है अभी सिर्फ तुम्हें एक चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत है। तो डोंग कहता है क्या, आखिर वो चीज क्या है? तो फायरफॉक्स उससे कहती है टेम्पेस्ट अंडर आइसलैंड में तुम्हारे हाई और बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से चैंपियनशिप की सबसे ज्यादा संभावना तुम्हारी है। क्या तुम जानते हो कि मैंने कुछ दिनों में कितने सारे रिक्रूटर को ब्लॉक कर दिया है? तुम एक हाई एबिलिटी वाले स्टार हो, उनमें से कई तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए ट्राई करेंगे। तो रॉन्ग से कहता है तो इसका मतलब यह है कि मैं अपनी पसंद का कोई भी यूनिवर्सिटी चुन सकता हूँ। ये सुनते फायरफॉक्स उसे मारते हुए कहती है अरे इससे सेटिस्फाइड क्यों हो रहे हो? ना केवल सिर्फ तुम अपनी पसंद का यूनिवर्सिटी चुन सकते हो बल्कि तुम अपनी शर्तों को भी सामने रख सकते हो, जैसे फीस माफ करना, हर महीने एक सर्टेन अमाउंट में रून क्रिस्टल को पाना, अपनी स्पेशलाइजेशन को चूज करना, या फिर तुम कोई भी इंस्ट्रक्टर को चूज कर सकते हो अपनी पसंद का। तब इस रूम का दरवाजा खुलता है और सभी लोग अंदर आ जाते हैं, जो कि देखते ही डोंग से कहता है आखिर ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी उनमें से सारे के सारे रिक्रूटर उससे कह रहे होते हैं यंग मैन तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम हमारे जीनी यूनिवर्सिटी में शामिल होने के लिए कुछ सोचते क्यों नहीं हो? तो दूसरा बंदा कहता है डोंग जी अगर तुम हमारे डोंग हाई यूनिवर्सिटी में आते हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा फीस की छूट दी जाएगी, हम तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च भी अप्रूव करेंगे। तो तीसरा बंदा कहता है हमारा थंडर मिलिट्री अकेडमी में तुम जैसे जीनियस की जरूरत है तो हमें ज्वाइन करो और इंसानों को बचाओ वो भी हमारे साथ। ये सब देखते ही डोंग जी काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने में कहता है क्या ये लोग वास्तव में यूनिवर्सिटी के रिक्रूटर है, लेकिन ये लोग किसी सेल्स पीपल की तरह क्यों दिख रहे हैं? तभी वहाँ पे मेन एग्जामिनर यानी आता है और कह रहा होता है तुम सभी तो यूनिवर्सिटीज के टीचर हो तो इसलिए प्लीज अच्छे से एक्ट करो, जो कि सुनते ही वो रिक्रूटर शांत हो जाते हैं। तभी मेन एग्जामिनर यानी डोंग जी का हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें मेरा आर्मा मैटर रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरे सिल्वर डॉन यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होने के लिए वेलकम करता हूँ, तो तुम्हारा क्या कहना है? जो कि सुनते ही डोंग जी और भी ज्यादा परेशान होता है और कहता है क्या मेन एग्जामिनर आप भी? और डोंग जी अपने कहता है मैं बस उनकी बातों में नहीं आ सकता, जैसे कि फायरफॉक्स सिस्टर ने कहा है मुझे अपनी कंडीशन इनके सामने रखना है। और वो सभी लोगों से कह रहा होता है तो हर कोई मुझे अपने अपने यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मेरे फायदे को क्यों नहीं बताता, मैं उसी बेस में अपना डिसीजन लूंगा। जो कि सुनते ही वो दूसरा रिक्रूटर कह रहा होता है ये बिल्कुल ठीक लगता है, चलो अपने ऑफर लिस्ट को दिखाओ और डोंग जी को चूज करने दो। जो कि सुनते ही जियो कह रही होती है मैं भी इस सजेशन से एग्री करती हूँ। एंड ये सब देखते ही सभी लोग झगड़ा करने लगते हैं, जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है मैं सबसे बेहतरीन चॉइस को नीचे रखूंगा तो इसलिए वो जरूर मेरे साथ ही आएगा। तो दूसरा बंदा कहता है अरे तुम बस अपने सपने देखते रह जाओगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि हम सबसे बेहतर ऑफर देने वाले हैं। जो कि सुनते ही यानी कह रहा होता है नहीं नहीं सब लोग ठीक से काम करना याद रखो यार, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? और सभी लोग अपनी लिस्ट बनाते हुए डोंग जी को दे देते हैं, जो कि देखते ही डोंग जी अपने में कहता है ऐसा लगता है कि मैं सबका लोकप्रिय होने लगा हूँ, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी फायरफॉक्स उन सभी को वहाँ से भगा देती है और कहती है ठीक है ठीक है, डोंग जी एक रोगी है तो इसलिए उसे आराम करने की जरूरत है, तो इसलिए तुम लोगों को यहाँ से जाने की जरूरत है, तुम लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? तभी वो बुड्ढा रिक्रूटर कह रहा होता है डोंग जी अपना डिसीजन जरूर लेना। तभी फायरफॉक्स दरवाजे को बंद कर देती है और कहती है क्या ये लोग आमतौर पर हाई और माइटी होने का एक्ट क्यों करते हैं, लेकिन जब इन लोगों ने किसी टैलेंटेड बंदे को चुन लिया है तो वो लोग बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। तभी डोंग जी कहता है मुझे नहीं पता कि किसे चुनना चाहिए, सिस्टर फायरफॉक्स क्या आपके पास कोई सजेशन है? तो फायरफॉक्स कह रही होती है मैंने कभी भी एक रून हंटर यूनिवर्सिटी को अटेंड नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर के लिए तुम्हें मॉन्स्टर से भरे भरे फील्ड में जाना चाहिए। जो कि सुनते डोंग जी कहता है क्या मॉन्स्टर से भरा हुआ यूनिवर्सिटी? फायरफॉक्स उसे कहती है जंगल का असली मतलब क्या है, लेकिन अगर तुम जंगल में जा रहे हो तो मेरा ये सजेशन है कि तुम कुछ समय तक ट्रेन करो। और वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है वैसे भी अब तुम आराम करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अपना टाइम लो और अपना डिसीजन लो समझे, साथ ही टेम्पेस्ट अंडर ट्रायल सेरेमनी ये कल है तो इसलिए रेडी रहना। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग फोर्ट में इकट्ठा हुए होते हैं और यानी सभी लोगों से कह रहा होता है सभी लोग कैसे हो, मैं टेम्पेस्ट अंडर ट्रायल का मेन एग्जामिनर यानी हूँ। ये काफी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि इस साल टेम्पेस्ट अंडर ट्रायल में 200 लोगों की मौत हो चुकी है, तो चलो हम उन हीरो को थैंक यू कहने के लिए कुछ टाइम निकालते हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया और अपनी जान गंवाई। हालांकि ऐसी सिचुएशन के बावजूद भी कई सारे पार्टिसिपेंट ने अपने असली काबिलियत दिखाई और अपने हाई परफॉर्मेंस के साथ भीड़ में बाहर खड़े हुए और सभी लोगों की जान बचाने में उनकी मदद की। तुम सभी लोगों ने बड़े संकट का सामना करने के लिए अपनी पावर और अपने साहस का प्रदर्शन किया, मेरी नजरों में तुम सभी एक असली रून हंटर हो, इसलिए यहाँ पे खड़े रहो और गर्व करो। जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जुआन कह रहा होता है हाँ ये तो हैरत की बात है कि हम लोग बच गए। मेन एग्जामिनर कह रहा होता है तो बिना किसी देरी के मैं इस साल के टेम्पेस्ट अंडर ट्रायल के चैंपियन को घोषित करना चाहता हूँ। इस साल का टेम्पेस्ट अंडर ट्रायल चैंपियन क्विंची एरिया का रियूनी स्नाइपर डोंग जी है। जो कि सुनते ही सभी लोग चिल्ला
चिल्लाने लगते हैं और कह रहे होते हैं, लीडर डोंगजी ये तो अमेजिंग है, अगर ये नहीं होते तो शायद हम लोग वहाँ पे मर गए होते। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, डोंगजी चैंपियन होने के लायक है, ये तियानचेन वो तो वैसे कमीना था। तभी और एक लड़के कह रहे होते हैं, लीडर डोंगजी ये सिर्फ स्ट्रांग नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा काइंड है, मैं बस ये जानना चाहते कि उसकी कोई जीएफ है कि नहीं। डोंगजी सभी लोगों से कह रहा होता है थैंक यू, और वो अपने में कहता है, मैंने सुना है कि ये तियानचेन को पकड़ लिया गया था और इसे हंटर कोर्ट में भेज दिया गया था, अब वो कम से कम 20 साल तक जेल में रहेगा और इसकी यूनियन स्टोन टैलेंट वो क्रिपल्ड हो जाएगी और वो अब कभी भी रियून हंटर नहीं बन पाएगा। डोंगजी वो टेम्पेस्ट हंटर 12 चैंपियनशिप जीत चुका होता है और उसे मेन एग्जामिनर यानी आगे बुलाता है और कह रहा होता है, डोंगजी हमारे चैंपियन आ गया और कुछ शब्द कहो। जो सुनने के बाद डोंगजी आगे बढ़ता है और सभी लोगों से कह रहा होता है, 4 साल पहले मेरे होम टाउन में एक वार्मोल आउटब्रेक हुआ जिसमें अनगिनत यूनिस्टोन बीस्ट बाहर आए। उस समय मैं कुछ भी करने के लिए काफी ज्यादा कमजोर था, मैं सिर्फ भाग सकता था और छिप सकता था क्योंकि मेरे मॉम डैड यूनिस्टोन बीस्ट के जरिए मारे गए थे। तो उस दिन मदद की कमी और निराशा मुझे काफी ज्यादा महसूस हुई और फिर मैंने मजबूत बनने की कसम खाई, मैं पावरफुल बनना चाहता था, स्ट्रांग बनना चाहता था ताकि मैं उन लोगों की रक्षा कर सकूं जिनकी मैं परवाह करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम में से कई लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इसी तरह के लाचारी और निराशा महसूस किया है, इसीलिए उन सभी के लिए जो जख्मी है या किसी को खो चुके हैं, याद रखें जो ताकतवर होते हैं वो अपना खून कमजोरों के लिए बहाते हैं, इसलिए तुम लोगों के बलिदान के लिए थैंक यू। डोंगजी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आज मैं फिर से शपथ लेता हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा कि मैं हर किसी की रक्षा कर सकूं, मैं कमजोरों की भी और ताकतवर की भी रक्षा कर सकूं। जो कि सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तांग ये सब सुनते हुए अपने में कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था उसका पास्ट इतना ज्यादा ट्रेजिक होगा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो हम सभी से पावरफुल है। मेन एग्जामिनर यानी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, डोंगजी तुम सच में एक इंस्पिरेशन हो, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। तो डोंगजी कहता है, थैंक यू। मेन एग्जामिनर यानी कह रहे होते हैं, ठीक है अब तुम अपने परफॉर्मेंस की वजह से अपने मन पसंदीदा कोई भी यूनिवर्सिटी को चुन सकते हो, तो तुम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो? ये देखने के बाद जॉन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि लीडर थंडर मिलिट्री एकेडमी में जाएंगे क्योंकि उनकी कमांड एबिलिटी ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है और कौन जानता है कि फ्यूचर में वो एक कमांडर भी बन सकता है। तो लुलु कह रही होती है, मुझे लगता है कि लीडर डोंगजी वो जीडाओ यूनिवर्सिटी में जाएंगे क्योंकि वो एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है, अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं भी इसे चुनती। दूसरी तरफ वो बुढ़ा रिक्रूटर मनीमन कह रहा होता है, डोंगजी हमने तुम्हें जो भी शर्तें दी है वो सभी यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा बेस्ट है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर हमारे जीडाओ यूनिवर्सिटी को चुनोगे, तुम एक अच्छा फैसला लोगे, जीडाओ यूनिवर्सिटी तुम्हारा इंतजार करेगी। वैसे भी ZQ ने हमेशा सबसे अच्छे और टैलेंटेड हंटर को छीना है, लेकिन इस टाइम ये मेरी बारी है। दूसरी तरफ ZQ वो अपने लैपटॉप में ज़ियाओज़ी की प्रोफाइल देख रही होती है, तभी मेन एग्जामिनर यानी डोंगजी से कह रहा होता है, डोंगजी तुम्हारा आंसर क्या है सभी को बताओ, हम लोग जानना चाहते हैं कि तुम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। और फिर डोंगजी आगे बढ़ते हुए ज़ीडाओ और क्यूयाओ यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हो जाता है, जो की देखते ही वो बुढ़ा रिक्रूटर वो मनीमन हंसने लगता है। तभी डोंगजी कहता है, मैं क्यूयाओ यूनिवर्सिटी को चुनूंगा, जो की सुनते ही वो बुढ़ा काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या डोंगजी क्या तुम इसके बारे में श्योर हो कि तुम सच में क्यूयाओ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो? आखिर ZQ ने कौन सी कंडीशन तुम्हें दी है जो हमारा ज़ीडाओ यूनिवर्सिटी तुम्हें दे नहीं पाया? ये सब बेकार है, हमारा ज़ीडाओ यूनिवर्सिटी तुम्हें 2 गुना नहीं 10 गुना फायदा दे सकता है। तभी ZQ से कह रही होती है, टीचर बोकुआन हमारे बिजनेस सीक्रेट के बारे में पूछताछ करना सही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो की सुनते ही बोकुआन कह रहा होता है, मुझे परवाह नहीं है डोंगजी, उसे ज़ीडाओ यूनिवर्सिटी में ही आना चाहिए, वो उसी का ही स्टूडेंट होना चाहिए, मैं उसे कहीं और जाने नहीं दे सकता। तभी मेन एग्जामिनर यानी कह रहा होता है, प्लीज शांत हो जाओ, ज़ीडाओ यूनिवर्सिटी और क्यूयाओ यूनिवर्सिटी दोनों पहले एक ही तो थे, अगर टीचर बोकुआन डोंगजी को पसंद करते हैं तो वो क्यूयाओ यूनिवर्सिटी में उनसे मिल सकते हैं और उन्हें अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं। तभी यानी देखता है कि बोकुआन एक कोने में जाके बैठ जाता है और उसे कहता है, ये कैसे सेम है, डोंगजी अभी भी क्यूयाओ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा और उसके सारे के सारे अचीवमेंट्स उसके ज़ीडाओ यूनिवर्सिटी से कोई भी लेना देना नहीं होगा। जो कि सुनते ही मेन एग्जामिनर यानी भी काफी ज्यादा परेशान होता है, डोंगजी से कह रहा होता है, टीचर बोकुआन मैं ज़ीडाओ यूनिवर्सिटी को भी पसंद करता हूँ लेकिन मैंने पहले ही टीचर ZQ के साथ एक वादा किया है तो इसलिए मुझे माफ करना। और हमें पास के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे ZQ डोंगजी से कह रही होती है, डोंगजी हमारा क्यूयाओ यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग है क्योंकि हम इलाइट्स को भर्ती नहीं करते बल्कि मॉन्स्टर्स को भर्ती करते हैं। जो कि सुनते ही डोंगजी कहता है, क्या मॉन्स्टर्स? ज़ू से कह रही होती है, तुम्हारे पास सिर्फ 27% रून स्पीड थे लेकिन जब तुम अवेकन हुए तब एक रून हंटर बन गए और तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है और तुम्हारे पास ऐसे क्लास तक पहुँचने के लिए पोटेंशियल है और इस सब के साथ हमारी QI यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह है क्योंकि हमारे पास हमारे हार्श रिक्रूटमेंट कंडीशन है, हम साल में 100 स्टूडेंट्स को भी भर्ती नहीं करते और इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से ज्यादा टीचर है, तो इसलिए तुम सबसे अच्छे और
और सबसे बढ़िया टीचर से मिल पाओगे जो तुम्हारे स्पेशलाइजेशन में तुम्हारे लिमिट्स को तोड़ने में मदद करेंगे। तो डोंगजी उससे कह रहा होता है टीचर ज़ुक्यू, ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे आशा है कि तुम इससे सहमत होंगे। ये सुनते ही ज़ुक्यू कह रही होती है क्या है, क्या वो पैसा है या फिर कोई रिसोर्स या फिर कोई पोजीशन, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डोंगजी कहता है मेरे पास एक लिटिल सिस्टर है, वो एक टेमर है। तो वो कह रही होती है वाइज याओजी, मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग वो सिर्फ 8 साल की है, लेकिन तुमने इसे कैसे डिस्कवर किया? रुको, क्या वो पहले से अवेकन हो चुकी है? डोंगजी से कहता है हाँ, वो हाल ही में अवेकन हुई है और उसने एक यूनिस्टन बीस्ट को अच्छे से कंट्रोल किया है, लेकिन उसका आधा शरीर वो अभी काम नहीं करता, तो इसलिए वो व्हील चेयर में बंधी हुई है। तो इसलिए मैं उसे QI यूनिवर्सिटी में लाना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि टीचर जी उसके लिए लेसन अरेंज कर पाएगी। जो कि सुनते ही वो अपने मन में कहती है एक बार में 2 स्टूडेंट को भर्ती करना। डोंगजी सोच सकते हैं कि ये एक बड़ा रिक्वेस्ट है, लेकिन 8 साल के लड़की जो एक टेमर के रूप में अवेकन हुई है वो भी एक मॉन्स्टर है, मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। और वो उसे कह रही होती है हाँ, तुम्हारा रिक्वेस्ट ही काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन चूंकि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो तो मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को एग्री करूंगी। जो कि सुनते ही डोंगजी काफी खुश होता कहता है क्या सच में, थैंक यू सिस्टर ज़ुक्यू। तभी वो ज़ुक्यू से हाथ मिलाती है और उससे कहती है QI यूनिवर्सिटी में तुम्हारा स्वागत है डोंगजी। और फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा डोंगजी को देख रहा होता है और उससे कहता है डोंगजी मैं तुम्हें याद रखूंगा, यही तियानजिन मेरा बेटा है जिसे मैंने लंबे समय तक इतने सालों से पाला, तुमने ना सिर्फ उसका रास्ता रोका बल्कि उसे रियूनंडर कोर्ट भी भेज दिया, तुम बस वेट करो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम में से दर्द की मौत से भी बेहतर महसूस करोगे। और ये जो बंदा होता है ये वही त्योजी होता है जो कि ए रैंक का रियूनंडर होता है और इसका प्रोफेशन ये रियूनिस्टन स्नाइपर होता है। हार्बर होटल का सीन देखते हैं जहाँ पे हम डोंगजी को देखते हैं जो कि उसी रियूनिस्पिट पोशन को देखते हुए कह रहा होता है अगर मैंने इस मेडिसिन को पी लिया तो इसका असर कैसा होगा ये मैं जानना चाहूंगा, आखिर मैं कितने लेवल तक राइज कर पाऊंगा। और ये कहते वो उसे पी जाता है और जैसे वो उसे पीता है वैसे वो देखता है कि वो एक ए रैंक के रियूनिंडर बन चुका है और उसकी रियून स्पिरिट वो 270 तक पहुंच चुकी है और ऐसे उसकी जितनी भी एट्रीब्यूट होती है वो सारे के सारे बढ़ गई होती है। जो कि देखते ही डोंगजी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है वाह मैं तो डायरेक्टली ए रैंक के पीक पे पहुंच चुका हूँ, वो भी इस तरह से, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैंने एक साथ 14 लेवल गेन किया और उसके साथ साथ मेरी रियून स्पिरिट स्किल वो 270% तक पहुंच चुकी है, मतलब कि सब कुछ 2.7 टाइम बूस्ट हो चुका है। उसी के साथ साथ मैं एक डी रैंक के रियूनिंडर को भी आराम से संभाल सकता हूँ और ए रैंक और उससे ऊपर के बहुत ही मुश्किल से, इसका मतलब यह है कि बॉस पॉइजन वुल्फ का मेरे से कोई भी मैच नहीं है। उसके मिशन कंप्लीट होने की वजह से उसे एक ए रैंक का रियूनिस्टन आर्मर भी मिलता है जो कि देखते ही वो और भी ज्यादा खुश होता है और अपने आप में कहता है यहाँ तक कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे रिवॉर्ड मिल रहे हैं, मुझे पहले से चेक करना चाहिए। और वो देखता है कि उसे एक ई रैंक का रियूनिस्टन आर्मर मिल चुका है जो कि एक लाइट वेट आर्मर होता है और एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस होता है और ये एफ रैंक या फिर उसके आसपास के अटैक को इग्नोर कर सकता है और अगर जब इसे पहन लिया जाए तो इसकी मूवमेंट स्पीड वो 10% तक बढ़ जाएगी। जो कि देखते ही डोंगजी वो अपने में कहता है मेरे देख के हैरान हूं कि क्या स्किल एफिशिएंसी रियूनिस्टन आर्मर को भी एनहांस कर सकता है, वो सारे के सारे रियूनिस्टन आइटम को इफेक्ट करती है। जो कि देखते ही डोंगजी अपने में कहता है तो इसका मतलब यह है कि मैं जब भी कुछ भी इक्विप करूंगा तो मेरी मूवमेंट स्पीड ये 27% तक इंक्रीज हो जाएगी, ये तो पागलपन है। उसी के साथ साथ उसे 5 मिस्टीरियस रिवॉर्ड मिलते हैं जो कि देखते ही वो कह रहा होता है वाओ ये 5 मिस्टीरियस रिवॉर्ड ये तो अमेजिंग है। और वो अपने रियूनिस्टन स्किल को देखते हुए कह रहा होता है मेरी रियूनिस्टन एबिलिटी के साथ साथ रैपिड शॉट की स्पीड ये 8.1 टाइम्स तक बढ़ जाएगी और उसी के साथ साथ ब्लास्टर स्लैश की अटैक की दूरी ये 27 मीटर तक हो जाएगी और उसी के साथ साथ 27 स्वॉर्ड एनर्जी स्लैश जारी करेगी, ये तो काफी ज्यादा डरावना है। तभी वो देखता है कि फोर्टिफिकेशन मेडिसिन, जिसे देखते ही वो कह रहा होता है आखिर इस चीज का यूज कैसे करूँ। इस फोर्टिफिकेशन मेडिसिन को देख के ऐसा लगता है कि ये कोई ट्रम्प कार्ड है जो कि मेरी जान को बचाएगा जब मैं किसी डिस्परेट सिचुएशन में पड़ूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं किसी ऐसे सिचुएशन में ना पड़ू जहाँ पे मुझे ये यूज करना पड़े। और वो अपने उनमें कह रहा होता है इन दोनों मेरा प्रोग्रेस ये काफी ज्यादा धीरे हो रहा है, लेकिन अभी सिस्टम के जरिए मुझे जो रिवॉर्ड मिला है इससे मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले मेरे पास 2 महीने हैं जहाँ पे शायद मुझे जंगल में ट्रेनिंग करना चाहिए और उसी के साथ साथ डी रैंक तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे अब ज़ुक्यू से मिलने का टाइम आ चुका है तो चलो उससे मिल लिया जाए। तभी उसके पीछे से एक गेट ओपन होता है जहाँ पे उसके टेम्पेस्ट अंडर आइसलैंड के साथी आते हैं जहाँ पे ज़ुक्यू उससे कह रहा होता है लीडर जबकि टेम्पेस्ट अंडर ट्रायल खत्म हो चुका है तो हम सभी लोग घर जा रहे हैं तो इसलिए हम सभी आपको गुड बाय कहने के लिए आए हैं। टैंगो कह रहा होता है मैं जीडा यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ इसलिए हम लोग अक्सर मिल सकते हैं और सभी लोग अपने लीडर को अलविदा कहते हैं जो कि देखते डोंग से कह रहा होता है ठीक है हम लोग अगली बार मिलेंगे और ये कहते वो भी पोर्ट पे चला जाता है जहाँ पे सिस्टर फायरफॉक्स से लेने के लिए आई हुई होती है और उसी के साथ साथ वहाँ पे ज़ुक्यू भी होती है और वो दोनों उसी शटल में चले जाते हैं जहाँ पे ज़ुक्यू उसे पानी देते हुए कह रही होती है ये लो थोड़ा पानी पियो और आराम करो। तो डोंग उसे थैंक यू कहता है, ज़ुक्यू उसे कह रही होती है तुम अपने लाइफ और मौत के बीच से गुजरे हो इसीलिए तुम्हें घर की याद आ रही होगी है ना। तो डोंग
से कहता है, हाँ मैं घर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जिया वहाँ पे बैठते हुए उससे कह रही होती है, तुम और जिया जी जिस जगह जा रहे हो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम एक हाई क्लास एरिया के घर में रहो, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? तो डोंग उससे कहता है, क्या हाँ ऐसे क्यों नहीं, लेकिन बॉस जियाओ मुझे पता है कि तुम मुझे कोई भी घर फ्री में नहीं दोगे, तुम क्या चाहते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ? तो जिया उससे कह रही होती है, हाँ तुम सच में काफी ज्यादा होशियार हो, हाँ मुझे ये चाहिए कि तुम मेरे लिए कुछ करो, ये कुछ बड़ा नहीं है लेकिन इसमें कठिनाइयां काफी ज्यादा है, मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी ब्लड वोल्फ मर्करी टीम दो दिन पहले लापता हुए सामान के बैच को वापस लाने में मेरी मदद करो, यहाँ तक कि उन्हें बचाने के लिए जिम्मेदार रियूनहंटर टीम ने भी अपना कॉन्टेक्ट खो दिया। क्योंकि देखते ही डोंग जी वो अपने में कहता है, रियूनहंटर मर्करी टीम को हायर करना ही उतना भी ज्यादा चीप नहीं है, आखिर बॉस जियाओ के लिए ये बैच इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यूँ है? और डोंग से कहता है, चूँकि ये जंगल का मामला है तो क्या तुम यूजिन से बात क्यों नहीं कर लेते हो, वो इसके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। तो जियाओ से कहती है, जिस जगह पे सामान खो गया है वो यूजिन के एरिया में नहीं है, और जंगल में ज्यादातर गैंग के पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस की टेरिटरी है, और अगर यूजिन का गैंग किसी दूसरे एरिया में एंटर करता है तो ये काफी ज्यादा खराब हो जाएगा और मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, इसीलिए यूजिन से कॉन्टेक्ट करना ये उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। तो डोंग से कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ। और इन दोनों को बात करते हुए देख फायरफॉक्स कह रही होती है, बॉस जियाओ हमारे बॉस ने आपको ये बताने के लिए कहा है कि हम इस मिशन को एक्सेप्ट करेंगे, जो कि सुनते ही जियाओ कह रही होती है, हाँ मुझे ये सुनकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और वो डोंग जी से कहती है, डोंग जी क्या तुम यहाँ पे एक मिनट के लिए आ सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जो कि सुनते डोंग जी उसके पास आता है और कहता है, बॉस जिया मुझे बताओ कि क्या हुआ है। एंड ये सब देखते ही फायरफॉक्स अपने उनमें कहती है, आखिर वो इसे मेरे सामने क्यों नहीं कह सकती, ये चालाक लोमड़ी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे डोंग जी पर क्रश है? जिया उसे कह रही होती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो, और उसी के साथ साथ मैं इसके साथ किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। तो डोंग जी कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन आपके पास काफी सारे अंडरलिंग्स हैं तो आप उनसे क्यों नहीं कह रहे हो? तो जिया कह रही होती है, वो लोग सिर्फ सरफेस पर ही मेरे लिए लॉयल है, लेकिन फैक्ट ये है कि उनकी लॉयल्टी जिया फैमिली के लिए है ना कि मेरे लिए, और ये मिशन उस सरफेस पर उन खोए हुए सामानों को ढूंढना है, लेकिन तुम्हारा असली मिशन मेरे छोटे भाई को ढूंढना है जो कि सामान के साथ लापता हो गया है। जो कि सुनते ही डोंग जी काफी ज्यादा रन होता है और अपने अपने कहता है, क्या बॉस जिया का एक छोटा भाई भी है? ऐसा लगता है कि ये मामला जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। जिया उसे कह रही होती है, तुम शायद जानते हो कि मैं पूनियर फैमिली के दूसरे बेटे की नाजायज बेटी हूँ, मुझे मेरी फैमिली नापसंद करते हैं, इसीलिए मुझे मेरे बिजनेस के लिए किंगशी एरिया में भेज दिया गया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि मेरा एक छोटा भाई भी है। कुछ साल पहले मेरे डैड की जंगल में मौत हो गई थी, जिसका मतलब है मेरा छोटा भाई मेरे फादर की एकमात्र विरासत है, और उसका जिंदा रहना पूरे जिया फैमिली के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा और उसकी एग्जिस्टेंस उन लोगों को एक्सपोज कर देगी, और वो जरूर बहुत से लोगों की आंखों में कांटा बन जाएगा, इसलिए मुझे उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी। यूजिंग के ट्रांसपोर्ट रोड खुलने के बाद मैंने किंगशी एरिया में एक मजबूत पैर जमा लिया है, मैं अपने छोटे भाई को किंगशी के पास लाना चाहती थी, इसलिए मैंने उस ट्रांसपोर्ट टीम के साथ उसे रखा था, लेकिन दो दिन पहले पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट टीम ने अपना कॉन्टैक्ट खो दिया, और उसी के साथ साथ मेरे छोटे भाई की कोई भी खबर नहीं है। और ये कहते हैं वो डोंग जी का हाथ पकड़ लेती है और उसे कह रही होती है, अगर मैं पर्पल गोल्ड कंसोर्टियम से किसी को भी भेजती हूँ तो मेरे छोटे भाई की आइडेंटिटी वो जरूर सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी, तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। डोंग जी तुम्हें जियाओ चाओ को खोजने में मेरी मदद करनी चाहिए और उसे सुरक्षित रूप से मेरे पास वापस लाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड उन दोनों के साथ बात करते हुए देख फायरफॉक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और अपने अपने कहती है, जियाओ के क्वीन तुम बूढ़ी चुड़ैल, आखिर तुम डोंग जी के साथ क्या करना चाहते हो? दूसरी तरफ डोंग जी से कह रहा होता है, मेरी एक छोटी बहन भी है तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा बॉस जियाओ। ये सुनते ही जियाओ से कह रही होती है, डोंग जी लेकिन तुमने अभी अभी टेम्पल स्टैंडर्ड ट्रायल को पास किया, क्या तुम्हारा बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हुआ? तो डोंग जी से कहता है, चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ फायरफॉक्स चिल्लाते हुए कह रही होती है, अब बहुत हो गया, तुम दोनों इस तरह बात क्यों कर रहे हो? डोंग जी तुम अभी भी यंग हो और इस पैसे वाले औरत की बहकावे में मत आओ, ये तुम्हें पागल कर देगी। जो कि सुनते ही वो दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं और डोंग जी हंसते हुए कह रहा होता है, सिस्टर फायरफॉक्स तुम तो काफी ज्यादा सोचते हो, हम सिर्फ एक मिशन के बारे में बात कर रहे थे और ज्यादा कुछ नहीं। तो जियाओ कहती है, मैं तुम लोगों को किंगशी ले जाऊंगी और मैं तुम लोगों को एक रात के लिए एक शटल दूंगी, लेकिन कल से तुम लोगों को जंगल जाने होगा। डोंग जी ये सुनते ही अपने उनमें कहता है, भले ही वो सिर्फ एक रात है, लेकिन क्योंकि बॉस जियाओ का छोटा भाई वो खतरे में है, पर मुझे खुशी है कि मैं फिर से अपनी बहन से मिल पाऊंगा। जियाओ जी मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। डोंग जी सभी लोगों के साथ पार्टी कर रहा होता है जहाँ पे जाओ से कह रहा होता है, तुम मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। जो कि सुनते ही डोंग जी कह रहा होता है, हाँ थैंक यू अंकल जाओ। तभी पॉइजन वुल्फ चीयर्स करते हुए कह रहा होता है, क्यों याओ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद तुम कम से कम एक सी रैंक के रियूनहंटर तो होंगे ही, तुम काफी ज्यादा अमीर बनने जा रहे हो। तभी डोंग जी की बहन उससे कह रही होती है, अगर हमारा बड़ा भाई सी रैंक का हंटर बन गया तो क्या मैं हर दिन चिकन ड्रमस्टिक खा पाऊंगी? जो कि सुनते ही कुछ उससे कह रही होती है, हाँ क्यों नहीं, तुम चिकन ड्रमस्टिक खा सकते हो और उससे भी कई ज्यादा खा सकते हो। दूसरी तरफ फेंग रुई वो अपने फोन में देखते हुए कह रहा होता है, ब्रदर डोंग जी ये तो किंगशी एरिया के हीरो बन चुके हैं, यहाँ देखिए उनकी वजह से मैं भी काफी ज्यादा फेमस हो रहा हूँ और मुझे हाई स्कूल की नाना का मैसेज आया है। जो कि सुनते ही कुछ उससे कह रही
रही होती है। अच्छा नाना, आखिर ये कौन सी क्लास की है और वो क्या कह रही है? तभी फेंगरू रोते हुए कह रहा होता है वो मुझसे डोंगजी का नंबर मांग रही है। जो की सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। डोंगजी वो अपने कह रहा होता है सभी लोग काफी ज्यादा खुश है, तो इसीलिए मुझे इनकी स्माइल इसी तरह बनाए रखने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। तब इसके पीछे से किसी की आवाज आती है और वो लड़की उससे कह रही होती है, डोंगजी क्या तुम टेम्पेस्ट अंडरपोर्ट से आ चुके हो? आखिर तुम वहाँ से कब आए? जो कि देखते ही डोंगजी काफी ज्यादा रन होता है और उससे कहता है, क्या तुम तो नाना हो, आखिर तुम्हारा हाई स्कूल का रिजल्ट ये कैसे रहा? जो कि सुनते ही नाना उससे कह रही होती है, मेरी यून स्पीड रेट बस 42% है, अगर मेरा अच्छा रिजल्ट भी आए तो ये यूजलेस आएगा, ये तुम्हारी तरह नहीं है। जो कि रियून अंडर बन के ही वापस आया और टेम्पेस्ट अंडर ट्रायल के बाद से सभी जगह में छा गया। जो कि देखते ही फेंग रुई काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अपने अपने कहता है, हाई स्कूल के एग्जाम के बस कुछ दिन हुए हैं, लेकिन ये नाना ये ऐसी क्यों हो गई है? मुझे लगता है कि उसे जिंदा रहने का एक और तरीका मिल गया है। और ये कहते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी नाना का जो साथी होता है, तो नाना कह रही होती है, यंग मास्टर क्या आप डोंगजी के बारे में नहीं जानते? कुछ दिन पहले टेम्पेस्ट अंडर 12 पे एक वार्मोल आउटब्रेक हुआ था, इसने उस बैरियर को नष्ट किया और सभी लोगों को बचा लिया। जो की सुनते ही वो थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, क्या टेम्पेस्ट अंडर आइसलैंड वार्मोल आउटब्रेक क्या ये पावरफुल है? और उसे देखते ही जी क्यों कह रही होती है, आखिर इसे क्या हो गया है? क्या ये बंदा टेम्पेस्ट अंडर आइसलैंड के बारे में नहीं जानता? क्या वो कोई न्यूज नहीं देखता? तभी वो बंदा डोंगजी से कह रहा होता है, बच्चे मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लेडी के बारे में कोई भी बातें सोचने की कोशिश भी मत करना। क्या हो गया अगर तुम एक रियून मास्टर हो? तुम सिर्फ बैटल फील्ड में ही तो बन पाओगे या फिर किसी बड़े परिवार के कुत्ते बन पाओगे, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। जो की सुनते ही जी क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कह रही होती है, क्या ये तुमने क्या कहा? तुम डोंगजी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? और ये कहते हैं वो शराब को फेंक देती है। जो की देखते ही फेंग रुई और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्वीन बहन शांत हो जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। और ये सब सोन फिंग और जियाओ वेनलोंग देख रहे होते हैं। जियाओ वेनलोंग कह रहा होता है, ये यंग मास्टर झांग काफी ज्यादा एरोगेंट है और वो लोगों को अपने सामने दिखावा करते हुए नहीं देख सकता, वैसे भी हम बस आपस में बैठ सकते हैं और अभी ये सब कुछ होते हुए देख सकते हैं। तो सॉन्ग फिंग कह रही होती है, हाँ ये साथ सच में काम किया है। जैसे ही हमें ये खबर मिली कि डोंगजी यहाँ पे है, झांग टिंगसाई को यहाँ पे लाने के लिए कोशिश किया और हमारा ये कोशिश काम कर गया। दूसरी तरफ जी क्वीन बहुत ही गुस्से से चिल्लाते हुए झांग टिंग से कह रहा होता है, तुम इस दुनिया में तरीके से जी रहे हो क्योंकि रियून हंटर जंगल में रियून स्टोन बीच से लड़ते हैं और तुम इन्हें ऐसे देखने की हिम्मत कैसे करते हो? तो ये सुनते ही झांग टिंग काफी गुस्से से वो बोतल पकड़ते हुए आगे बढ़ते और कहता है, तुम बस एक बेकार से सिटीजन हो, आखिर तुम मेरे बातों का जवाब कैसे दे सकती हो? आज तुम मरने वाली हो। तभी आते हुए डोंगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कह रहा होता है, हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो प्लीज यहाँ पे कोई भी परेशानी मत खड़ा करो, नहीं तो तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और ये कहते हुए नाना से कहता है, नाना प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ। जो की सुनते नाना कह रही होती है, ठीक है मैं इसे यहाँ से ले जाती हूँ। तभी झांग टिंग अपना सारा का सारा पैसा निकालते हुए कह रहा होता है, तुम लोग वो हो जिन्हें यहाँ से निकलने की जरूरत है क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को खरीदने वाला हूँ, तो बस यहाँ से निकल जाओ। जो की सुनते जाओ बड़ी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रहे हो। तो झांग टिंग उससे कहता है, बस यहाँ से निकल जाओ तुम बूढ़े कमीने, आखिर तुम क्या सोचने की कोशिश कर रहे हो? तभी डोंगजी उसका गला पकड़ लेता है और उसे कह रहा होता है, अंकल जाओ एक रिटायर शोल्डर है और इंसानों को बचाते समय उनका पैर डैमेज हो गया तो तुम उनका मजाक कैसे उड़ा सकते हो? जो की सुनते ही झांग टिंग कह रहा होता है, कमीने ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इंसान आखिर तुम कहाँ पे हो, तुम किसके इंतजार कर रहे हो? तभी अचानक से डोंगजी के ऊपर हमला होता है, जो कि देखते ही डोंगजी से डॉज कर लेता है और इंसान झांग टिंग के सामने आ जाता है और डोंगजी से कह रहा होता है, ये मिनिस्टर फैमिली के यंग मास्टर झांग टिंग है, इन्हें छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ये जो बंदा होता है ये एक ई रैंक का रियून स्वॉर्डमैन होता है और वो झांग टिंग से कह रहा होता है, मास्टर बस पीछे ही रहना। जो की देखते ही फेंग रुई कहता है, वो एक ई रैंक अंडर है और उसके ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो जी क्वीन वो अपने में कह रही होती है, मुझे डर है कि ये आदमी टॉप ई रैंक रियूनेंटर में से एक है, यहाँ तक कि डैड और अंकल पॉइजन वुल्फ उन दोनों का इनके साथ कोई भी मैच नहीं है। झांग टिंग कह रहा होता है, क्या तुम्हें समझ में आया, ये एक ई रैंक हंटर है जिसे तुम हराने की उम्मीद नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक कुत्ता है जिसे मैंने पाला है। क्या तुम मुझे हराना चाहते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये करने में सक्सेस हो पाओगे कि नहीं? जो कि देखते ही जाओ वोडी डोंगजी से कह रहा होता है, बेटा चलो यहाँ से चलते हैं, इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। डोंगजी अपने में कहता है, अंकल सी है मेरा अभी मिनिस्टर के साथ उलझना ये बेकार है, लेकिन जियाओ वेनलोंग और सॉन्ग फेंग दोनों ही इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मिनिस्टर शायद उन पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन झांग टिंग सीआई यह अलग है, मुझे उससे भड़काना नहीं चाहिए और मिनिस्टर को मुझे और मेरे दोस्तों को निशाना बनाने देना नहीं चाहिए। और डोंगजी अपनी सिस्टर को लेते हुए वहाँ से जा रहा होता है और कहता है, चलो हम कहीं दूसरे जगह खाने चलेंगे। जो की देखते ही जी क्वीन गुस्सा होते हुए कह रही होती है, क्या हमें ऐसे क्यों करना चाहिए? तो झाओ वोडी कह रहा होता है, ठीक है क्वीन ये सब कुछ ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी झांग टिंग उसे कह रहा होता है, रुको क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आखिर तुम जा क्यों रहे हो?
हो, जो कि देखते ही डोंग से कह रहा होता है, यंग मास्टर झांग आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो झांग तिंग उसे कहता है, क्या तुम एक जीनियस और हीरो नहीं हो? इस किंगशी एरिया का हीरो मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम ड्रैगन हो या फिर कोई शेर, तुम्हें मेरे सामने अच्छे से बिहेव करना होगा नहीं तो। और ये कहते हुए इंसान से कह रहा होता है, इंसान उसके एक हाथ को तोड़ दो, जो कि देखते ही इंसान आगे बढ़ता है और कहता है, जैसा आप चाहते यंग मास्टर मैं वैसा ही करूंगा। और जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे ही पॉइजन वुल्फ और जाबोरी दोनों ही आगे बढ़ते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन वो काफी तेजी से अपने आफ्टर इमेज बनाता है और उन दोनों को बहुत ही इजीली हरा देता है, जो कि देखते ही डोंग से कह रहा होता है, अंकल जाओ बॉस क्या तुम दोनों ठीक हो? तो अंकल जाओ कह रहे होते हैं, ए रैंक का यूनिस्टन स्किल ऐसा लगता है कि उसे मिनिस्टर को फॉलो करने से फायदा मिला है। तो पॉइजन वुल्फ कहता है, धिक्कार है मैं अपने साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं लाया। तभी काफी तेजी से डोंग के पीछे से इंसान अटैक करता है, लेकिन बाजी पलट जाती है और डोंग काफी तेजी से एक सीरियस जगह पे अटैक करता है, जिसकी वजह से इंसान वो घुटने पे आ जाता है। डोंग अपने वेपन को समन करता है और उसे कह रहा होता है, इंसान मैं मिनिस्टर का सम्मान करता हूँ, वैसे क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम हिल सकते हो, मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। जो कि देखते ही इंसान वो अपने में कह रहा होता है, ये बच्चा ये भी एक ई रैंक का रियूनाइटर है, उसी के साथ साथ उसकी ऑरा मेरे मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है और वो डी रैंक के रियूनाइटर से वीक नहीं है, उसी के साथ साथ उसके पास एक डी रैंक का यूनिस्टोन वेपन है, धिक्कार है अगर मैं इसे लड़ने जाऊंगा तो शायद मैं मर जाऊंगा। डोंग से कहता है, मैं टेम्पेस्ट थंडर ट्रायल का चैंपियन हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किस्मत का इस्तेमाल करके इसे जीत किया? और उसी के साथ साथ मैं क्यूएओ यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट भी हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं मिनिस्टर झांग से डरता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहते वो झांग थिंग से कहता है, और तुम्हारे लिए, जो कि देखते ही झांग थिंग काफी ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है, क्या तुम क्या करने की कोशिश करने वाले हो? तो डोंग से कहता है, झांग थिंग सीआई, क्या तुम नहीं जानते कि अगर तुम कमजोर हो तो किसी को भड़काना नहीं चाहिए? जब तक मैं तुम्हें पीट पीट कर मार नहीं देता तो क्या तुम्हें लगता है कि तब तक मिनिस्टर क्यूएओ यूनिवर्सिटी के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे और ये रिस्क लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तभी झांग थिंग कह रहा होता है, रहने भी दो। और वो इंसान से कह रहा होता है, तुम्हारा उसके साथ कोई भी मैच नहीं है, तुम बस एक कचरा हो, हमने बेफालतू में इतना सारा सामान तुम्हारे ऊपर खर्च किया। तो इंसान कह रहा होता है, यंग मास्टर एक बार के लिए इसे भूल जाते हैं प्लीज, मैं वास्तव में माफी मांगना चाहता हूँ। तभी पॉइजन वुल्फ कह रहा होता है, इंसान ऐसा लगता है कि तुम झांग फैमिली के कुत्ते बनने के लायक भी नहीं हो। तभी डोंग अपने बहन को लेते हुए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ झांग थिंग वो इंसान को गाली दे रहा होता है। डोंग वो अपने में कहता है, हालांकि मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन अगर मैं अपने साथियों की सुरक्षा करना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ तो ये काफी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना ही होगा। देखते हैं कि जी क्विंग डोंग को देखते हुए अपने उनमें खेरी होती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि डोंग अपने 27% यूनिट स्पीड के साथ इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि वो अंकल पॉइजन वुल्फ और उसी के साथ साथ मेरे डैड को भी सरपास कर जाएगा, ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और इसी के साथ साथ मुझे डोंग से कम्पीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। फिर कुछ से बाद हम देखते हैं कि पॉइजन वुल्फ डोंग से कह रहा होता है, किड आखिर तुम कब इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो? क्या लॉर्ड यानी ने तुम्हें कुछ सिखाया है? जो कि सुनते ही डोंग से कह रहा होता है, अरे चौक करना बंद करो, मैं उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। तभी फैंग्री डोंग से कह रहा होता है, ब्रदर डोंग क्या तुम तुम्हारे वेपन को मुझे छूने के लिए दे सकते हो? बस एक ही टच काफी है। जो कि देखते ही फायरफॉक्स डोंग से कह रही होती है, भले ही वो मैनेजर जिया है, लेकिन फिर भी एक डी रैंक का हथियार देना वो किसी को ऐसा आसानी से नहीं दे सकती, ऐसा लगता है कि उन्हें तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है, हो सकता है कि तुम निजी तौर पर उसके साथ कुछ अजीब गरीब सौदा करके आए हो। जो कि देखते ही डोंग से कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सिस्टर फायरफॉक्स, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। जो कि सुनते ही फायरफॉक्स उसे कह रही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो एक अमीर औरत है और वो कुछ भी कर सकती है। तो डोंग रोते हुए कह रहा होता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। और वो जी क्विंग से कह रही होती है, जी क्विंग क्या तुम कुछ समय के लिए मेरी सिस्टर जियाओ जी का ख्याल रख सकती हो? मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा। जो कि सुनते ही जी क्विंग काफी हैरान होती है और उसे कहती है, क्या तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो डोंग से कहता है, कुछ पुराने दोस्त से मिलने के लिए। और ये कहते ही वो वहाँ से चले जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जियाओ वन लोंग काफी गुस्से से दीवार पे मारते हुए कह रहा होता है, धिक्कार है डोंग से तो पहले से एक ई रैंक का रियूनिटर है। तो सोन फेंग कहती है, ये टैलेंट ये मेरे बेटे का होना चाहिए, लेकिन सब कुछ इस डोंग जी का हो गया और मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये काफी जल्दी मेरे हाथों मरने वाला है। तभी अचानक से सोंग फेंग के ऊपर वार होता है और वो वहीं पर ही मर जाती है। जो कि देखते ही जिया वन लोंग काफी ज्यादा रन उतर कहता है, क्या ऐसा कैसे हुआ? तभी डोंग से कहता है, क्या तुम उस रेस्टोरेंट में हुए शो से सेटिस्फाइड थे? जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा रन उतर कहता है, क्या डोंग जी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डोंग से कहता है, तो मैंने सोंग फेंग को उसके बेटे और उसके पति के पास भेज दिया है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, हमारे बीच अभी भी दुश्मनी है, लेकिन मैं इसे सुलझाना चाहता हूँ, तुम क्या कहते हो? तो जिया वन लोंग कह रहा होता है, क्या? डोंग से कहता है, हाँ क्या हम लोग इसे डेथ गेम से सुलझा सकते हैं? जो कि देखते ही जिया वन लोंग वो घुटने पे आ जाता है और कहता है, नहीं मैं समझता हूँ, मैं अब और तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त को परेशान नहीं करूंगा, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो डोंग से कहता है, अच्छा है, मुझे सुनकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और फिर हमें अगले दिन मिनिस्टर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिनिस्टर की सीट पे झांग थिंग बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पे मिनिस्टर आते हुए कह रहे होते हैं, थिंग सीआई हर कोई मेरे सीट में नहीं बैठ सकता। जो कि सुनते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, डैड मैं काफी ज्यादा थक चुका था तो इसलिए
इसलिए मैं यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए बैठा था। तभी वो मिनिस्टर अपने बॉडीगार्ड से कहता है बाहर चले जाओ, हमें कुछ मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। और ये क्विंशी एरिया का मिनिस्टर होते हैं जो कि रैंक बी में होते हैं। जांगनिंग कह रहा होता है प्लीज आप सीट पे बैठ जाइए, जो कि सुनते ही वो सीट पे बैठ जाते हैं और कहते हैं इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोगों की ही इज्जत होती है, मैं इस सिचुएशन में बैठ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बी रैंक के रियूनेंडर की कॉम्बैट एबिलिटी है। लेकिन तुम कड़ी मेहनत नहीं करते और फ्यूचर में एक लो रैंक के रियूनेंडर के रूप में रहते हो, तुम्हें तो कूड़ेदान में रहना चाहिए। तो जांगनिंग उसे कहता है पिताजी हालांकि मैं एक एफ रैंक के रियूनेंडर हूँ, लेकिन मैंने हाल ही में कड़ी मेहनत की है और मैं जल्द ही ए रैंक का रियूनेंडर बन जाऊंगा। यानिंग क्या मैं सही हूँ? तो यानिंग कुछ बोल नहीं रहा होता है। तभी मिनिस्टर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि तुम ए रैंक के रियूनेंडर बनने से कितने ज्यादा दूर हो? पहले तुम यहाँ से जाओ और इंगसंग को यहाँ पे रहने के लिए कहो क्योंकि मेरे पास उसके लिए कुछ काम है। तो जांगनिंग बाहर जाते हुए कह रहा होता ठीक है डैड, हम लोग बाद में बात करेंगे, और ये कहते वो बाहर खड़े हो जाता है और अपने मन में कहता है मैं बस डैड के साथ कल के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी उन्हें मैं और नाराज नहीं करना चाहता और उसके मैंने डोंगजी के साथ में बाद में निपटूंगा। दूसरी तरफ इंसान वो मिनिस्टर से कह रहा होता है मिनिस्टर आपके पास मेरे लिए क्या ऑर्डर है? तो मिनिस्टर से कह रहे होते हैं कुछ दिन पहले पर्पल गोल्ड कंसोर्टियम की स्कॉट टीम में से एक का उस जंगल में कॉन्टेक्ट टूट गया था और शायद जरूर इस पे ली हाओ गैंग का रेड होगा। तो इंसान कह रहा होता है क्या आप ये चाहते हैं कि मैं उस हॉस्टेज को रेस्क्यू करूं और उसके साथ साथ सारे के सारे सामान को वापस लेके आऊं? तो ये सुनते ही वो मिनिस्टर कह रहे होते हैं नहीं, वो सारा का सारा सामान इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो इस पिक्चर में जो दिख रहा है वो बच्चा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो और उसे मार डालो, अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मैं उसकी लाश देखना चाहूंगा। ये सुनते ही वो काफी ज्यादा होता है, कहता है क्या एक बच्चे को मारना? जो कि सुनते ही मिनिस्टर कहता है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिस्टर से कहता है तुम 3 E रैंक और 5 5 रैंक के रियूनेंडर्स को लीड करोगे और उनके साथ वहाँ पे जाओगे, और अगर तुमने इस मिशन को कम्प्लीट नहीं किया तो इसके रिजल्ट को पे करने के लिए तैयार रहना। तो वह इंसान घबराते हुए कह रहा होता है मैं जरूर इस मिशन को पूरा करूंगा, और ये कहते वो बाहर चले जाता है और अपने अपने कहता है 3 E रैंक और 5 F रैंक के रियूनेंडर सिर्फ एक बच्चे को मारने के लिए, आखिर उसकी आइडेंटिटी क्या है? कोई बात नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, अगर वो बच्चा नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगा और मुझे ये करना ही होगा। दूसरी तरफ वो मिनिस्टर कह रहा होता है मैं कभी भी नहीं जानता था कि जिया फैमिली के दूसरे मास्टर की ना केवल एक नाजायज बेटी बल्कि उसका एक दूसरा नाजायज बेटा भी है। मेरे लिए ये लकी है कि जिया फैमिली के मिनिस्टर ने मुझसे वादा किया है कि जब तक उस बच्चे को मार दिया जाता है तब किंगशी एरिया का पर्पल गोल्ड कंसोर्टियम मुझे मैनेज करने के लिए सौंप दिया जाएगा और मैं इसके साथ बहुत ही ज्यादा पैसा बना सकता हूँ। दूसरी तरफ हम पॉइजन वुल्फ को देखते हैं जो कि डोंगजी को बुला रहा होता है और कहता है डोंगजी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आओ, जो कि सुनते ही डोंगजी यहाँ पे आता है और वो पॉइजन वुल्फ सभी लोगों से कह रहा होता है ठीक है सब लोग ध्यान से सुनो, एक बार जब हम लोग जंगल में होंगे और जब हमारे आसपास कोई भी नहीं होगा तो डोंगजी वो टेम्पररी हमारा वाइस कैप्टन होगा। जो कि सुनते ही सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये नौ सिखिया ये वाइस कैप्टन कैसे बन सकता है? तो वो बिकाओ कहता है बॉस जोक करना बंद करो हमारे साथ, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी डोंगजी कहता है बॉस अचानक ये काफी ज्यादा हो गया है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूँ। तभी पॉइजन वुल्फ सभी लोगों से कह रहा होता है क्या तुम लोगों ने टेम्पेस्ट थंडर में डोंगजी का परफॉर्मेंस नहीं देखा है? ये तुमसे कई ज्यादा बेटर है, और इसके अलावा तुम लोग काफी ज्यादा आलसी हो रहे हो और अच्छी तरह से मेहनत नहीं कर रहे हो। डोंगजी अब एक ई रैंक रियूनेंडर बन चुका है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जो कि सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वो एक ई रैंक अंडर बन चुका है? तो फायरफॉक्स कह रही होते हैं डोंगजी ने इजीली इंसान को डरा दिया, वो भी अपने ऑरा के साथ, जो कि सुनते ही इसके दिमाग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी पॉइजन वुल्फ कहता है उसी के साथ साथ डोंगजी वो क्यूए यूनिवर्सिटी में भर्ती हो चुका है जहाँ पे वो बी रैंक के अंडर के जरिए पढ़ाया जाएगा और उसी के साथ साथ वो पर्पल गोल्ड कंसोर्टियम से रिसोर्स रिसीव कर सकता है और फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। जो कि सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। डोंगजी कहता है बॉस अब बस हो गया है इतना भी मत कहो। तभी पॉइजन वुल्फ कहता है एनीवेज इस मिशन में तुम सभी लोग डोंगजी की बातें सुनोगे ठीक है? तो डोंगजी कहता है ठीक है सभी लोग मैं तुम लोगों की देखभाल करूंगा, और वो अपने अपने कह रहा होता है क्योंकि मेरे पास मैनेजर जियाओ का एक इम्पोर्टेंट मिशन है, तो अगर स्किनी मंकी और दूसरे लोग मेरी बातें सुनते हैं तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। स्किनी मंकी उसके पास आते हुए कह रहा होता है बच्चे तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए हो लेकिन तुम पहले ही एक ई रैंक के अंडर बन चुके हो, लगता है यूजिन की वो मेडिसिन वो काफी ज्यादा यूजफुल लगती है, मुझे लगता है कि मुझे भी एक बोतल ले लेनी चाहिए। जो कि सुनते ही पॉजिटिव वुल्फ चिल्लाते हुए कह रहा होता है बकवास बंद करो, और ये कहते ही वो स्किनी मंकी को एक किक करता है और कह रहा होता है चलो आगे बढ़ो, अगर हम अभी आगे नहीं बढ़ते तो लेट हो जाएगी, और ये कहते हैं वो लोगों से शटल में बैठते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कि पॉइजन वुल्फ और उसकी टीम मिशन के लिए रवाना हो जाती है जहाँ पे स्किनी मंकी मैप को दिखाते हुए कह रहा होता है मैनेजर जिया ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग एस्कॉर्ट टीम उनका आखिरी लोकेशन रूट नंबर 2 पर था जो की लीहुओ गैंग के इलाके में आता है। उसी के साथ साथ वहाँ पे रियूनिस्टन बीस्ट के हमलों के अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि शहर से उन्हें लीहुओ गैंग के जरिए पकड़ लिया गया हो। तो पॉइजन वुल्फ कहता है हम सबसे पहले उस जगह को जांच करेंगे जहाँ उनका लास्ट लोकेशन था, शायद हमें वहाँ पे कुछ सुराग मिल जाए। तो डोंगजी वो अपने में कह रहा होता है अगर ये
ह्यूस्टन बीस्ट के हमले से होगा तो शायद उनका सामान वहीं पर ही रह जाएगा। लेकिन हालांकि अगर वो ली हुआ गैंग से भिड़ जाए तो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और ये हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और वो पॉइजन वुल्फ से कह रहा होता है, बॉस ली हुआ गैंग की कॉम्बैट एबिलिटी वो कितनी है और उनका मोटिव क्या करना है। जो कि सुनते ही पॉइजन वुल्फ कह रहा होता है, ली हुआ गैंग का लीडर ई रैंक एक पीक हंटर है और वो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। तो डोंग जी वो अपने मन में कहता है, इसका मतलब यह है कि चाहे से जियाओ चुआन वो अभी भी जिंदा है और कुछ अच्छी खबर है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि यूजिन का एश गैंग उनका मोटिव क्या था। और डोंग जी पॉइजन वुल्फ से कह रहा होता है, वैसे एश गैंग के बारे में क्या। जो सुनने के बाद वो पॉइजन वुल्फ वो हंसते हुए कह रहा होता है, क्या यूजिन वो तो एक डी रैंक का रून मास्टर है और उसके साथ साथ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आदमी है और बस उसका एक ही टारगेट है मिनिस्टर झांग का इसको टीम। जो सुनने के बाद डोंग जी कह रहा होता है, हाँ ये समझ में आता है क्योंकि यूजिन की मिनिस्टर के साथ काफी ज्यादा दुश्मनी है। और फिर उसके बाद वो सभी लोग उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारे जानवर होते हैं। वो लोग वहाँ पे उतरते हुए कह रहे होते हैं, हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, जहाँ पे पॉइजन वुल्फ कहता है यहीं पर स्कॉट टीम की लोकेशन वो टूट गई थी, तो चलो चारों ओर देखते हैं शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। तब स्किनी मंकी अपने गैजेट निकालते हुए कह रहा होता है, हम किसी भी निशान को खोजने के लिए मेरे यूनिस्टन स्काउट का यूज कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा है। और ये कहते वो उसको यूज करता है और कहता है ये 300 मीटर के आगे एक एनर्जी को ट्रेस कर रहा है। जो सुनने के बाद पॉइजन वुल्फ कहता है, ठीक है डोंग जी वो हमारी टीम को लीड करेगा, मैं आगे जाकर चेक करता हूँ कि आगे कुछ है कि नहीं। जो सुनने के बाद डोंग जी कहता है, ठीक है बॉस। और वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ गाड़ियाँ मिलते हैं, जो देखने के बाद डोंग जी कह रहा होता है ये जरूर उन्हें स्कोर्ट का गाड़ियाँ होगा। और वो लोग वहाँ पे छानबीन करने लगते हैं जहाँ पर डोंग जी कह रहा होता है, मुझे यहाँ पे कोई भी लाश नहीं दिख रही है, इसलिए इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि स्कॉट टीम अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ वो फायरफॉक्स वो सामान को देखते हुए कह रही होती है, सामान यहाँ से ले लिया गया है, ऐसा लगता है कि वे एक जंगली गैंग से भिड़ गए थे। तभी पॉइजन वुल्फ डोंग जी को बुलाता है और कहता है, डोंग जी यहाँ पे आओ और इसे देखो। और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे गहरा सा निशान है, जो कि देखते ही डोंग जी कह रहा होता है ये तो एक हमले से बचा हुआ निशान है। इसके साइज को देख के लगता है कि ये किसी दुश्मन ने किया होगा, शायद ये कोई ई रैंक का रियूनिस्टोन स्किल डिस्टेंट फायर फ्लैश है। जो कि सुनते ही पॉइजन वुल्फ कहता है, वेल डन, ये बिल्कुल करेक्ट है, तुमने बिल्कुल सही बोला। और डिस्टेंस फायर स्लैश ये एक रेयर रियूनिस्टोन स्किल है जो कि ली हो गैंग के लीडर वांग शेन यांग के पास है, तो इससे हमें पता लग गया है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो डोंग जी कहता है, हाँ वांग शेन यांग के टीम ने स्कॉट टीम को लूट लिया है और उन्हें अपने पास बंदी बना लिया है। तभी वो अपने सामने कुछ लिक्विड को देखता है, जो कि देखते ही वो कह रहा होता है, लेकिन ये काला सा लिक्विड आखिर ये क्या है। जो देखने के बाद वो दूसरा बंदा कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जानते हैं कि ली हो गैंग ने ऐसा किया है, तो हमें जल्दी ही बॉस जियाओ को इन्फॉर्म कर देना होगा और उन्हें रिइंफोर्समेंट टीम भेजने के लिए कहना होगा। तो स्किनी मंकी कहता है, हाँ ली हो गैंग में कम से कम 20 लोग से भी ज्यादा लोग है और वांग शेंग यान वो ई रैंक के पीक पे है, तो हमारी छोटी सी टीम उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो हमें चींटी की तरह मसल देंगे। दूसरी तरफ डोंग जी वो ये लिक्विड को देखते हुए अपने में कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत पहले नहीं छोड़ा गया है, ये तो फ्यूल की तरह स्मेल कर रहा है, आखिर ये क्या हो सकता है, क्या ये ई रैंक रियूनबिस्ट का फायर एलिफेंट तो नहीं। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हर कोई यहाँ नहीं रुक सकता, अभी चलो शटल में वापस जाओ नहीं तो काफी ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। जो कि सुनते स्किनी मंकी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डोंग जी आखिर क्या हो गया है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तभी वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे काफी तेजी से एक ई रैंक रियूनबिस्ट बीस्ट फायर एलिफेंट उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो स्किनी मंकी को हिट करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे पॉइजन वुल्फ आ जाता है और उसे दूर हटाते हुए उसे बचा लेता है। लेकिन वो जो फायर एलिफेंट होता है वो उसे हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी होता है। जो कि देखते ही स्किनी मंकी चिल्लाते हुए कहता है, बॉस क्या तुम ठीक हो। तो पॉइजन वुल्फ कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग साधन रहना और इस फायर एलिफेंट से दूर हो जाओ। और वो अपने सीने को पकड़ते हुए अपने में कहता है, धिक्कार है, लगता है कि मेरी पसले टूट गई है। दूसरी तरफ वो स्किनी मंकी वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं काफी ज्यादा लापरवाह था और मुझे बचाने के लिए बॉस घायल हो गए। तभी वो फायर एलिफेंट वो पॉइजन वुल्फ को मारने वाला होता है, जो कि देखते ही फायरफॉक्स चिल्लाते हुए कहती है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता बॉस। तभी अचानक वो फायर एलिफेंट के ऊपर अटैक होता है जिससे कि वो पीछे हट जाता है, जो कि देखते ही सभी लोग हैरान होते हैं। और वो लोग देखते हैं कि डोंग जी ने रियूनस्टोन आर्मर रॉयल वाइन का यूज किया है और उसके साथ साथ डी रैंक का रियूनस्टोन स्किल बेजर्क वाइन स्लैश का यूज किया है। ये देखते ही पॉइजन वुल्फ कहता है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू बच्चे। और डोंग जी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, ब्रदर माउंटेन टाइगर और बिग बुल इस फायर एलिफेंट को बिजी रखो और इसे बॉस के पास जाने मत दो। सिस्टर फायरफॉक्स और स्किनी मंकी तुम दोनों मेरे पीछे से कवर दो। और सभी के सभी मिलकर उस पर अटैक कर रहे होते हैं, जो कि देखते ही पॉइजन वुल्फ कहता है, मैं सही था, डोंग जी लीडर बनने के लिए पैदा हुआ है और एक बार जब ये क्यूयाओ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाएगा ये सच में एक यूनियन कमांडर बन जाएगा। उसी तरफ डोंग जी अपने वेपन निकालते हुए अपने मन में कहता है, तो ठीक है टाइम आ गया है इसे खत्म करने का। ये कहते हैं वो अपने ई रैंक के रियूनिस्टन स्किल रैपिड फायर और उसी के साथ साथ ई रैंक के रियूनिस्टन स्किल साइक्लोन बीस्ट का यूज करता है और उसके वार से ही वो फायर एलिफेंट वो मर जाता है। जो कि देखते ही फायरफॉक्स वो अपने में कह रही होती है, क्या ये खत्म हो गया है।
है। फायर एलिफेंट ये एक पावरफुल ए रैंक के रिनिस्टन बीस्ट है, वो इतनी जल्दी इतनी इजीली कैसे डिफीट हो गया। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए स्किन मंकी कह रहा होता है, जब हम एक मार्बल काओ का शिकार कर रहे थे जो कि एक ए रैंक का था, जिसे हमने अपने जाल में बिछाने के लिए पूरे के पूरे आधा महीना लगा दिया, लेकिन अब देखो ये कुछ ही पल में मिट गया और वो माउंटेन टाइगर और बिग काओ दोनों ही। डोंग जी से कह रहे होते हैं, डोंग जी तुम तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। तो डोंग जी कहता है थैंक यू, लेकिन ये टीम का एफर्ट है। वैसे भी क्या मैं सबसे पहले बॉस को चेक नहीं करना चाहिए कि उनकी हालत कैसी है? तो फायरबॉस कह रही होती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तो लगभग इसके बारे में भूल ही गई थी। जो कि देखते ही पॉजर रूफ चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम लोग सच में मेरे साथी हो? ऐसे नहीं हो सकता, तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? और फिर उसके बाद फायरफॉक्स पॉजर रूफ की थोड़ी मरम पट्टी करती है और पॉजर रूफ कह रहा होता है, मेरी कुछ हड्डियां भी टूट गई है लेकिन मैं सच में जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो फायरफॉक्स डोंगजी के पास आते हुए कह रही होती है, डोंगजी बॉस भी आउट हो चुके हैं तो अब टाइम आ गया है रिप्लेस होने का। तो डोंगजी कह रहा होता है, सिस्टर फायरफॉक्स क्या तुम जोक तो नहीं कर रही हो? जो कि देखते ही वो पॉजर रूफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ पे सुन सकता हूँ, मैं बस इंजर्ड हुआ हूँ, मरा नहीं हूँ। तो क्या फायरफॉक्स तुम जल्दी मरना चाहती हो? दूसरी तरफ स्किनी मंकी वो फायर एलिफेंट को देखते हुए कह रहा होता है, ये फायर एलिफेंट का लास्ट ये तो एक खजाना है, इसके प्राइस मार्वल का उसे कम नहीं है और हम तो अमीर बनने जा रहे हैं। और ये कहते हैं वो उस बीस्ट के रियून स्टोन को डोंगजी के पास दे देता है और कहता है, डोंगजी हमने तुम्हारे वजह से ही इस फायर एलिफेंट को हराया है, तो इसलिए ये रियून स्टोन क्रिस्टल भी तुम्हारे पास ही होना चाहिए। जो कि देखते ही डोंगजी अपने में कहता है, मैं भी प्रेजेंट में ए रैंक के पीक पर हूँ और इसलिए अगर मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ तो मुझे रियून स्टोन की एक बड़ी मात्रा को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी में इनरोल होने से पहले मुझे काफी सारे रियून स्टोन को कलेक्ट करना होगा। पॉजल कह रहा होता है, ये प्लेस काफी ज्यादा डेंजरस है, चलो फायर एलिफेंट की लाश को यहीं पर ही छोड़ देते हैं और सबसे पहले शटल पर वापस लौटते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए कह रहा होता है, ये हमारा लीहुओ गैंग टेरिटरी है और ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम लोग जब चाहे आ जा सकते हो। जो कि देखते ही डोंगजी काफी हैरान होता है और अपने मन में कहता है, थिक्कार है, उन्होंने हमें पहले ही ढूंढ लिया है। और वो जो बंदा होता है वो अपने शटल पे खड़े होते हुए कह रहा होता है, मैं हैरान था कि ये कौन होगा, लेकिन इसे देखिए ये पता चलता है कि ये तो फेमस ब्लड वुल्फ मर्करी टीम है और ये वही लीहुओ गैंग का लीडर होता है वांग शेन यान। और वो उन लोगों से कह रहा होता है, ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, तुम लोगों ने एक फायर एलिफेंट को मारा है जो की ए रैंक का था, लेकिन तुम्हारी टीम की कॉम्बैट एबिलिटी के साथ तुम लोगों ने एक ए रैंक के रियूनिस्टन बीस्ट का शिकार करने के लिए एक कीमत चुकाई होगी, है ना? ऐसा लगता है कि जैसे पॉजल वुल्फ ये घायल हो चुका है, तो क्या तुम लोग अभी भी लड़ सकते हो? जो कि सुनते ही पॉजल वुल्फ कहता है, वांग शेन यान प्लीज यहाँ से चले जाओ और हमारा टाइम बर्बाद मत करो। जो कि सुनते ही वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए कह रहा होता है, ये फायर एलिफेंट ये अब हमारा होगा और ये काफी ज्यादा कीमती है, इससे मैं काफी ज्यादा फायदा होगा। जो कि सुनते ही वो पॉजल वुल्फ वो अपने कह रहा होता है, हम लीहुओ गैंग के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है और उनसे लड़ना ये खतरनाक साबित हो सकता है। और वो उन लोगों से कह रहा होता है, ठीक है तुम लोग उसे ले लो, हम वैसे भी वापस जा रहे हैं। और ये कहते हुए अपने साथियों से कह रहा होता है, चलो हम शटल में वापस लौटते हैं। ये कहते हुए वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी वांग शेंग यान उन पर अपना डिस्टेंस फायर स्लैश का अटैक करता है, जो कि देखते ही वो सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। वो माउंटेन टाइगर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वांग शेंग यान आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अब तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हो रहा है, हम यहाँ से चुपचाप जा रहे थे लेकिन तुम हमें क्यों रोक रहे हो? तो वांग शेंग यान कहता है, यहाँ तक कि मेरी टेरिटरी से एक पंछी भी यहाँ से गुजरता है तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता, और जबकि तुम लोग मेरी टेरिटरी में हो तो मेरा स्टाइल ऐसे नहीं है कि मैं तुम लोगों को ऐसे जाने दूँ। ये कहते हैं वो अपने साथियों से कह रहा होता है, हमारे वीआईपी गेस्ट को हथकड़ियाँ पहना दो और इन्हें अपने बेस पे ले चलो। जो कि देखते ही डोंगजी वो अपने में कह रहा होता है, जंगल में सर्वाइव करना इतना ज्यादा इजी नहीं है, वांग शेंग यान वो काफी ज्यादा बुरा है और वो हमें ऐसे ही जाने नहीं देगा, उसी के साथ साथ हमारा लूहो गैंग के साथ कोई भी मैच नहीं है, अगर हम लोग इससे लड़े तो हम लोग ही मारे जाएंगे, तो इसीलिए हमें शांति से काम बनाए रखना होगा। तभी स्किनी मंकी उसके पास आते हुए कह रहा होता है, डोंगजी यहाँ पे कोई झगड़ा मत करना, प्लीज शांत रहना। जो कि सुनते ही डोंगजी कहता है, हाँ ठीक है मैं जानता हूँ, और वो अपने में कह रहा होता है, तो ये सब देख के लगता है कि जियाओ जियाओ चुआन को जरूर लीहुओ गैंग ने किडनैप कर लिया होगा, और अगर मैं उनके बेस पे चले जाऊँ तो शायद मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, और जब टाइम आएगा तो इनसे बचना ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मुझे अपना ट्रम्प कार्ड वो छुपा के रखना होगा ताकि इन्हें कुछ पता ना चले और मैं इजिली यहाँ से बच के भाग पाऊँ। तभी उसके पास और एक बंदा आते हुए कह रहा होता है, बच्चे अपने हाथों को ऊपर करो और तुम्हारे जितने भी सारे इक्विपमेंट और यूनिस्टोन्स है वो सारे के सारे बाहर निकालो, कुछ भी मत छुपाना, और अगर मुझे कुछ मिला तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। जो कि सुनते ही डोंगजी वो अपने रीच इंस्टेंट को बाहर निकालते हुए उसे दे देता है और उसे कहता है, मेरे पास बस यही है। जो कि सुनते ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है, बच्चे क्या तुम अमीर तो नहीं हो? तुम्हारे पास दो रियून स्टोन है, लगता है तुम किसी अमीर फैमिली से हो। जो कि देखते ही डोंगजी वो अपने में कहता है, मेरा सारा का सारा मेन रियून स्टोन वो मेरे सिस्टम इन्वेंट्री में है, तो इसलिए वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसके पास बाकी सारे बंदे हथकड़ियां लेते हुए आ रहे होते हैं और उसे हथकड़ियां पहना देते हैं। वहाँ पे वांग शेंग यान सभी लोगों से कह रहा होता है, यह हथकड़ियां स्पेशली डी रैंक और उससे ऊपर के रियून हंटर के लिए बने हैं जो कि उनकी रियून एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, सो इसलिए अगर तुम यहाँ पे स्ट्रगल करते हो तो तुम्हें ही नुकसान होगा और तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होगा, तो
इसलिए स्ट्रगल मत करो। ये कहते हुए अपने साथियों से कह रहा होता है ठीक है इन्हें अपने बेस पे ले चलो और फिरौती के लिए इनके रिश्तेदार या फिर इनके फ्रेंड्स से कॉन्टेक्ट करो ताकि हमें पैसा मिल पाए और अगर तुम लोग मुझे फॉलो करते हो तो शायद तुम लोग रोज इंजॉय कर पाओ। जो कि सुनते ही इसके साथ ही लोग कह रहे होते हैं यस बॉस तुम तो काफी ज्यादा बेस्ट हो। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं मैंने सुना है कि हमने आज बहुत ही बड़ी कमाई की। तो दूसरा बंदा कहता है क्या बॉस ने किसी लड़की को किडनैप कर लिया है क्या। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके बॉस का सेटल वो आ जाता है जो कि देखते ही वो लोग कह रहे होते हैं बॉस आ गए हैं जल्दी उनका स्वागत करो। तभी उनके सामने वो फायर एलिफेंट नीचे गिरता है जो कि देखते ही वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं क्या ये तो फायर एलिफेंट है। तो दूसरा बंदा कहता है ये फायर एलिफेंट ये ई रैंक के पीक पे है क्या ऐसे बॉस नन किया है। तभी वांग शेंग यान उन लोगों से कह रहा होता है आखिर तुम लोग किसका वेट कर रहे हो जल्दी टाइम वेस्ट मत करो और इस बिस्ट को जल्दी से यहाँ से ले जाओ। जो कि सुनते ही वो दूसरा बंदा कहता है हाँ बॉस हम इसे तुरंत ले जाएंगे। तभी वांग शेंग यान दूसरे बंदे से कह रहा होता है पॉइजन वुल्फ को ले जाओ और जेल में डाल दो उसी के साथ साथ सारे के सारे साथियों को अलग अलग करके अलग अलग सेल में डाल दो। जो कि सुनते ही वो बंदा कहता है ठीक है बॉस। ये कहते हुए पॉइजन वुल्फ से कह रहा होता है तेजी से चलो अब जबकि तुम हमारे बेस में हो तो भले ही तुम टाइगर हो या फिर कोई ड्रैगन तुम्हें यहाँ पे अच्छे से व्यवहार करना होगा नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो फायरफॉक्स डोंग जी से कहती है चिंता मत करो ली हो गैंग सिर्फ पैसे के पीछे है तो इसलिए हम खतरे में नहीं है और जब उन्हें पैसा मिल जाएगा तब वो हमें रिहा कर देंगे। तो डोंग जी कहता है हाँ मैं समझता हूँ। तभी पॉजिटिव वुल्फ डोंग जी से कह रहा होता है डोंग जी तुम टेम्पेस्ट ट्रायल से बच गए तो इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि सभी को अलग अलग सेल में डाल दिया जाता है और वो बंदा डोंग जी को भी किसी दूसरे सेल में लात मार के भेज देता है और उसे कहता है जब फिरौती मिलेगी तब हम तुम्हें रिहा कर देंगे। जो कि सुनते ही डोंग जी वो अपने मन में कहता है मुझे आशा है कि इतना ही आसान होगा। तभी इसके पीछे से एक बंदा उसे कह रहा होता है बच्चे चिंता मत करो एक बार जब इन्हें पैसा मिल जाएगा तो हम लोग सुरक्षित रूप से यहाँ से जा सकते हैं। डोंग जी वो अपने मन में कहता है वांग शेंग यान को यह चिंता है कि अगर हम लोग एक साथ हो जाए तो हम लोग यहाँ से बच के भाग सकते हैं तो इसलिए उसने हमें अलग अलग सेल में बंद कर दिया लेकिन ये मेरे टारगेट को खोजने के लिए और भी ज्यादा अच्छा है और मुझे पता लगाना होगा कि जियाओ जियाओ चुआन क्या वो इसी सेल में है। तभी अपने सामने देखता है कि वहाँ पे एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ होता है जो कि देखते ही वो अपने मन में कहता है ये बच्चा ये तो मुझसे भी छोटा दिखता है क्या ये वही तो नहीं। ये कहते हुए उसके पास जाता है कि तभी जियाओ जियाओ चुआन उस पर अटैक कर देता है लेकिन डोंग जी उसके हमले से बच जाता है जो कि देखते ही डोंग जी कहता है ये क्यूमिना ये मुझ पर हमला क्यों कर रहा है। तभी उनमें से बंदा कह रहा होता है इनकी पर्सनैलिटी ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है तो इसलिए इसे इग्नोर करो। तभी दूसरा बंदा उसके पीछे से कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि स्कॉट टीम तुम्हें हमारे साथ क्यों लाई लेकिन तुम सिर्फ एक मुसीबत हो। ये सुनने के बाद डोंग जी उन लोगों से कह रहा होता है क्या तुम लोग पर्पल गोल्ड कंसोर्टियम की स्कॉट टीम में हो। जो कि सुनते ही उनमें से एक बंदा कहता है हाँ ये सही है लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। डोंग जी उस बच्चे को देखते हुए अपने उनमें कहता है तो ये जियाओ जियाओ चुआन होना चाहिए वो काफी ज्यादा डिफेंसिव है वो न केवल मुझसे सावधान है बल्कि स्कॉट टीम के रियूनियन से भी काफी ज्यादा सावधान है वो काफी ज्यादा चौकन्ना भी है क्या उसे अपनी आइडेंटिटी का एक्सपोज होने का डर है ऐसा लगता है कि वो मुझ पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा। और डोंग जी उन लोगों से कह रहा होता है मैंने अभी बाहर सुना था कि पर्पल गोल्ड कंसोर्टियम की स्कॉट टीम को लूट लिया गया था लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा भी ऐसा हश्र होगा। जो कि सुनते ही वहाँ पे एक ओल्ड मैन वो कह रहा होता है क्या क्या ये न्यूज शहर तक पहुँच गया है शायद मैनेजर को भी ये पता लग गया होगा क्या मैनेजर जियाओ ने हमें छुड़ाने के लिए कोई फिरौती तैयार की या नहीं। डोंग जी कहता है मुझे नहीं पता। तो वो बंदा कहता है मैनेजर जियाओ वो हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे वो जरूर हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। दूसरी तरफ डोंग जी वो जियाओ जियाओ चुआन को देखते हुए अपने में कहता है अब मुझे इसे सुरक्षित बाहर ले जाने का कोई तरीका सोचना होगा। सीन चेंज होता है हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम दूसरे गुंडों को देखते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं ये फायर एलिफेंट ये तो काफी ज्यादा कीमती है इसका थोड़ा सा टुकड़ा ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। जो कि सुनते दूसरा बंदा कहता है वैसे भी जब हमारा बॉस हमारा हिस्सा दे देंगे तब हम लोग सिटी में जाएंगे और खूब सारी पार्टी करेंगे हम लोग बहुत मजा करेंगे। तभी उनमें से दूसरा बंदा कहता है अपनी और तो देखो एक फायर एलिफेंट वाला हाथी तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड कर सकता है तो जिस टीम को हमने कुछ दिन पहले लूटा था वो पर्पल गोल्ड कंसोर्टियम की है और वैसे भी बॉस ने उनके लोगों को कॉन्टेक्ट किया है और एक बड़ी फिरौती मांगी है तो ये एक सच्ची किस्मत होगी। जो कि सुनते ही वो दोनों काफी साधारण होते हैं और कहते हैं हम लोग तो अमीर बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग शेंग यान वो अपना लैपटॉप चला रहा होता है जहाँ पे वो पर्पल गोल्ड कंसोर्टियम को मैसेज भेज रहा होता है और कहता है पर्पल गोल्ड कंसोर्टियम ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसी के साथ साथ हम उससे बहुत ही ज्यादा पैसा पा सकते हैं या फिर कहो कि हम शायद आधे महीने के लिए एक अच्छी लाइफ जी पाए इससे तो हम लोग बहुत ही ज्यादा मजा कर पाएंगे। और ये कहते हैं वो अपने दूसरे साथी से कहता है हे तुम। जो कि सुनते ही वो बंदा कहता है क्या ऑर्डर है बताइए प्लीज। तो उसके बॉस उससे कहता है मैंने हाल ही में किसी लड़की के साथ एंजॉय नहीं किया है तो मुझे याद है कि पॉइजन वुल्फ की टीम में एक लड़की थी तो उसे मेरे कमरे में लेके आओ। सीन चेंज होता है हम डोंग जी को देखते हैं जो कि एक जगह बैठा हुआ होता है और अपने में कहता है मेरी कॉम्बैट एबिलिटी के साथ अकेले यहाँ से बचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वांग शेंग यान वो मुझे रोक नहीं सकता लेकिन अगर मुझे जियाओ जियाओ चुआन लीडर और बाकी सभी दोस्तों को बचाने की जरूरत हो तो ये काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। लकीली मैंने पहले बॉस यूजिन को कॉन्टेक्ट कर लिया है अब ये उनके ऊपर है वो मुझे बचाने के लिए आएंगे या फिर नहीं। तभी वो दूसरा बंदा उन्हें चार बन देता है जो कि देख
देखते ही डोंग से कहता है, क्या हम लोग 6 लोग हैं और ये सिर्फ 4 बन है, इनका क्या करे। जो कि सुनते वो बंदा कहता है, क्योंकि ये सिर्फ 4 बन है और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मत खाओ। तभी डोंग से देखता है कि वो 4 बन के लिए बाकी सभी लोग लड़ाई करने लगते हैं, जिसमें से वो ओल्ड मैन दूसरे बंदे से कह रहा होता है, क्या दूर हटो, ये मेरा है, मैं टीम का लीडर हूँ और अगर तुम मुझे इसे छीनने की हिम्मत करते हो तो मैं ये श्योर करता हूँ कि फ्यूचर में मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। जो कि सुनते ही वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चुहान की तरफ देखता है। दूसरी तरफ डोंग जी वो अपने मन में कहता है, ऐसे सिचुएशन में लोग अपने असली रंग दिखा देते हैं। तभी वो देखता है कि वो जो दूसरा बंदा होता है वो चुहान का गला दबाने लगता है और उसे कहता है, ये ब्रेड ये बाहर थूको, ये मेरा है, तुम इसे खा नहीं सकते बच्चे, तुम तो सिर्फ एक ट्रैश हो। तभी डोंग उसे किक मारते हुए उसे दूर हटा देता है। जो कि देखते ही वो कहता है, कमीने क्या तुम मेरा ब्रेड छीनना चाहते हो। हालांकि यहाँ पे ये रूल है कि जो ताकतवर होते हैं वो रूल करते हैं और जो कमजोर होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन किसी बच्चे पर हाथ उठाना ये तो कहता है। तो वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अपने काम से काम रखो, तुम सिर्फ नॉर्मल लोगों को धमकाना चाहते हो। जो कि सुनते ही डोंग से कहता है, हम सबके हाथ बंधे हुए हैं और भागे हुए शिकारियों का कोई फायदा नहीं है, तुम चाहो तो हम लड़ सकते हैं। जो कि सुनते ही वो बंदा कहता है, रहने दो, वैसे भी देखता हूँ कब तक तुम उस बोझ की रक्षा करते हो। तभी उनमें से और एक बंदा अपना आधा खाया हुआ बन उसे दे देता है और कहता है, इसे लो, हम सब यहाँ पे एक ही सिचुएशन में है। तो ये सुनते ही वो बंदा कहता है, थैंक यू। तो वो दूसरा बंदा कहता है, मैं रून अंडर के रूप में लगभग अपने ड्यूटी को भूल गया था और मेरी चिंता और मेरी भूख मुझ पर हावी हो गई थी, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। दूसरी तरफ वो जिया चौहान वो डोंग जी के पास आता है और उसे वो आधा बन देते हुए कह रहा होता है, थैंक यू, मैं काफी ज्यादा सेल्फिश था तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। डोंग जी कहता है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी खाया था और मुझे भूख नहीं है, तो इसे तुम खा लो। चौहान कहता है, क्या सच में। तो डोंग जी कहता है, हाँ हाँ सच में। जो देखते ही चौहान उसे खाने लगता है। डोंग जी अपने में कहता है, सबसे पहले मुझे इसके साथ बात करना चाहिए और उसके भरोसे को जीतना चाहिए। भले ये दो रियून हंटर ये अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये जानना मुश्किल है कि क्या ये लोग जियाओ चुआन के सच्चाई के बारे में जानने के बाद भी मैनेजर जियाओ का साथ देंगे या फिर उन्हें बीट्रे करेंगे। तभी बाहर से फायरफॉक्स की आवाज आती है और वो कह रही होती है, hey, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे मत छुओ। जो कि सुनते ही वो दूसरा बंदर से कहता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे बॉस ने तुम्हें याद किया है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम इसके खिलाफ जाते हो तो तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे और तुम्हें जंगल में फेंक दिया जाएगा। जो कि सुनते ही फायरफॉक्स कहता है, तो ठीक है तुम सही करो। ये सब देखते ही डोंग जी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, वैंग शेंग यान आखिर ये फायरफॉक्स के साथ क्या करना चाहता है। और वो अपने में कहता है, मैं अपने रिनिस्टन वेपन को समन कर सकता हूँ और उसे सिर्फ फायरफॉक्स को बचा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लापरवाही से काम करता हूँ तो मैं जियाओ जियाओ चुआन को बचा नहीं सकता और बाकी लीडर और सभी की जान वो खतरे में हो जाएगी, लेकिन ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि मैं उन्हें फायरफॉक्स से दूर कर सकूं। खैर धिक्कार है, मुझे सबसे पहले फायरफॉक्स को बचाना चाहिए। तभी वो बाहर देखता है कि यहाँ पे और कोई आता है। जो कि देखते ही वो दूसरा बंदा कहता है, आखिर तुम कौन हो, ये लियू गैंग का टेरिटरी है, तुम यहाँ पे ऐसे नहीं आ सकते, क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो। जो कि सुनते ही वो बंदा कह रहा होता है, किसी को भी जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है तो मैं ऐसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ये सब देखते ही डोंग जी वो अपने में कहता है, आखिर ये बंदा कौन है, इसे देख के ऐसा लगता है कि बॉस यूजिन ने तो इसे नहीं भेजा है। दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन उसे देखते हुए कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि कोई हमें बचाने के लिए आया गया है, इनके पहनावे को देख के लगता है कि ये क्विंशी एरिया के मिनिस्टर झांग के जरिए भेजे गए हैं, लगता है ये हमें जरूर बचाएंगे। तो दूसरा बंदा कहता है, ये तो बाकी में काफी ज्यादा बढ़िया है, हम लोग फाइनली इस जगह से जा पाएंगे। दूसरी तरफ वो दूसरा गुंडा वो कह रहा होता है, क्या तुम एक ईरान के रून हंटर हो, आखिर तुम लोग कौन हो। तो वो टकला कहता है, तुम्हें हमें ये जानने की जरूरत नहीं है, हमारे लीडर तुम्हारे लीडर से बातचीत कर रहे हैं जैसे कि हमारे मिशन के लिए है। और ये कहते हैं वो चुआन का फोटो दिखाता है और उससे कहता है, क्या तुमने इस बच्चे को कहीं देखा है, क्या तुम लोगों ने इसे किडनैप किया है। जो कि देखते ही डोंग जी वो अपने में कहता है, ये तो जरूर जियाओ चुआन को ढूंढ रहा है, लेकिन मैनेजर जियाओ ने मुझे ऑलरेडी भेजा है, देखा रहे ये ग्रुप के लोग यहाँ पे जियाओ जियाओ चुआन को मारने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ वो गुंडा वो उसे देखते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम इससे क्या चाहते हो। तो वो टकला उसे चिल्लाते हुए कहता है, बस मुझे आंसर दो। ये सुनते ही वो गुंडा वो सेल को दिखाते हुए कह रहा होता है, वो इसी सेल के पीछे है, वो इसी के पीछे होगा। तो टकला कहता है, मैंने सोचा था कि मुझे इसे ढूंढने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये तो इतनी आसानी से मिल गया है। तो डोंग से अपने मन में कहता है, धिक्कार है अब सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तभी वो टकला एक ही किक से वो दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आते हुए कह रहा होता है, जियाओ जियाओ चुआन हमें तुम्हारे एल्डर सिस्टर ने यहाँ पे भेजा है, चलो हमारे साथ आओ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे।